19वीं सदी। गुलाम भारतवर्ष, तुम साला गुलाम, हमारी चुची के नीचे। If I see more than four people together, you will regret the day you. जब तमाम राजा रजवाड़े अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बने हुए थे, ऐसे में उन्हीं अंग्रेजों के गले की हड्डी बन गई थी एक लड़ाका गांव पिंडारी। पिंडारी, ये लोग सिर्फ लूटपाट पर ही नहीं रुकते, जो इनके हत्थे चढ़ा उसकी जल समाधि बना देते हैं। ये मेरे दत्ता की तलवार सिर्फ फिरंगियों की गर्दनों के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन खोखार पिंडारियों की जिन्होंने अंग्रेजों को भी लूटा, और अंग्रेजों को भारत से भगाने में इनकी भी एक अहम भूमिका रही है। आज की वीडियो में हम पिंडारियों के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास की बीती दो सदियां लुटेरे, पिंडारी या ठगों की करतूतों से रंगी हुई हैं। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रियों के काफिलों को लूटते रहे हैं। यात्रियों को लूटना इनकी फितरत थी और उन्हें जीवित न छोड़ना इनका धर्म। आजीविका के लिए उन्होंने रास्तों से गुजरने वाले व्यापारियों को ठगना और लूटना शुरू कर दिया। चंबल के बीहड़ इन पिंडारियों के भी शरणदाता बन गए। पिंडारियों के निशाना अक्सर व्यापारियों के काफिले ही बनते थे, जो अपना माल बेचकर वजन हल्का कर लौट रहे होते थे। इन पर होने वाले धन की भी मुखबिरों के जरिए खबर लग जाती थी। इसके बाद सिंधिया शासन व अंग्रेजों के राज तक पिंडारियों का आतंक कायम रहा। अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इनकी पहचान करना सहज नहीं था, क्योंकि इनका ठिकाना एक जगह नहीं था। ऐसे में अंग्रेज उन्हें नहीं पकड़ पाते थे और ये अपने काम को अंजाम देने के बाद बड़ी सहजता से निकलकर भीड़ों में समा जाते थे। उनसे रक्षा के लिए अलग दस्ते तैनात किए जाने पड़ते थे। इस दस्ते का नेतृत्व अंग्रेज अफसर विलियम सिलीमैन को सौंपा गया था। इतिहास में सिलीमैन इसलिए मशहूर हैं क्योंकि उसने समूचे मध्यतर भारत को दुर्दांत पिंडारी लुटेरों के जाल से मुक्ति दिलाई थी। स्वतंत्रता के दोनों संग्रामों के दौरान पिंडारियों ने दिया क्रांतिकारियों का साथ। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली चंबल के किनारे 450 वर्ग किलोमीटर फैले इन बीहड़ों में पिंडारियों का आतंक था। हालांकि आज़ादी के लिए लड़ी गई दोनों जंगों में अंग्रेज के विरोध में खड़े रहे। इस जंग में उनके घर बर्बाद हो गए, अंग्रेजों ने उनके घरों में आग लगा दी, लेकिन इन डिगटों ने आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर क्रांतिकारियों ने साथ दिया। वीर फिल्म के बहाने हमने पिंडारियों के अतीत से पर्दा उठाना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इतिहास में जिस चीतू खान के जंगल में चीता खाने की बात लिखी है, उनको अंग्रेजों ने गणेशपुर में रिसायत दी और वहां उनकी मजार है। पिंडारी लोग अब अभियान चला रहे हैं ताकि उनके बारे में इतिहास में सही तथ्य अंकित हो सके। उन्हें गलत इतिहास से शिकायत है। पूर्वजों का शौर्य देख रोमांचित हो गए पिंडारी। आनंद राय गोरखपुर इतिहास की बुनियाद और कल्पना के सहारे पिंडारियों की शौर्य गाथा पर बनी फिल्म वीर को पूर्वांचल में ऐतिहासिक सलामी मिली। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी यहाँ के सिनेमा हॉल गर्म हो गए थे। जुमे की नमाज की वजह से पिंडारी दिन का शो नहीं देख सके। दोस्तों के साथ पिंडारी मुखिया ने रात का शो देखा। पर्दे पर पिंडारियों की शौर्य गाथा देख कर वे लोग रोमांचित हो गए। फिल्म वीर पूर्वांचल में इसलिए बेहद प्रशंसित हो गई क्योंकि अंग्रेजों ने समझौते के तहत पिंडारी सरदार करीम खां को गोरखपुर के सिंकरीगंज में जागीर देकर बसाया था। अब उनकी वंश बेल दूर दूर तक फैल गई है। इस ऐतिहासिक तथ्य को दैनिक जागरण ने 21 जनवरी के अंक में उजागर किया। पिंडारी परिवार के मुखिया अब्दुल रहमत करीम खां और अब्दुल मामूद करीम खां जुमे की वजह से दिन में नहीं जा पाए, लेकिन रात को SRS में शो देखा। एक एक दर्श पर उन लोगों की निगाह जमी थी। पहले उन लोगों ने तय किया था कि यदि फिल्म में उनके पूर्वजों पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पूरी फिल्म पिंडारी कौम की शौर्य गाथा को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए उन लोगों की खुशी बढ़ गई।
फिल्म वीर में पिंडारियों के कबीले में हिंदू मुसलमान दोनों दिखे। फिल्म में हैदर अली पिंडारियों के सरदार हैं, जबकि पूरी फिल्म की कहानी पिंडारी पृथ्वी सिंह के पुत्र वीर के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में इस बात को झुठलाने की कोशिश की गई है कि पिंडारी अमानवी बेहद क्रूर और अराजक थे। माधवगढ़ की युवराजी यशोधरा से प्रेम की शुरुआत ही लूटपाट करने गए वीर के मानवीय गुणों से होती है। पिंडारी परिवार के रहमत खां और महमूद खां यह सुनना पसंद नहीं करते हैं कि पिंडारी लुटेरे और क्रूर थे। उनका कहना है कि पिंडारी कौम हमेशा से बहादुर थी, अन्याय के खिलाफ लड़ी। उन लोगों का कहना है कि फिल्म में हमारी सही समीक्षा की गई है। फिल्म की बारीकियों पर नजर रखने वाले सिनेमा वितरक अख्तर हुसैन अंसारी कहते हैं कि वीर फिल्म में इतिहास के कुछ जीवित संदर्भ हैं, लेकिन काल्पनिक जिंदगी की तस्वीरें सब पर भारी हैं। आनंद राय गोरखपुर पिंडारियों की शौर्य गाथा को प्रदर्शित करने वाली फिल्म वीर पिंडारियों के मुखिया रहमत करीम खां और उनके चचेरे भाई अब्दुल महमूद करीम खां को जितनी अच्छी लगी उतना ही इतिहास के उनकी नाराजगी बढ़ गई। इतिहास में पिंडारियों को बर्बर और लुटेरा लिखे जाने पर उन लोगों ने क्षोभ जाहिर किया है और भारत सरकार से मांग की है कि इतिहास से झूठे तथ्यों को हटाया जाए। बातचीत में उन लोगों ने यह स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज लुटेरे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को ही लूटा। अंग्रेजों के लिखे इतिहास को ही हमारा इतिहास मान लिया गया। इस कलंक को मिटाने के लिए वे अभियान चलाएंगे। लॉर्ड होस्टिंग के साथ हुए समझौते के तहत 1820 में सीकरीगंज में जागीर देकर बसाए गए पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज अब्दुल रहमत करीम खां, अब्दुल महमूद करीम खां और उनके परिवारी जन ने शुक्रवार की रात को फिल्म वीर देखी थी। इस फिल्म को देखने के बाद उन लोगों ने शनिवार की सुबह सीकरीगंज नवाब हाता में अपने परिवारी जन में खुशी बांटी। फिल्म से संतुष्ट पिंडारी मुखिया को सलमान खान से सिर्फ इतनी शिकायत है कि उनके पूर्वज करीम खां का फिल्म में जिक्र नहीं हुआ है, पर इस फिल्म में उन लोगों का हौसला बढ़ा दिया है। उन लोगों को अब इतिहास पर आपत्ति है। पिंडारी मुखिया का कहना है कि हाँ, हमारे पूर्वज लुटेरे थे, लेकिन उन्हें गलत ढंग से इतिहास में दिखाया गया है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया और उनके खजाने को लूटा। इतिहासकारों से पिंडारी परिवार का सवाल है कि क्या आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिन जिन नामचीन सेनानियों ने अंग्रेजों का खजाना लूटा उन्हें लुटेरा कहा जाए। पिंडारियों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों और उनके सरपरस्तों को लूटा, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, इसलिए उन्होंने हमसे समझौता किया। हम अंग्रेजों पर भारी पड़े या बहुतों को हजम नहीं हुआ। महमूद खान का तर्क है कि चूंकि हम बेहद अल्पसंख्यक हो गए और पिंडारी सेना को अंग्रेजों और उनकी गुलामी राजाओं ने तबाह कर दिया, इसलिए सियासी चाल के तहत हमारे इतिहास को दागदार कर दिया। अब हमारा मकसद इस कलंक को धोना है, इतिहास के पन्नों लिखी गलत इबारत को दुरुस्त करना है। पिंडारी बोले, हमें भी सम्मान चाहिए। कार्यालय संवाददाता गोरखपुर इतिहास के पन्ने में लुटेरा साबित हुए पिंडारियों ने वीर फिल्म के प्रदर्शन के बाद अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधित चिट्ठी में पिंडारियों ने कहा था कि सरकार हमें भी सम्मान दो ताकि हम चैन से जी सके। सलमान खान की फिल्म वीर के प्रदर्शन के बाद सिकरीगंज स्थित नवाब हाता में सक्रियता बढ़ गई थी। पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज परिवार के मुखिया अब्दुल रहमत करीम खां और उनके भाई अब्दुल महमूद करीम खां ने अपने सम्मान के लिए अभियान शुरू कर दिया था। रविवार को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्रक तैयार हुआ, जिसमें उन लोगों ने यह लिखा है कि पिंडारी कौम बहुत बहादुर थी, आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ी, लेकिन मालवा प्रदेश में पिंडारियों को घेर कर धोखे से मारा गया। धोखा देने के बाद भी जब बचे हुए पिंडारी उन पर भारी पड़े, उन लोगों ने समझौता किया। अमीर को टोक और करीम खां को गोरखपुर के सिकरीगंज में जागीर दी गई। वसूली मोहम्मद को उन लोगों ने गाजीपुर कारागार में बंद कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई, जबकि चीतू को जंगल में चीता खा गया। इस बहादुर कौम को अल्पसंख्यक होने के नाते इतिहास में लुटेरा लिख दिया गया। इस तथ्य को सही किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि पिंडारी कौम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली बहादुर कौम थी। इस अभियान के प्रवक्ता महमूद करीम खान ने कहा है कि हम अपने मुखिया के निर्देशन पर इस पत्रक पर अपने समाज के लोगों को सोमवार से हस्ताक्षर कराएंगे और फिर इसे सरकार को सौंपेंगे। पिंडारी चीतू खां के जंगल में मरने का तथ्य झूठा। कार्यालय संवाददाता गोरखपुर इतिहास में पिंडारियों को लुटेरा कहे जाने के खिलाफ पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज अब्दुल रहमत करीम खां और अब्दुल महमूद करीम खां द्वारा शुरू किए गए संघर्ष की लौ तेज हो गई है। बस्ती में डॉक्टर सलीम अहमद पिंडारी ने इस अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला किया था और कहा था कि अब यह मशाल लखनऊ, टोंक और भोपाल तक चलेगी। डॉक्टर सलीम खां की माने तो वह उसी पिंडारी सरदार चीतू खां के वंशज हैं जिनके
बारे में इतिहास में दर्ज हो गया था कि चीतों को जंगल में चीता खा गया। जंगल में उनके मरने का तथ्य झूठा है। पिंडारी सरदार करीम खां की पांचवी पीढ़ी के वंशज रहमत करीम खां और महमूद करीम खां ने इतिहास को सही तथ्य दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित पत्र को लेकर सोमवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। लेकिन बस्ती के डॉक्टर सलीम अहमद पिंडारी ने भी इतिहास के गलत तथ्यों को मिटाने का बड़ा बीड़ा उठा लिया था। उन्होंने कहा था कि रहमत करीम खां हमारे परिवार के हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमारी कौम आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ी और बहादुरी से लड़ी। उन्होंने कहा कि चीतू खां का असली नाम कादिर बख्श था। 1816 से 1818 तक लखनऊ में हुए लॉर्ड हेस्टिंग की सेना में लड़े। 1920 में उन्हें भी समझौते के तहत बस्ती जिले से 7 किलोमीटर दूर गणेशपुर में ससम्मान बसाया गया। कादिर बख्श के पुत्र कादिम हुसैन को दो बेटे खान बहादुर नवाब गुलाम हुसैन और नवाब गुलाम मोहम्मद हुए। डॉक्टर सलीम पिंडारी नवाब गुलाम हुसैन के इकलौते पुत्र नवाब सौदा हुसैन के पुत्र हैं। चीतू की पांचवी पीढ़ी के डॉक्टर सलीम को सदा से पिंडारी होने का गर्व है, इसलिए उन्होंने बस्ती के अपने अस्पताल का नाम पिंडारी हॉस्पिटल रखा। डॉक्टर सलीम कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से इतनी जबरदस्त लड़ाई की कि उन्हें हमारे आगे झुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि 4 जून 1928 को यूके में मेरे दादा खान बहादुर गुलाम हुसैन को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 12 मई 1937 को ब्रिटिश महारानी ने भी उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की लड़ाई का परिणाम रहा कि देश को आज़ादी मिली। इतिहास में गलत ढंग से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। अब गणेशपुर के जरार अहमद पिंडारी, अब्दुल्ला पिंडारी, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम और आसिल पिंडारी भी अपने सम्मान के लिए शुरू हो गए आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाए थे। पिंडारी कौन थे? राजपूतों को भी खौफ था इनसे। क्या राजपूत थे, क्या पिंडारी आज भी दूसरे नाम से हैं। भारतीय इतिहास में बीती दो सदियां पिंडारियों से रंगी हुई हैं। इष्ट धातु से बना है इष्टक, जिसमें विद्यमान के वस्तु के गोपन का भाव भी है, जिसका अर्थ हुआ ढकना, छिपना। इसी से बना है इष्टगत और इसका अर्थ होता है जालसाजी, देशत का रूप ठग हुआ। कालांतर में यह इष्टगत पिंडारी कहलाए। इनके प्रमुख गुण थे धूर्त, बेईमानी, छल्ली, निर्जलता, लापरवाह और खूंखार। हिंदी में ठग किसी तय अवधि में किए जाने वाले कार्य अथवा योजना की अगली तिथि होने तक टालना स्थगत होना, इसलिए स्थगित का अर्थ गुप्त, ढका हुआ अथवा छुपा हुआ में जो भव है वह अदृश्य भविष्य को साफ संकेत कर रहा है। इसे ठगोरी कहते हैं। ठगी विद्या को ठगों का शिकार काफिले हुआ करते थे। अपनी वक्त चतुर्थ और ठगलाव या ठगोमग काफिलों के लोगों को खिलाकर बेहोश कर लूटपाट किया करते थे और फिर हत्या कर देते थे। यही पिंडारी कहलाए। मराठों की फौज में पिंडारियों की अहम भूमिका रही है। ये वेतन भोगी थे। लड़ाई के समय योद्धा युद्ध करते, वो भी अपने नायाब तरीकों से। शांति काल में खेती बाड़ी मजदूरी करते ताकि इनकी पहचान गुप्त रहे। पिंडारियों की बहुत बड़ी तादाद थी और प्रमुख नेता 4 थे, करीम खान, वसीम मोहम्मद, चीतू और वसीम मोहम्मद। इस बात का उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ कि सभी नेता और इनके लोग मराठों के पतन के बाद जो समूचे महाराष्ट्र दक्षिण भागे में थे, इन पिंडारियों में बहुत से पिंडारियों ने इस्लाम धर्म को अपना मान लिया था और बेरोजगारी भुखमरी हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत इन लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रही थी। ये पिंडारी समुदाय भारत मध्य में छुपा दे रहे हैं। हर एक नेता के साथ 50,000 से 60,000 पिंडारियों की टोलियाँ थी। अपनी आजीविका चलाने के लिए ये लूटपाट करने लगे। पिंडारी सरदार नसरू ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत मदद की थी। चिंगोड़ी तथा हुलू के नेतृत्व में 15,000 पिंडारियों ने पानीपत युद्ध में शिवाजी का साथ दिया। अंत में पिंडारी मध्य भारत और उत्तरी भागों में बस गए। ये सिंधिया शाही या होलकर शाही कहलाए। वसीमुल्ला सिंधियों के सेना के प्रमुख थे। करीम खान, तक्कू खान, साहिब खान, शेखदुल्ला होलकर की सेना में थे। जब ये स्टेट अंग्रेजी हुकूमत में आधीन हो गई तो ये फिर से पिंडारी भटक गए और वही काम फिर से शुरू हुआ। पिंडारियों के जो गुण थे उनका लाभ सिंधिया होलकर ने खूब उठाया। लूटपाट की वारदातों का दायरा बढ़ने लगा। गुजरात, मध्य भारत, राजपुताना सब जगह लूटपाट होने लगी। पिंडारियों ने 1812 में बुंदेलखंड पर धावा बोल दिया। 1817 में उत्तरी भारतीय भागों पर धावा बोल दिया। पिंडारियों की इस गंभीर लूटपाट को देखकर अंग्रेज की नींद हराम हो गई। अंग्रेजी हुकूमत ने नुमाइंदों ने पिंडारियों में फूट डाली और अपने साथ मिला लिया। कुछ पिंडारी नेता अंग्रेजों के बातों में आ गए, लेकिन बहुत से पिंडारियों ने अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं आई।
लॉर्ड हुईगेस्टन ने 1803 में सिंधिया समर्पित पिंडारियों आमिर खां के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य के एक नगर सागर पर हमला कर दिया, जिसका ब्यौरा इतिहासकार वृंदावन लाल शर्मा की पुस्तक कचनार की कली में इस प्रकार से किया है। डेढ़ माह तक सागर को लूटपाट किया और डेढ़ माह तक रोज सागर नगर के एक हिस्से को जला दिया जाता रहा। सागर के हर एक घर में संपत्ति को छीन लिया गया था। सागर के लोगों को क्रूरतापूर्वक यातनाएं देकर जी लोगों ने अपने धन को कुएं तालाबों में फेंक दिए थे। आमिर ने गोताखोरों से वो संपत्ति भी निकलवा ली। वो सागर को नाश्ते नाबूद कर सिंधिया स्टेट में मिला दिया था। ये समय वो समय था जब मराठों की सियासी अंतिम सांसें ले रही थी। मराठा शासक रघुनाथ राव के परिजन को पिंडारियों ने अपहरण कर लिया था। सिंधिया नरेश की मध्यस्थता से पिंडारियों को तत्कालीन 1,75,000 रुपए देकर छुड़वाया गया था। आमिर खान अब सिंधिया के अस्तित्व भी नहीं रहा था। वो अपने आप को 15,000 पिंडारियों के साथ अलग हो गया। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से आमिर ने विवाह संबंधित मामले में जयपुर जोधपुर के बीच जंग करवा दी। एक कुंती के अनुसार पिंडारी अपने को राजपूत खाने लगे, लेकिन राजपूत राजाओं की ख्यात रही है कि अपने मान सम्मान के खातिर राजपूत अपनी जान दे सकते हैं। राजपूत समाज से मान सम्मान विश्वविख्यात है। ऐसे में पिंडारियों को राजपूत मानना हास्यप्रद है, लेकिन पिंडारियों ने राजपूताना में कोहराम मचा रखा था। मारवाड़, डुढाल, भीलवाड़ा को पिंडारियों ने वीरान कर दिया। हड़ौती, कोटा सबको रौन डाला, लेकिन राजपूत राजा सवाई सिंह ने जोधपुर किले को हासिल करने के लिए पिंडारियों की मदद ली। इसके बदले आमिर खान ने अपने पिंडारियों को वेतन देने को कहा। सवाई सिंह ने पिंडारियों की बात मान ली। इसके बदले आमिर खान पिंडारी के नेतृत्व में 50,000 पिंडारी सवाई सिंह का साथ देने को तैयार हो गए। युद्ध के पहले पिंडारी आमिर ने एक चाल चली। सवाई सिंह को कहा कि वह पोखरण के राजपूत राजा पाली बगड़ी के राजपूत राजाओं को जोधपुर के किले में मिलन समारोह रखा गया था। सभी राजा न्योते पर जोधपुर किले के एक सामियाने में बैठक में बैठे इतने में पिंडारियों ने दिए बुझाकर ताल के गोले बरसाने लगे और सभी राजाओं की हत्या कर सिर काट कर राजा मानसिंह जयपुर भिजवा दिया। इस बात से मानसिंह जी नाराज हो गए। फिर सवाई सिंह ने क्षमा याचना की। सवाई सिंह जोधपुर का किले का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और शर्मिंदा हुए कि अपने ही राजपूतों को मरवा दिया। इधर पिंडारियों के सरदार आमिर ने सवाई सिंह से और धन की मांग की, लेकिन सवाई सिंह ने और धन देने से इनकार कर दिया था। आमिर ने सवाई सिंह के महल में घात लगाकर प्रधानमंत्री इंदिराज संघवी और गुरुदेव आवासनाथ की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में पिंडारियों ने क्रांतिकारियों के बहुत साथ दिया था। इसमें अपने गोपनीय शब्दावली थी। पक्के ठग को ब्यौरा या ओला, सरगना को जमादार, असरफी सोना को खार, इसके गुप्त ठिकानों का नाम फुर और यात्रियों पर निगरानी रखने वाले को सौंधा, सौंधा की मदद करने वाले को दक्ष, अंग्रेज पुलिस को डाकिन और फांसी लगाने वाले को फांसकीर, हत्या पर दफनाने वाले की जगह को तोपनी, ये इनकी गोपनीय भाषा थी जो केवल पिंडारी ही समझते थे। आमिर खान को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फांसी दे दी। एक और पिंडारी करीम खान जो अंग्रेजों से मिला हुआ था को गोरखपुर की जागीर दे दी। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है कि लुटेरों को सही धारा में लाने का प्रयास हो, पर इस बात पर मुझे यकीन नहीं होता है। आज भी गोरखपुर महानगर के मियां बाजार में पिंडारी हवेली है या 60 साल पुरानी है। इसके मालिक करीम खां की पांचवी पीढ़ी है। इनका नाम रहमत करीम खां है। ये बताते हैं कि करीम खां की मृत्यु के बाद इमली डी होखुर्द में दफनाया गया था। हर सबेरत को करीम खान के मजार पर इनके वंशज यहाँ फातिया पढ़ते हैं। रहमत करीम खान की घड़ी की दुकान है मियां बाजार में। बताते हैं कि सीकरी गंज की जागीरी अंग्रेजों ने 1820 में करीम खान को दे दी थी। ये कतई मामने को तैयार नहीं है कि इनके पूर्वज लुटेरे थे। एक और पिंडारी नेता चिद्दू को जंगलों में शेरों ने अपना शिकार बना लिया था। पिंडारी का हर तरीके से अपने मतलब के लिए तत्कालीन राजाओं अंग्रेजों ने खूब उपयोग में लिया, क्योंकि इनकी लड़ाई और हमले का नायाब तरीका था। ये हर तरीके से अपने विरोधियों को नष्ट कर दिया करते थे। रात में विरोधियों के सैनिकों की छावनियों में जाकर उनके शस्त्रों को नष्ट नाबूद कर देते थे। सैनिकों के भोजन में जहर मिला देते थे। इसी खासियतों के कारण इनका शोषण हुआ था। ये 1900 सदी तक सक्रिय रहे। लूटपाट करना इनका पेशा बन चुका था। ज्यादा निगरानी के चलते इनके लूटपाट के तरीकों में भी बदलाव आया। साहूकार और धनाढ्य लोगों के घरों में महिलाओं ने नौकरी कर ली और उस परिवार की जानकारी अपने आदमियों को देने लगी। यहाँ तक कि ये महिलाएं परिवार के मुखिया का विश्वास जीतने के लिए अनैतिक संबंध बनाने से
से भिन्ना कतराई थी। विश्वास जीतने के बाद नशीले पदार्थ पूरे परिवार को खिलाकर बेहोश कर अपने आदमियों को बुलाकर लूटपाट कर फरार हो जाते थे। इसमें से कुछ पिंडारी जो अब ठग कहलाने लगे थे इस बात से नाराज थे कि लूटपाट में महिलाओं को शामिल न करे। यहाँ से दो धड़े हो गए, एक वो जो महिलाओं का लूटपाट करते थे, दूसरा वो जो पुरानी परंपरा के अनुसार लूटपाट करना आज भी समुदाय हमारे बीच में है। एक तो पूरी तरह देह व्यवहार में उतर गया है, दूसरा धड़ा चड्डी गैंग के रूप में हमारे समाज में आज भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन ठगों के बारे में बात करेंगे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ठगों के बारे में सबसे दिलचस्प और पुख्ता जानकारी 1849 में छपी किताब कॉन्फेंस ऑफ ए ठग से मिलती है। किताब के लेखक पुलिस सुपरिटेंडेंट फिलिप मीडो टेलर थे, लेकिन किताब की भूमिका में उन्होंने बताया है कि उन्होंने इसे सिर्फ कलम बंद किया है। दरअसल 550 पन्नों की किताब ठगों के एक सरदार आमिर अली खां का कन्फेंशन यानी इकबालिया बयान है। फिल्म मीडियो टेलर ने आमिर अली से जेल में कई दिनों तक बात की और सब कुछ लिखते गए। टेलर के मुताबिक ठगों के सरदार ने जो कुछ बताया उसे में तकरीबन सप्तता लिखता गया, यहाँ तक कि उसे टोकने या पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। आमिर अली का बयान इतना ब्यौरेवर और दिलचस्प था कि वह एक उपन्यास बन गया और छपते ही उसने धूम मचा दी। रुडियार्ड फिलिपकिंस के मशहूर उपन्यास किम से करीब 60 साल पहले छपी इस किताब में एक और खासियत थी कि यह किसी अंग्रेज का नज़रिया नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी ठग का फर्स्ट पर्सन अकाउंट है। टेलर का कहना है कि आमिर अली जैसे सैकड़ों सरगना थे जिनकी देखरेख में ठगी का धंधा चल रहा था। आमिर अली से जब टेलर ने पूछा कि तुमने कितने लोगों को मारा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे साहब, वो तो मैं पकड़ा गया नहीं तो 1000 पार कर लेता, आप लोगों ने 719 पर ही रोक दिया। ठगी का आलम यह था कि अंग्रेजों को इनसे निपटने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ा था, वही विभाग आगे चलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो या IB के नाम से जाना गया। टेलर ने लिखा है, अवध से लेकर दक्कन तक ठगों का जाल फैला था। उन्हें पकड़ना इसलिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ये बहुत खुफिया तरीके से काम करते थे, उन्हें आम लोगों से अलग करने का कोई तरीका ही समझ नहीं आता था। वह अपना काम योजना बनाकर और बेहद चालाकी से करते थे ताकि किसी को शक न हो। ठगों से निपटने के लिए बने डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट कैप्टन रेनाल्ड ने 1831 से 1837 के बीच ठगों पर हुई कार्रवाइयों का 1838 में ब्यौरा दिया था। इस ब्यौरे के मुताबिक पकड़े गए जिन 1059 लोगों का दोष पूरी तरह साबित नहीं हो सका उन्हें दूर मलेशिया के पास पेनांग टापू पर ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि ये दोबारा वारदात ना कर सके। इसके अलावा 412 को फांसी दी गई और 87 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ठगों की खुफिया रहस्यमय जिंदगी। ठगों के लिए अंग्रेजों ने सिक्रेविल्ड कल्ट, हाईवे रॉबर्ट्स और मास मर्डरर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। कल्ट कहे जाने की वजह यह है कि उनके अपने रीति रिवाज, विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं, उसूल और तौर तरीके थे जिनका वे बहुत पाबंदी से धर्म की तरह पालन करते थे। उनकी अपनी एक अलग खुफिया भाषा थी जिसमें वे आपस में बात करते थे। इस भाषा को रमासी कहा जाता था। भारत में ठगों की कमर तोड़ने का श्रेय मेजर जनरल विलियम हेनरी स्लीमन को दिया जाता है जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने सर के खिताब से नवाजा था। स्लीमन ने लिखा है, ठगों के गिरोह में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ठगों की शुरुआत कैसे हुई यह बता पाना नामुमकिन है, लेकिन ऊंचे रुतबे वाले शेख से लेकर खाना बदोश मुसलमान और हर जात के हिंदू इसमें शामिल थे। मुहूर्त से होता था हर काम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ठग शुभ मुहूर्त देखकर विधिविधान से पूजा पाठ करके अपने काम पर निकलते थे जिसे जिताई पर जाना कहा जाता था। ठगी का मौसम आमतौर पर दुर्गा पूजा से लेकर होली के बीच होता था। तेज गर्मी और बारिश के रास्तों पर मुसाफिर भी कम मिलते थे और काम करना मुश्किल होता था। अलग अलग गिरोह अपनी आस्था के हिसाब से मंदिरों में दर्शन करने जाते थे। ज़्यादातर ठग गिरोह माँ काली की पूजा करते थे। इसके अलावा वे हर अगले कदम से पहले सकुन और अपसकुन का विचार करते थे। उल्लू के बोलने, कौवे के उड़ने, मोर के चिल्लाने, लोमड़ी के दिखने जैसी हर चीज़ का वे अपने हिसाब से अलग मतलब निकालते थे। जिताई पर जाने से 7 दिन पहले से साता शुरू हो जाता था।
इस दौरान ठग और उनके परिवार के सदस्य खाने पीने सोने उठने और नहाने हजामत बनाने वगैरह के मामले में कड़े नियमों का पालन करते थे। साता के दौरान बाहर के लोगों से मेलजोल किसी और को बुलाना या उसके घर जाना नहीं होता था। इस दौरान कोई दान नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों को भी खाना नहीं दिया जाता था। जिताई से सफल होकर लौटने के बाद पूजा पाठ और दान पुण्य जैसे काम होते थे। इसी तरह इटिप के नियमों का पालन होता था। ठगों का मानना था कि काम पर निकलने से पहले पूर्ण रूप से पवित्र होना बहुत जरूरी होता है। गिरोह के किसी ठग के घर में कोई जन्म या मृत्यु होने पर 10 दिनों के लिए, पालतू जानवरों की मौत होने पर 3 दिनों के लिए और इसी तरह जन्म होने पर 7 दिनों के लिए या तो पूरा गिरोह रुक जाता था या वह ठग काम पर नहीं जाता था जिनके परिवार में जन्म या मृत्यु हुई हो। कस्सी का महत्व। मारे जाने वाले लोगों की कब्र जिस कुदाल से खोदी जाती थी उसे कस्सी कहा जाता था। कस्सी सबसे ज़्यादा आदर की चीज़ थी। गहरे रिसर्च के बाद उर्दू और हिंदी में लिखे बहुचर्चित उपन्यास कई चांद थे सारे आसमां में मशहूर महान फारूकी ने कस्सी की पूजा का वर्णन कुछ इस तरह से किया है। एक साफ सुथरी जगह पर थाली में पानी से कुदाली को धो दिया जाता है, फिर पूजा की विधि जानने वाला ठग बीच में बैठता है, बाकी ठग नहा धोकर उसके चारों तरफ बैठते हैं। कुदाली को पहले गुड़ के शरबत, फिर दही के शरबत और अंत में शराब से नहलाया जाता है। फिर तिल, जौ, रोली, पान और फूल से उसकी पूजा की जाती है। कुदाली की नोक पर सिंदूर से 7 टीके लगाए जाते हैं। उस कुदाली से एक नारियल फोड़ा जाता है। नारियल फूटने पर सभी ठग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जय देवी माई की बोलते हैं। ठगों के बीच ऐसी कहानियां प्रचलित थी कि उन पर कुदाल देवी का आशीर्वाद रहता है। इसके अलावा एक और खास बात ये थी कि ठग मानते थे कि अगर वे नियमों का पालन करते हुए अपना काम करेंगे तो देवी माँ की कृपा उन पर बनी रहेगी। पहला नियम यह था कि कत्ल में एक बूंद भी खून नहीं बहनी चाहिए। दूसरे किसी औरत या बच्चे को किसी हाल में नहीं मारा जाना चाहिए। तीसरे, जब तक माल मिलने की उम्मीद ना हो हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टेलर ने अपनी किताब में लिखा है कि आमिर अली खान को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। दूसरे सभी ठगों के बारे में मेजर जनरल सलीमन ने लिखा है कि वे मानते ही नहीं थे कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। उनकी नज़र में यह अन्य पेशों की तरह एक पेशा था और उनके मन में जरा भी पछतावा या दुख नहीं था कि किस तरह मासूम लोगों को मार कर वे गायब कर देते हैं। कैसे होती थी रास्तों पर ठगी। जिताई पर निकलने वाले ठगों का गिरोह 20 से 50 तक का होता था। वह आम तौर पर 3 दस्तों में चलते थे, एक पीछे, एक बीच में और एक आगे। इन तीनों दस्तों के बीच तालमेल के लिए हर टोली में 1-2 लोग होते थे जो एक कड़ी का काम करते थे। वह अपनी चाल तेज या धीमी करके अलग अलग होते या साथ आ सकते थे। ज़्यादातर ठग कई भाषाएँ, गाना बजाना, भजन कीर्तन, नात, कव्वाली और हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तौर तरीके अच्छी तरह से जानते थे। वे ज़रूरत के हिसाब से तीर्थयात्री, बाराती, मजार के जायरीन या नकली स्वयात्रा निकालने वाले बन जाते थे। एक रास्ते में वे कई बार अपना रूप बदल लेते थे। जाहिर है वे भेष बदलने में भी अच्छे खासे माहिर थे। वे बहुत धीरज से काम लेते थे, अपने शिकार को जरा भी भनक नहीं लगने देते थे। कई बार तो लोग ठगों के डर से ही अगले ठगों को शरीफ समझकर उनकी गिरफ्त में आ जाते थे। ठगों के सरदार आमतौर पर पढ़े लिखे इज्जतदार आदमी की तरह दिखने बोलने वाले लोग होते थे और बाकी उसके तरह के करिंदे। फिलिप मीडो टेलर की किताब कन्फेंशन ऑफ ए ठग में आमिर अली ने विस्तार से बताया है कि कैसे वह बड़े सेठों और मालदार लोगों से ज़रूरत के हिसाब से कभी किसी नवाब के सिपाह सलाहकार की तरह मिलता था, कभी मौलवी की तरह, तो कभी ही तीर्थयात्रियों का नेतृत्व कर रहे पंडित की तरह। आमिर अली ने बताया कि ठगों के काम बटे हुए थे। सोठा गिरोह के सदस्य सबसे समझदार, लोगों को बात में फंसाने वाले लोग थे जो शिकार के ताक में सरायों के आसपास मडराते थे। वह आने जाने वाले की टोह लेते थे, फिर उनके माल, असबाब और हैसियत का अंदाज़ा लगाकर उसे अपने चंगुल में फंसाते थे। आमिर अली के गिरोह का सोठा गोपाल था जो बहुत होशियारी से अपना काम करता था। शिकार की पहचान करने के बाद कुछ लोग उसके पीछे, कुछ आगे और कुछ सबसे आगे चलते थे।
रास्ते भर धीमे धीमे करके ठगों की तादाद बढ़ती जाती, लेकिन वे ऐसा दिखाते जैसे वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। अपने ही लोगों को जत्थे में शामिल होने से रोकने का नाटक करते थे ताकि शक न हो, या बहुत धीरज का काम था, हड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। आमिर अली ने टेलर को बताया था कि कई बार तो हफ्तों दस हफ्तों तक सही मौके का इंतजार किया जाता था। अगर किसी गड़बड़ी की आशंका हो तो वारदात टाल दी जाती थी। कमाल का सामंजस। सबसे आगे चलने वाले दस्ते में बेल यानी कब्र तैयार करने वाले लोग रहते थे। उन्हें बीच वाले दस्ते से कड़ी का काम करने वाला बता देता था कि कितने लोगों के लिए कब्र बनानी है। पीछे वाला दस्ता नज़र रखता था कि कोई खतरा उनकी तरफ तो नहीं आ रहा है। आखिर में तीनों बहुत पास पास आ जाते, लेकिन इसकी खबर शिकार को नहीं होती थी। कई दिन गुजर जाने के बाद जब शिकार चौकन्ना नहीं होता था और जगह माकूल होती थी, तब गिरोह को कार्रवाई करने के लिए सतर्क करने के लिए बातचीत में पहले से तय एक नाम लिया जाता था। आमिर अली ने अपने बयान में बताया कि इसके लिए सरमस्त खां, लंदन खां, सरबुल्द खां, हरिराम या जयगोपाल जैसे नामों का इस्तेमाल होता था। यह पहला इशारा था कि अब कार्रवाई होने वाली है। इसके बाद ठगों में सबसे इज्जतदार लोगों की बारी आती थी, जिन्हें भटौत या भटौती कहा जाता था। इनका काम बिना खून बहे रुमाल से सिक्का बांधकर बनाई गई गांठ से शिकार का गला घोटना होता था। हर एक शिकार के पीछे एक भटौत होता था। पूरा काम एक साथ दो तीन मिनट में होता था। इसके लिए मुस्तैद ठग अपने सरगना की झिरनी का इंतजार करते थे। क्या थी झिरनी? झिरनी अंतिम इशारा होता था कि अपने आगे खड़े या बैठे शिकार के गले में फंदा डालकर खींचा जाए। आमिर अली ने एक झटके में 12 से 15 तंदुरुस्त मर्दों का काम तमाम करने का वर्णन बेहद सहजता से किया है। उसने टेलर को बताया, इशारा या झिरनी आम तौर पर सुरती खा लो, हुक्का पिलाओ या गाना सुनाओ जैसा छोटा वाक्य होता था। फिर पलक झपकते ही भटो शिकार के गले में फंदा डाल देते थे और दो तीन मिनट में आदमी तड़पड़ा कर ठंडा हो जाता था। इसके बाद लाशों से कीमती सामान हटाकर उन्हें पहले से खुदी हुई कब्र में एक के सिर की तरफ दूसरे का पैर वाली तरकीब से कब्रों में डाल दिया जाता ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा लाशें आ सके। इसके बाद जगह को समतल करके उनके ऊपर कांटेदार झाड़ियाँ जो पहले से तैयार रखी होती थी लगा दी जाती थी ताकि जंगली जानवर कब्र को खोदने की कोशिश ना करे। इस तरह पूरा का पूरा चलता फिरता काफिला हमेशा के लिए गायब हो जाता था। और ठग भी। ठग एक अलग तरह का जीव था। आमिर अली ने अपने बयान में बताया है कि आज के उत्तर प्रदेश के जालौन में वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ज़्यादातर लोग उसे मुसलमान जमींदार या सौदागर समझते थे। साल के 7-8 महीने वह घर पर एक इज्जतदार मुसलमान की तरह रहता और सही समय पर पूजा पाठ करके 4 महीने के लिए जिताई पर निकल जाता था। बहुत कम लोग जानते थे कि कौन ठग है, लेकिन एक पूरा नेटवर्क था या संगठित अपराध था। आमिर अली के मुताबिक कई छोटे बड़े जमींदारों और नवाबों ठगों से इजराना वसूल करते थे और मुसीबत के वक्त उन्हें पनाह भी दे देते थे, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक नहीं लगने देते थे। इसी तरह कई जमींदारों ने ठगों को अपनी बिना खेती वाली जमीन इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी, जिसमें वे सामूहिक कब्रें खोदते थे। बदले में उन्हें ठगों से हिस्सा मिलता था। इसी तरह हर जगह ठगों के मुखबिर और उनके मददगार लोग थे जिन्हें वे पैसे देते थे या उनसे दोस्तियां गाड़ते थे। मदद करने वाले इन लोगों को तो कई बार पता भी नहीं होता था कि वह किसका साथ दे रहे हैं। कौन ठग था और कौन नहीं, अंग्रेज इस पहेली से लगातार जूझ रहे थे। फिल्म मीटर टेलर ने अपनी किताब की भूमिका में 1825 से 1826 के एक दिलचस्प किस्से का जिक्र किया है। वे लिखते हैं, मेरी तैनाती हिंगोली में थी। वहाँ हर सिंह नाम का एक व्यापारी था, हम उसे लेन देन करते थे। एक दिन उसने बॉम्बे के कुछ कपड़ा लाने का परमिट मांगा, जो उसे दे दिया गया। वह कपड़ा ले आया और उसने मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में कपड़ा बेचा। दरअसल वह कपड़ा किसी और व्यापारी का था। हर सिंह ने उसे और उसके करिंदों को मारकर कपड़ा लूट लिया था। हर सिंह दरअसल ठग था। अंग्रेजों को हर सिंह के ठग होने का पता कई साल बाद चला, जब उसे पकड़े जाने के बाद अंग्रेज का मजाक उड़ाया और बताया कि कैसे कपड़े का परमिट लेकर उसने गोरे साहब को उल्लू बनाया था।
1835 के बाद के सालों में जब ठग पकड़े जाने लगे और उनकी पोल खुलने लगी तो पता चला कि ठगी कितने बड़े पैमाने पर जारी थी। फिल्म मीडो टेलर ने लिखा है कि मैं मंदसौर में सुपरिटेंडेंट था जब हमने एक वादा माफ सहकारी गवाह बने ठग की निशानदेही पर जमीन खोदनी शुरू की तो इतनी सामूहिक कब्रें मिली कि हमने परेशान होकर खुदाई करनी ही बंद कर दी। ठगों पर भारी अफ्रीकी गुलाम। गहन ऐतिहासिक शोध के बाद लिखे गए मंसूर-उर-रहमान फारूकी के चर्चित उपन्यास कई चांद थे सारे आसमां में 1843 से 1844 में रामपुर के नवाब के खास दरबारी मिर्जा तुरब अली के ठगों के हाथों मारे जाने का विस्तृत ब्यौरा है। इसमें बताया गया है कि बिहार के सोनपुर के मेले से हाथी घोड़े खरीदने गए नवाब के सिपाही सलाहकार और उनके 6 साथियों को ठगों ने मार डाला। मिर्जा तुराब अली और उनके साथियों की हत्या के बारे में ब्यौरा मिला। उनके मुताबिक ठगों ने एक मरे हुए मुसलमान राहगीर की जनाजे की नमाज पढ़वाने के बहाने हथियारबंद मिर्जा और उनके साथियों को घोड़ों के नीचे उतारा था। जब वे नमाज पढ़ रहे थे तभी सूरती खिलाव की आवाज़ हुई और 7 लोग रुमाल से गला घोट कर मार डाले गए। जब तुराब अली रामपुर लौटकर नहीं आए तो नवाब को शक हुआ कि कहीं ठगों के शिकार तो नहीं हो गए। उन्होंने अफ्रीका से गुलाम बनाकर गुजरात के तट पर लाए गए अफ्रीकियों की कहानियां सुन रखी थी जिन्हें सीधी कहा जाता है। उन्होंने इस काम के लिए सीधी इकराम और सीधी मुनीम की मदद ली। सीधियों के बारे में फारूकी लिखते हैं, नस्ल के लिहाज से सीधी और काम के लिहाज से उन्हें खोजिया कहा जाता था। उनके हुनर की बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। उन्हें गुजरात से अवध तक बुलाया जाने लगा था। पुराने कदमों के निशान, लापता लोगों का पता लगाना और फरार लोगों के सुराग ढूंढने में वे माहिर थे। आपस में वे स्वाहिली में जबकि दूसरे लोगों से हिंदी में बात करते थे। रामपुर के नवाब ने अपने वफादार मिर्जा तुराब अली और उनके साथियों का पता लगाने के लिए सीधियों को भेजा। सीधी पूरे रास्ते डंडे लगाते, गिल्लियां गाड़ते, हर चीज़ की बारीक पड़ताल करते चल रहे थे। फारूकी लिखते हैं कि वे एक बड़े चौकोर मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने लकड़ी से लकीरें खींचकर बड़े बड़े चौकोर खाने बनाए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके उन खानों को सूंघना और उनकी मिट्टी को क्रोधना शुरू किया। वे किसी खोजी कुत्ते से भी ज़्यादा एकाग्र से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने एक जगह पहुंचकर आवाज़ लगाई, जमादार जी वो मारा, यहाँ खुदाई करवाओ। जब वहाँ खोदा गया तो मिर्जा तुराब अली सहित नवाब के सभी करिंदों की लाशें मिल गई। सीधी आज भी गुजरात के कुछ इलाकों में बसे हुए हैं लेकिन ठगों का सफाया हो चुका है। ठग आमिर अली के बारे में बताने लायक एक फिल्मी से लगने वाली बात ये है कि उसे उस ठग ने बहुत प्यार से अपने बेटे की तरह पाला था जिसने उसके बाप को एक वारदात के दौरान मार डाला था। आमिर को गोद लेने वाले ठग बाप से ठगी की दीक्षा मिली थी, इसी कारण ठगी को एक नेक काम मानता था। वीर फिल्म की कहानी सलमान खान ने लिखी है और वो भी लगभग 20 वर्ष पहले। फिल्म में आने से पहले धर्मवीर, राजतिलक, मर्द जैसे मसाला फिल्में उन्होंने देखी होंगी जिनमें नायक सर्वोच्च होता था। शायद सलमान खान पर भी इस तरह की फिल्मों का असर हुआ और उनकी लिखी वीर में इन फिल्मों की झलक मिलती है। कहानी पिंडारी नामक समूह की है जिसके साथ माधवगढ़ का राजा यानी जैकी श्रॉफ अंग्रेजों के साथ मिलकर धोखा करता है। अपने पिता के अपमान का बदला वीर यानी सलमान खान लेना चाहता है। अंग्रेजों के छल कपट सीखने के लिए वह लंदन पढ़ने भी जाता है लेकिन इसी बीच उसे माधवगढ़ की राजकुमारी यशोधरा यानी जरीन खान से प्यार हो जाता है। एक तरफ प्यार और दूसरी ओर कर्तव्य, वीर और यशोधरा दोनों इस दुविधा में फंस जाते हैं। कैसे वो इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे यही फिल्म का सार है। अनिल शर्मा ने इस फिल्म का निर्माण पूरी तरह सलमान खान के प्रशंसकों को ध्यान में रखकर किया है। सल्लू के प्रशंसक के बीच जो उनकी इमेज है उसी को ध्यान में रखकर सीन गढ़े गए हैं। हर दृश्य इस तरह लिखे और फिल्माए गए हैं ताकि सलमान खान बहादुर, एक दिल, बलवान, निडर, देशभक्त और स्वाभिमानी लगे। सलमान के मुंह से जहां पकड़ूंगा पांच शेर मांस निकाल लूंगा और जब राजपूतों का खून उबलता है तो उसकी आंच से गोरी चमड़ी सुलझ जाती है जैसे संवाद बुलवाए गए हैं ताकि उन्हें पसंद करने वाले तालियां पीटे। रेल से खजाना लूटने वाला दृश्य लंदन के स्कूल में टीचर और सलमान वाला दृश्य सलमान और मिथुन के बीच तलवारबाजी वाले दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। निर्देशक अनिल शर्मा ने मनोरंजक तत्व और सलमान पर अपना सारा ध्यान दिया।
किया है ताकि दर्शक स्क्रिप्ट की कमियों पर ध्यान नहीं दें या उनकी उपेक्षा कर दें, और इसमें उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी भी पाई है। वीर और यशोधरा के रोमांस को भी अच्छा फिल्माया गया है। इंटरवल तक फिल्म मनोरंजक है, लेकिन दूसरे भाग में यह कमजोर पड़ गई है क्योंकि इसे ज़रूरत से ज़्यादा खींचा गया है। स्क्रिप्ट में कई खामियां भी हैं। लंदन में यशोधरा के भाई की हत्या कर वीर का बड़ी आसानी से भारत आ जाना, यशोधरा से भारत में मुलाकात के बाद संयोग से वीर का उसी कॉलेज में एडमिशन लेना जहां यशोधरा पढ़ती है, और वीर का माधवगढ़ में जाकर यशोधरा से संबंध बनाना जैसे प्रसंग अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखे गए हैं। सलमान ने अपना काम बाखूबी किया है और एक प्रकार से उनका ही शो है। पूरी फिल्म में उनका दबदबा है, गुस्से को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह व्यक्त किया है। जरीन खान राजकुमारी की तरह दिखाई दी हैं, लेकिन उनका अभिनय औसत रहा। चेहरे के जरिए भाव को व्यक्त करना उन्हें सीखना होगा। मिथुन चक्रवर्ती को लंबे समय बाद अच्छा रोल मिला और उन्होंने अपना काम बाखूबी किया। सोहेल खान ने हंसने की नाकाम कोशिश की। पुरु राजकुमार भी फिल्म में नजर आए थे। साजिद वाजिद ने कुछ अच्छी धुनें बनाई थी। सुरील अखियो वाली, मेहरबानियाँ और सलाम आया अच्छे बन पड़े हैं। गुलजार ने उम्दा बोल लिखे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक उम्दा है। गोपाल शाह का फिल्मांकन फिल्म को भव्यता प्रदान करता है। टीनू वर्मा के एक्शन सीन ठीक ठाक हैं। वीर पुराने दौर की मसाला फिल्मों की तरह है, और यदि आप सलमान खान के प्रशंसक हैं तो आप इसे जरूर पसंद करेंगे। वीर 2010 की एक ऐतिहासिक निर्धारित काल्पनिक फिल्म है जिसके डायरेक्टर अनिल शर्मा हैं। इसके मुख्य नायक नायिका सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती, सोहेल खान, जैकी श्रॉफ और जरीन खान हैं। इस फिल्म के लेखक स्वयं सलमान खान ही हैं तथा इसके हेतु से 1825 के ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्थान में हुए पिंडारी हमलों का बनाया गया है। यह फिल्म 22 जनवरी 2010 को रिलीज हुई थी। यह कहानी वीर प्रताप से शुरू होती है। वीर प्रताप सिंह बड़े ही प्रतापी पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह का बेटा था जो देश को आज़ादी दिलाने हेतु युद्धों में बड़ा प्रचलित था। उसने अपने पिता के शासन को कायम रखने हेतु माधागढ़ नामक राज्य के शासन का भार उठाया, जहां का राजा ज्ञानेंद्र सिंह अंग्रेजों से मिला था। वीर को उसके भाई पुण्य सिंह से पूरी सहायता प्राप्त थी। वीर की आरंभिक शिक्षा तो राजस्थान के पिंडारी कबीले में हुई थी, उसके बाद वह उच्च शिक्षा हेतु विदेश भाग गया, जहाँ एक रास्ते पर उसकी भेंट राजकुमारी यशोधरा से हुई थी। पहली नज़र में ही दोनों को प्रेम हो गया। पढ़ाई के बाद जब वह गांव आया तब पता चला कि यशोधरा ज्ञानेंद्र की बेटी है तथा माधोगढ़ की राजकुमारी है। वह अपने पिता से राजा को मारने के बात को मानकर भेष बदल कर राजा का शुभचिंतक बन जाता है। राजकुमारी के स्वयंवर में राजकुमारी अनजाने में वीर को वीर कहकर संबोधित करती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वह पिंडारी है। वह भरे स्वयंवर में राजकुमारी यशोधरा से विवाह कर लेता है। इन दोनों के कुछ समय एकांतवास के बाद पिंडारी माधोगढ़ के किले पर धावा बोलते हैं। वीर का कहना था कि अंग्रेजों ने मुझसे कहा है कि वे चले जाएंगे, अतः बात आसानी से सुलझ जाती है, तो फिर खून खराबे की आवश्यकता ही क्या है। पर उसके पिता ने पहले ही राजा को मरने की कसम खाई थी, अतः रणभूमि में पिता पुत्र में युद्ध हुआ। इस बीच राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने पिंडारियों पर तोप से हमला करना चाहा, पर पिंडारी सेना पहुंच से बाहर थी, अतः उसने एक गोली चलाई जो सीधे वीर के सीने पर जा लगी। जब भगदड़ मचा तब राजा ने तोप चलाना चाहा, परंतु उसके राजपूत साथी सत्य का साथ देने लगे और गोली लगने के बाद भी वीर सेना के साथ किले में घुस गया तथा कुछ समय में ही संपूर्ण अंग्रेजी सेना को समाप्त कर राजा को भी मार दिया। अंत में अपने मृत्यु से पहले उसने किले में पिंडारी झंडा लहराया और फिर आऊंगा कहकर अपने पति यशोधरा, पिता तथा भाई के सामने दम तोड़ दिया। उस समय यशोधरा एकांतवास में फलस्वरूप गर्भवती थी। कुछ समय बाद उसने अपनी एक पत्नी के पेट से जन्म लिया। उसने कहा दद्दा, वह अपने पिता को दद्दा बोलता था और कहा था ना कि आऊंगा। उसके बातों आज से समझ गया कि वह वीर ही है। इस प्रकार सलमान खान की स्वप्रम कथा का फिल्मीकरण हुआ। पिंडारी दक्षिण भारत के युद्ध प्रिय पठान सवार थे। उनकी उत्पत्ति तथा नामकरण विवादास्पद है। वे बड़े कर्मठ, साहसी तथा वफादार थे। टट्टू उनकी सवारी थी, तलवार और भाले उनके अस्त्र थे। वे दलों में विभक्त थे और प्रत्येक दल में साधारणतः 2 से 3 हजार तक सवार होते थे। योग्यतम व्यक्ति दल का सरदार चुना जाता था, उसकी आज्ञा सर्वमान्य होती थी। पिंडारियों में धार्मिक संकीर्णता न थी। 18वीं शताब्दी में पासीजात भी उनके सैनिक दलों में शामिल थे। उनकी स्त्रियों का रहन सहन हिंदू स्त्रियों जैसा था। उनमें देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी। मराठों की स्थायी सेना में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। पिंडारी सरदार नसरू ने मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सहायता की थी। पुनापा ने उनके उत्तराधिकारियों का साथ दिया था।
गाजियुद्दीन ने बाजीराव प्रथम को उसके उत्तरी अभियानों में सहयोग दिया। चिंगोजी तथा होल के नेतृत्व में 15,000 पिंडारियों ने पानीपत के युद्ध में भाग लिया। अंत में मालवा में बस गए और सिंधिया शाही तथा केल्हार शाही पिंडारी कहलाए। ही डिग्री और बुर्रन उनके सरदार थे। बाद में चीतो करीम खां, दोस्त मोहम्मद और वसील मोहम्मद सिंधिया की पिंडारी सेना के प्रसिद्ध सरदार हुए तथा कादिर खां, तुक्कू खां, साहिब खां और शेख दुल्ला होलकर की सेना में रहे। पिंडारी सवारों की कुल संख्या लगभग 50,000 थी। युद्ध में लूटमार और विध्वंस के कार्य उन्हीं को सौंपे जाते थे। लूट का कुछ भाग उन्हें भी मिलता था। शांतकाल में वे खेतीबाड़ी का व्यापार करते थे। गुजारे के लिए उन्हें कर मुक्त भूमि तथा टट्टू के लिए भत्ता मिलता था। मराठा शासकों के साथ बेलेचली की सहायक संधियों के फलस्वरूप पिंडारियों के लिए उनकी सेना में स्थान न रहा, इसलिए वे धन लेकर अन्य राज्यों का सैनिक सहायता देने लगे तथा अव्यवस्था से लाभ उठाकर लूटमार से धन कमाने लगे। संभव है उन्हीं के भय से कुछ देसी राज्यों ने सहायक संधियां स्वीकार की हो। सन 1807 तक पिंडारियों के धावे यमुना और नर्मदा के बीच तक सीमित रहे। तत्पश्चात उन्होंने मिर्जापुर से मद्रास तक और उड़ीसा से राजस्थान तथा गुजरात तक अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत कर दिया। 1812 में उन्होंने बुंदेलखंड पर, 1815 में निजाम के राज में मद्रास तक तथा 1816 में उत्तरी सरकारों के इलाकों पर भयंकर धावे किए। इससे शांति एवं सुरक्षा जाती रही तथा पिंडारियों की गणना लुटेरों में होने लगी। इस गंभीर स्थिति से मुक्ति पाने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग ने 1817 में मराठा संघ को नष्ट करने के पूर्व कूटनीति द्वारा पिंडारी सरदारों में फूट डाल दी तथा संधियों द्वारा देसी राज्यों से उनके विरुद्ध सहायता ली। फिर अपने और हिसलप के नेतृत्व में 120,000 सैनिक तथा 300 तोपों सहित उनके इलाके को घेर कर उन्हें नष्ट कर दिया। हजारों पिंडारी मारे गए, बंदी बने या जंगलों में चले गए। चीतू को असोरगढ़ के जंगल में चीते ने खा डाला। वसील मोहम्मद ने कारागार में आत्महत्या कर ली। करीम खां को गोरखपुर जिले में गणेशपुर की जागीर दी गई। इस प्रकार पिंडारियों के संगठन टूट गए और वे तितर बितर हो गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस 1805 द्वारा देसी राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई, जिसके कारण न केवल मध्य भारत और राजपुताना की रियासतें पिंडारियों और दूसरे लुटेरों के क्रीड़ा स्थल बनी, बल्कि मराठों की शक्ति घटते जाने से पिंडारी बहुत शक्तिशाली बनते गए और वे अंग्रेजी इलाकों पर भी धावा मारने लगे। स्थान स्थान पर पिंडारियों के गिरोह खड़े हो गए। पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है लुटेरे, सैनिक होता है। पिंडारियों के दल टिड्डी दल की भांति अचानक गाँव में घुस आते और लूट मार मचा कर भाग जाते। कोई भी गांव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जागीरदार तथा कोई भी राजा उनसे सुरक्षित नहीं था। अतः प्रत्येक गांव में ऊंचे मचान बनाए जाते तथा उन पर बैठकर पिंडारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। घोड़ों के इर्द गिर्द देखकर उनके आगमन की सूची ढोल या नकारों बजाकर दी जाती थी। पिंडारियों के आने की सूचना मिलते ही लोग स्त्रियों, बच्चों, धन, जेवर तथा रुपये आदि लेकर इधर उधर छुप जाया करते थे। जागीरी गाँव में जनता किलों में घुस जाती थी ताकि किसी तरह प्राणों की रक्षा हो सके। पिंडारी किसी भी गांव में अधिक समय तक नहीं ठहरते थे। वे आंधी की तरह आते थे और तूफान की तरह निकल जाते थे। पिंडारियों के कारण मरवाड़, मेवाड़, दुधार तथा हड़ौती जैसे समृद्ध क्षेत्र उजड़ने लगे थे। भीलवाड़ा जैसे कस्बे तो पूरी तरह वीरान हो गए थे। कोटा राज को इन्होंने खूब रौंदा। झाला झालमिल सिंह ने पिंडारियों के विरुद्ध विशेष सैन्य दल गठित किए। इक्का दुक्का आदमियों को मार्ग में पाकर ये पिंडारी अपने रुमाल से उनका गला घोट देते और उनका सर्वस्व लूट लेते थे। इस समय पिंडारियों के चार प्रमुख नेता थे, करीम खां, वसील मोहम्मद, चीतू और अमीर खां। करीम खां के नेतृत्व में लगभग 60,000 पिंडारी राजपुताना में लूटमार करते थे। अमीर खां का दादा तालेब खां अफगान कलीम खां का पुत्र था। तालेब खां मोहम्मद शाह गाजी के काल में बेनेमर से भारत आया था। तालेब खां का लड़का हयता खां था, जो मौलवी बन गया था। हयात खां का लड़का अमीर खां 1786 में भारत में ही पैदा हुआ था, जो 20 बरस का होने पर रोजी रोटी के तलाश में घर से निकल गया। उन दोनों सिंधिया का फ्रांसीसी सेनापति डिबोगले सेना की भर्ती कर रहा था। अमीर खां ने भी इस सेना में भर्ती होना चाहा, किंतु डिबोगले ने उस अनुशासनहीन छोकरे को अपनी सेना में नहीं लिया। इस पर अमीर खां कुछ दिन तक इधर उधर आवारागर्दी करने के बाद जोधपुर आया और विजय सिंह की सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद वह अपने साथ 300-400 आदमियों को लेकर बड़ौदा चला गया और गायकवाड़ की सेना में भर्ती हो गया। वहाँ से भीड़ निकाले जाने पर अमीर खां और उसके आदमी भोपाल नवाब की सेवा में चले गए।
1794 ईस्वी में अमीर खां उसके आदमियों ने भोपाल नवाब मोहम्मद यासीन अलियास चट्टा खां के मरने के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया और वहां से भागकर रायगढ़ में आ गया। यहां उसके आदमियों की संख्या 500 तक जा पहुंची। अब उसे कुछ कुछ महत्व मिलने लगा। कुछ समय बाद उसका राजपूतों से झगड़ा हो गया। राजपूतों ने उसे पत्थरों से मार मार कर अधमरा कर दिया। कई महीनों तक अमीर खां सिरोज में पड़ा रहकर अपना उपचार करवाता रहा। ठीक होने पर वह भोपाल के मराठा सेनापति बलराम इंगालिया की सेना में भर्ती हो गया। वहां उसे 1500 सैनिकों के ऊपर नियुक्त किया गया। भोपाल नवाब ने अमीर खां के आदमियों को जो वेतन देने का वादा किया था वह कभी पूरा नहीं हुआ। इस पर 1798 ईस्वी में उसने जसवंत राव होलकर से संधि कर ली, जिसमें तय हुआ कि अमीर खां कभी भी जसवंत राव पर आक्रमण नहीं करेगा तथा लूट के माल में दोनों आधा आधा करेंगे। 1806 में अमीर खां ने अपनी सेना में 35,000 पिंडारियों को भर्ती किया, जिसके पास 115 तोपें भी हो गई थी। यह संख्या बढ़ती ही चली गई। अब मराठा सरदार अमीर खां की सेवाएं बड़े कामों में भी प्राप्त करने लगे। जब 1806 में जसवंतराव होलकर की सेना में विद्रोह हुआ तो होलकर ने मुस्लिम सैनिकों को नियंत्रित करने का काम अमीर खां को सौंपा। इस कार्य में सफल होने पर होलकर ने उसे मराठों की ओर से कोटा से चौथ वसूली का काम सौंपा। अमीर खां को लेकर होलकर से ही 1809 में निम्बाहेड़ की तथा 1816 में छबड़ा की जागीर प्राप्त हुई। 1812 में अमीर खां के पिंडारियों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। 1807 से 1817 के बीच अमीर खां ने जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ राज्यों की आपसी शत्रुता में रुचि दिखाई तथा इन राज्यों का जीना हराम कर दिया। उसके पिंडारियों ने तो तीनों ही राज्यों की प्रजा तथा राजाओं को भी भर भर कर लूटा था। 1803 ईस्वी में राजा मानसिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसके पूर्ववर्ती राजा भीम सिंह की विधवा रानी गर्भवती थी, जिसने कुछ दिन बाद धोकल सिंह नामक पुत्र को जन्म दिया। पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह ने पाली, बगड़ी, हर्षुलाव, खिसवर, मरोड़, सेनड़ी, पुनलु आदि के जागीरदारों को अपने पक्ष में करके धोलक सिंह को मरवाड़ का राजा बनाना चाहा। उसने जयपुर के राजा जगत सिंह तथा बीकानेर के राजा सूरज सिंह को भी अपनी ओर मिला लिया। इन तीनों पक्षों में लगभग 1,00,000 सिपाहियों की सेना लेकर जोधपुर राज पर चढ़ाई कर दी। मान सिंह ने गिगोली के पास इस सेना का सामना किया, किंतु जोधपुर राज के सरदार जबरदस्त मान सिंह का घोड़ा युद्ध के मैदान से बाहर ले आए। शत्रु सेना ने परबत्सर, मरोड़, मेड़ता, पिपाड़ आदि कस्बों को लूटते हुए जोधपुर का दुर्ग घेर लिया। इस पर मान सिंह को पिंडारी नेता अमीर खां की सेवाएं लेनी पड़ी। उसने अमीर खां को पगड़ी बदल भाई बनाया और उसने अपने बराबर बैठने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, मान सिंह ने अमीर खां को पाटवा, डागावास, दरीबा तथा नावा आदि गाँव भी प्रदान किए। अमीर खां ने महाराजा को वचन दिया कि वह सवाई सिंह को अवश्य दंडित करेगा। अमीर खां ने एक भयानक जाल रचा। उसने महाराज मान सिंह से पैसे के लिए झगड़ा करने का नाटक किया तथा जोधपुर राज के गांव को लूटने लगा। जब सवाई सिंह ने सुना कि अमीर खां जोधपुर राज के गांव को लूट रहा है, तो उसने अमीर खां को अपने पक्ष में आने का निमंत्रण दिया। अमीर खां ने सवाई सिंह से कहा कि यदि सवाई सिंह अमीर खां के सैनिकों का वेतन चुका दे, तो अमीर खां सवाई सिंह को जोधपुर के किले पर अधिकार करवा देगा। सवाई सिंह अमीर खां के आदमियों का वेतन चुकाने के लिए तैयार हो गए। इस पर अमीर खां ने सवाई सिंह को अपने साथियों सहित मुंडवा आने का निमंत्रण दिया। सवाई सिंह चंडाल, पोखरण, पाली और बगड़ी के ठाकुरों को साथ लेकर मुंडवा पहुंचा। अमीर खां के आदमियों ने इन ठाकुरों को एक सामियाने में बैठाया तथा धोखे से सामियाने की रस्सियां काटकर चारों तरफ से तेल के गोले बरसाने लगे। इसके बाद मृत ठाकुरों के सिर काटकर राजा मान सिंह को भिजवाते गए। इस घटना से सारे ठाकुर डर गए और उन्होंने महाराजा से माफी मांग ली। कुछ दिनों बाद अमीर खां महाराज से पैसों की मांग करने लगा। जब महाराज ने पैसे देने से मना कर दिया, तो उसने गांव में आतंक मचा दिया। एक दिन उसके आदमियों ने जोधपुर के महलों में घुसकर राजा मान सिंह के प्रधानमंत्री इंदिरा सिंधवी तथा राजा के गुरु आयास देवनाथ की हत्या कर दी। भारतीय इतिहास की बीती दो सदियां लुटेरे, पिंडारिया, ठगों की करतूतों से रंगी हुई हैं। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रियों के काफिलों को लूटते रहे हैं। यात्रियों को लूटना इनकी फितरत थी और उन्हें जीवित न छोड़ना इनका धर्म। आजीविका के लिए उन्होंने रास्तों से गुजरने वाले व्यापारियों को ठगना और लूटना शुरू कर दिया। चंबल के बीहड़ इन पिंडारियों के भी शरणदाता बन गए।
पिंडारियों का निशाना अक्सर व्यापारियों के काफिले ही बनते थे, जो अपना माल बेचकर वजन हल्का कर लौट रहे होते थे। इन पर होने वाले धन की भी मुखबिरों के जरिए खबर लग जाती थी। इसके बाद सिंधिया शासन व अंग्रेजों के राज तक पिंडारियों का आतंक कायम रहा। अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इनकी पहचान करना सहज नहीं था, क्योंकि इनका ठिकाना एक जगह नहीं था। ऐसे में अंग्रेज उन्हें नहीं पकड़ पाते थे और ये अपने काम को अंजाम देने के बाद बड़ी सहजता से निकलकर भीड़ों में समा जाते थे। उनसे रक्षा के लिए अलग दस्ते तैनात किए जाने पड़ते थे। इस दस्ते का नेतृत्व अंग्रेज अफसर विलियम सिलीमैन को सौंपा गया था। इतिहास में सिलीमैन इसलिए मशहूर हैं क्योंकि उसने समूचे मध्यतर भारत को दुर्दांत पिंडारी लुटेरों के जाल से मुक्ति दिलाई थी। स्वतंत्रता के दोनों संग्रामों के दौरान पिंडारियों ने दिया क्रांतिकारियों का साथ। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली चंबल के किनारे 450 वर्ग किलोमीटर फैले इन भीड़ों में पिंडारियों का आतंक था। हालांकि आज़ादी के लिए लड़ी गई दोनों जंगों में अंग्रेज के विरोध में खड़े रहे। इस जंग में उनके घर बर्बाद हो गए। अंग्रेजों ने उनके घरों में आग लगा दी, लेकिन इन डिगटों ने आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर क्रांतिकारियों ने साथ दिया। वीर फिल्म के बहाने हमने पिंडारियों के अतीत से पर्दा उठाना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इतिहास में जिस चीतू खान के जंगल में चीता खाने के बात लिखी है, उनको अंग्रेजों ने गणेशपुर में रिसायत दी और वहां उनकी मजार है। पिंडारी लोग अब अभियान चला रहे हैं ताकि उनके बारे में इतिहास में सही तथ्य अंकित हो सके। उन्हें गलत इतिहास से शिकायत है। पूर्वजों का शौर्य देख रोमांचित हो गए पिंडारी। आनंद राय गोरखपुर इतिहास की बुनियाद और कल्पना के सहारे पिंडारियों की शौर्य गाथा पर बनी फिल्म वीर को पूर्वांचल में ऐतिहासिक सलामी मिली। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी यहाँ के सिनेमा हॉल गर्म हो गए थे। जुमे की नमाज की वजह से पिंडारी दिन का शो नहीं देख सके। दोस्तों के साथ पिंडारी मुखिया ने रात का शो देखा। पर्दे पर पिंडारियों की शौर्य गाथा देखकर वे लोग रोमांचित हो गए। फिल्म वीर पूर्वांचल में इसलिए बेहद प्रशंसित हो गई क्योंकि अंग्रेजों ने समझौते के तहत पिंडारी सरदार करीम खां को गोरखपुर के सिंकरीगंज में जागीर देकर बसाया था। अब उनकी वंश बेल दूर दूर तक फैल गई है। इस ऐतिहासिक तथ्य को दैनिक जागरण ने 21 जनवरी के अंक में उजागर किया। पिंडारी परिवार के मुखिया अब्दुल रहमत करीम खां और अब्दुल मामूद करीम खां जुमे की वजह से दिन में नहीं जा पाए, लेकिन रात को SRS में शो देखा। एक एक दृश्य पर उन लोगों की निगाह जमी थी। पहले उन लोगों ने तय किया था कि यदि फिल्म में उनके पूर्वजों पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पूरी फिल्म पिंडारी कौम की शौर्य गाथा को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए उन लोगों की खुशी बढ़ गई। फिल्म वीर में पिंडारियों के कबीले में हिंदू मुसलमान दोनों दिखे। फिल्म में हैदर अली पिंडारियों के सरदार हैं, जबकि पूरी फिल्म की कहानी पिंडारी पृथ्वी सिंह के पुत्र वीर के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में इस बात को झुठलाने की कोशिश की गई है कि पिंडारी अमानवी बेहद क्रूर और अराजक थे। माधवगढ़ की युवराजी यशोधरा से प्रेम की शुरुआत ही लूटपाट करने गए वीर के मानवीय गुणों से होती है। पिंडारी परिवार के रहमत खां और मामूद खां यह सुनना पसंद नहीं करते हैं कि पिंडारी लुटेरे और क्रूर थे। उनका कहना है कि पिंडारी कौम हमेशा से बहादुर थी, अन्याय के खिलाफ लड़ी। उन लोगों का कहना है कि फिल्म में हमारी सही समीक्षा की गई है। फिल्म की बारीकियों पर नजर रखने वाले सिनेमा वितरक अख्तर हुसैन अंसारी कहते हैं कि वीर फिल्म में इतिहास के कुछ जीवित संदर्भ हैं, लेकिन काल्पनिक जिंदगी की तस्वीरें सब पर भारी हैं। आनंद राय गोरखपुर पिंडारियों की शौर्य गाथा को प्रदर्शित करने वाली फिल्म वीर पिंडारियों के मुखिया रहमत करीम खां और उनके चचेरे भाई अब्दुल मामूद करीम खां को जितनी अच्छी लगी, उतना ही इतिहास के उनकी नाराजगी बढ़ गई। इतिहास में पिंडारियों को बर्बर और लुटेरा लिखे जाने पर उन लोगों ने क्षोभ जाहिर किया है और भारत सरकार से मांग की है कि इतिहास से झूठे तथ्यों को हटाया जाए। बातचीत में उन लोगों ने यह स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज लुटेरे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को ही लूटा। अंग्रेजों के लिखे इतिहास को ही हमारा इतिहास मान लिया गया। इस कलंक को मिटाने के लिए वे अभियान चलाएंगे। लॉर्ड होस्टिंग के साथ हुए समझौते के तहत 1820 में सीकरीगंज में जागीर देकर बसाए गए पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज अब्दुल रहमत करीम खां, अब्दुल मामूद करीम खां और उनके परिवारी जन ने शुक्रवार की रात को फिल्म वीर देखी थी। इस फिल्म को देखने के बाद उन लोगों ने शनिवार की सुबह सीकरीगंज नवाब हाता में अपने परिवारी जन में खुशी बांटी।
फिल्म से संतुष्ट पिंडारी मुखिया को सलमान खान से सिर्फ इतनी शिकायत है कि उनके पूर्वज करीम खां का फिल्म में जिक्र नहीं हुआ है, पर इस फिल्म में उन लोगों का हौसला बढ़ा दिया है। उन लोगों को अब इतिहास पर आपत्ति है। पिंडारी मुखिया का कहना है कि हाँ, हमारे पूर्वज लुटेरे थे, लेकिन उन्हें गलत ढंग से इतिहास में दिखाया गया है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया और उनके खजाने को लूटा। इतिहासकारों से पिंडारी परिवार का सवाल है कि क्या आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिन जिन नामचीन सेनानियों ने अंग्रेजों का खजाना लूटा, उन्हें लुटेरा कहा जाए। पिंडारियों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों और उनके सरपरस्तों को लूटा, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, इसलिए उन्होंने हमसे समझौता किया। हम अंग्रेजों पर भारी पड़े या बहुतों को हजम नहीं हुआ। महबूद खान का तर्क है कि चूंकि हम बेहद अल्पसंख्यक हो गए और पिंडारी सेना को अंग्रेजों और उनकी गुलामी राजाओं ने तबाह कर दिया, इसलिए सियासी चाल के तहत हमारे इतिहास को दागदार कर दिया। अब हमारा मकसद इस कलंक को धोना है, इतिहास के पन्नों लिखी गलत इबारत को दुरुस्त करना है। पिंडारी बोले, हमें भी सम्मान चाहिए। कार्यालय संवाददाता गोरखपुर इतिहास के पन्ने में लुटेरा साबित हुए पिंडारियों ने वीर फिल्म के प्रदर्शन के बाद अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधित चिट्ठी में पिंडारियों ने कहा था कि सरकार हमें भी सम्मान दो ताकि हम चैन से जी सके। सलमान खान की फिल्म वीर के प्रदर्शन के बाद सिकरीगंज स्थित नवाब हाथा में सक्रियता बढ़ गई थी। पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज परिवार के मुखिया अब्दुल रहमत करीम खां और उनके भाई अब्दुल महमूद करीम खां ने अपने सम्मान के लिए अभियान शुरू कर दिया था। रविवार को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्रक तैयार हुआ, जिसमें उन लोगों ने यह लिखा है कि पिंडारी कौम बहुत बहादुर थी, आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ी, लेकिन मालवा प्रदेश में पिंडारियों को घेर कर धोखे से मारा गया। धोखा देने के बाद भी जब बचे हुए पिंडारी उन पर भारी पड़े, उन लोगों ने समझौता किया। अमीर को टोक और करीम खां को गोरखपुर के सिकरीगंज में जागीर दी गई। वसूली मोहम्मद को उन लोगों ने गाजीपुर कारागार में बंद कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई, जबकि चीतू को जंगल में चीता खा गया। इस बहादुर कौम को अल्पसंख्यक होने के नाते इतिहास में लुटेरा लिख दिया गया। इस तथ्य को सही किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि पिंडारी कौम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली बहादुर कौम थी। इस अभियान के प्रवक्ता महमूद करीम खान ने कहा है कि हम अपने मुखिया के निर्देशन पर इस पत्रक पर अपने समाज के लोगों को सोमवार से हस्ताक्षर कराएंगे और फिर इसे सरकार को सौंपेंगे। पिंडारी चीतू खां के जंगल में मरने का तथ्य झूठा। कार्यालय संवाददाता गोरखपुर इतिहास में पिंडारियों को लुटेरा कहे जाने के खिलाफ पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज अब्दुल रहमत करीम खां और अब्दुल महमूद करीम खां द्वारा शुरू किए गए संघर्ष की लौ तेज हो गई है। बस्ती में डॉक्टर सलीम अहमद पिंडारी ने इस अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला किया था और कहा था कि अब यह मशाल लखनऊ, टोंक और भोपाल तक चलेगी। डॉक्टर सलीम खां की माने तो वह उसी पिंडारी सरदार चीतू खां के वंशज हैं जिनके बारे में इतिहास में दर्ज हो गया था कि चीतू को जंगल में चीता खा गया। जंगल में उनके मरने का तथ्य झूठा है। पिंडारी सरदार करीम खां की पांचवी पीढ़ी के वंशज रहमत करीम खां और महमूद करीम खां ने इतिहास को सही तथ्य दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित पत्र को लेकर सोमवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था, लेकिन बस्ती के डॉक्टर सलीम अहमद पिंडारी ने भी इतिहास के गलत तथ्यों को मिटाने का बड़ा बीड़ा उठा लिया था। उन्होंने कहा था कि रहमत करीम खां हमारे परिवार के हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमारी कौम आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ी और बहादुरी से लड़ी। उन्होंने कहा कि चीतू खां का असली नाम कादिर बख्श था। 1816 से 1818 तक लखनऊ में वे लॉर्ड हेस्टिंग की सेना में लड़े। 1920 में उन्हें भी समझौते के तहत बस्ती जिले से 7 किलोमीटर दूर गणेशपुर में सम्मान बसाया गया। कादिर बख्श के पुत्र कादिम हुसैन को दो बेटे खान बहादुर नवाब गुलाम हुसैन और नवाब गुलाम मोहम्मद हुए। डॉक्टर सलीम पिंडारी नवाब गुलाम हुसैन के इकलौते पुत्र नवाब सौदा हुसैन के पुत्र हैं। चीतू की पांचवी पीढ़ी के डॉक्टर सलीम को सदा से पिंडारी होने का गर्व है, इसलिए उन्होंने बस्ती के अपने अस्पताल का नाम पिंडारी हॉस्पिटल रखा। डॉक्टर सलीम कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से इतनी जबरदस्त लड़ाई की कि उन्हें हमारे आगे झुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि 4 जून 1928 को यूके में मेरे दादा खान बहादुर गुलाम हुसैन को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 12 मई 1937 को ब्रिटिश महारानी ने भी उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की लड़ाई का परिणाम रहा कि देश को आज़ादी मिली। इतिहास में गलत ढंग से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। अब गणेशपुर के जर्रार अहमद पिंडारी, अब्दुल्ला पिंडारी, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम और आसिल पिंडारी भी अपने सम्मान के लिए शुरू हो गए आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाए थे। पिंडारी कौन थे? राजपूतों को भी खौफ था इनसे।
क्या राजपूत थे, क्या पिंडारी आज भी दूसरे नाम से हैं। भारतीय इतिहास में बीती दो सदियां पिंडारियों से रंगी हुई हैं। इष्ट धातु से बना है इष्टक, जिसमें विद्यमान के वस्तु के गोपन का भाव भी है, जिसका अर्थ हुआ ढकना, छिपना। इसी से बना है इष्टगत और इसका अर्थ होता है जालसाजी, देशत का रूप ठग हुआ। कालांतर में यह इष्टगत पिंडारी कहलाए। इनके प्रमुख गुण थे धूर्त, बेईमानी, छल्ली, निर्जलता, लापरवाह और खूंखार। हिंदी में ठग किसी तय अवधि में किए जाने वाले कार्य अथवा योजना की अगली तिथि होने तक टालना इष्टगत होना, इसलिए स्थगित का अर्थ गुप्त, ढका हुआ अथवा छुपा हुआ में जो भव है वह अदृश्य भविष्य को साफ संकेत कर रहा है। इसे ठगोरी कहते हैं। ठगी विद्या को ठगों का शिकार काफिले हुआ करते थे। अपनी वक्त चतुर्थ और ठगलाव या ठगोमग काफिलों के लोगों को खिलाकर बेहोश कर लूटपाट किया करते थे और फिर हत्या कर देते थे। यही पिंडारी कहलाए। मराठों की फौज में पिंडारियों की अहम भूमिका रही है। ये वेतन भोगी थे। लड़ाई के समय योद्धा युद्ध करते, वो भी अपने नायाब तरीकों से। शांति काल में खेती बाड़ी मजदूरी करते ताकि इनकी पहचान गुप्त रहे। पिंडारियों की बहुत बड़ी तादाद थी और प्रमुख नेता चार थे, करीम खान, वसीम मोहम्मद, चितू और वसीम मोहम्मद। इस बात का उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ कि सभी नेता और इनके लोग मराठों के पतन के बाद जो समूचे महाराष्ट्र दक्षिण भागे में थे, इन पिंडारियों में बहुत से पिंडारियों ने इस्लाम धर्म को अपना मान लिया था और बेरोजगारी भुखमरी हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत इन लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रही थी। ये पिंडारी समुदाय भारत मध्य में छुपा दे रहे हैं। हर एक नेता के साथ 50,000 से 60,000 पिंडारियों की टोलियाँ थी। अपनी आजीविका चलाने के लिए ये लूटपाट करने लगे। पिंडारी सरदार नसरू ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत मदद की थी। चिंगोड़ी तथा हुलू के नेतृत्व में 15,000 पिंडारियों ने पानीपत युद्ध में शिवाजी का साथ दिया। अंत में पिंडारी मध्य भारत और उत्तरी भागों में बस गए। ये सिंधिया शाही या होलकर शाही कहलाए। वसीमुल्ला सिंधियों के सेना के प्रमुख थे। करीम खान, तक्कू खान, साहिब खान, शेखदुल्ला होलकर की सेना में थे। जब ये स्टेट अंग्रेजी हुकूमत में आधीन हो गई तो ये फिर से पिंडारी भटक गए और वही काम फिर से शुरू हुआ। पिंडारियों के जो गुण थे उनका लाभ सिंधिया होलकर ने खूब उठाया। लूटपाट की वारदातों का दायरा बढ़ने लगा। गुजरात, मध्य भारत, राजपुताना सब जगह लूटपाट होने लगी। पिंडारियों ने 1812 में बुंदेलखंड पर धावा बोल दिया। 1817 में उत्तरी भारतीय भागों पर धावा बोल दिया। पिंडारियों की इस गंभीर लूटपाट को देखकर अंग्रेज की नींद हराम हो गई। अंग्रेजी हुकूमत ने नुमाइंदों ने पिंडारियों में फूट डाली और अपने साथ मिला लिया। कुछ पिंडारी नेता अंग्रेजों के बातों में आ गए, लेकिन बहुत से पिंडारियों ने अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं आई। लॉर्ड ह्यूगेस्टन ने 1803 में सिंधिया समर्पित पिंडारियों आमिर खां के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य के एक नगर सागर पर हमला कर दिया, जिसका ब्यौरा इतिहासकार वृंदावन लाल शर्मा की पुस्तक कचनार की कली में इस प्रकार से किया है। डेढ़ माह तक सागर को लूटपाट किया और डेढ़ माह तक रोज सागर नगर के एक हिस्से को जला दिया जाता रहा। सागर के हर एक घर में संपत्ति को छीन लिया गया था। सागर के लोगों को क्रूरतापूर्वक यातनाएं देकर जी लोगों ने अपने धन को कुएं तालाबों में फेंक दिए थे। आमिर ने गोताखोरों से वो संपत्ति भी निकलवा ली। वो सागर को नाश्ते नाबूद कर सिंधिया स्टेट में मिला दिया था। ये समय वो समय था जब मराठों की सियासी अंतिम सांसें ले रही थी। मराठा शासक रघुनाथ राव के परिजन को पिंडारियों ने अपहरण कर लिया था। सिंधिया नरेश की मध्यस्थता से पिंडारियों को तत्कालीन 1,75,000 रुपए देकर छुड़वाया गया था। आमिर खान अब सिंधिया के अस्तित्व भी नहीं रहा था। वो अपने आप को 15,000 पिंडारियों के साथ अलग हो गया। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से आमिर ने विवाह संबंधित मामले में जयपुर जोधपुर के बीच जंग करवा दी। एक कुंती के अनुसार पिंडारी अपने को राजपूत खाने लगे, लेकिन राजपूत राजाओं की ख्याति रही है कि अपने मान सम्मान के खातिर राजपूत अपनी जान दे सकते हैं। राजपूत समाज से मान सम्मान विश्वविख्यात है। ऐसे में पिंडारियों को राजपूत मानना हास्यप्रद है, लेकिन पिंडारियों ने राजपुताना में कोहराम मचा रखा था। मारवाड़, डुढाल, भीलवाड़ा को पिंडारियों ने वीरान कर दिया। हड़ौती, कोटा सबको रौंद डाला, लेकिन
राजपूत राजा सवाई सिंह ने जोधपुर किले को हासिल करने के लिए पिंडारियों की मदद ली। इसके बदले आमिर खान ने अपने पिंडारियों को वेतन देने को कहा। सवाई सिंह ने पिंडारियों की बात मान ली। इसके बदले आमिर खान पिंडारी के नेतृत्व में 50,000 पिंडारी सवाई सिंह का साथ देने को तैयार हो गए। युद्ध के पहले पिंडारी आमिर ने एक चाल चली, सवाई सिंह को कहा कि वह पोखरण के राजपूत राजा पाली बगड़ी के राजपूत राजाओं को जोधपुर के किले में मिलन समारोह रखा गया था। सभी राजा न्योते पर जोधपुर किले के एक सामियाने में बैठक में बैठे इतने में पिंडारियों ने दिए बुझाकर ताल के गोले बरसाने लगे और सभी राजाओं की हत्या कर सिर काट कर राजा मानसिंह जयपुर भिजवा दिया। इस बात से मानसिंह जी नाराज हो गए। फिर सवाई सिंह ने क्षमा याचना की। सवाई सिंह जोधपुर का किले का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और शर्मिंदा हुए कि अपने ही राजपूतों को मरवा दिया। इधर पिंडारियों के सरदार आमिर ने सवाई सिंह से और धन की मांग की, लेकिन सवाई सिंह ने और धन देने से इनकार कर दिया था। आमिर ने सवाई सिंह के महल में घात लगाकर प्रधानमंत्री इंदिराज संघवी और गुरुदेव आवासनाथ की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में पिंडारियों ने क्रांतिकारियों के बहुत साथ दिया था। इसमें अपने गोपनीय शब्दावली थी, पक्के ठग को ब्यौरा या ओला, सरगना को जमादार, असरफी सोना को खार, इसके गुप्त ठिकानों का नाम फुर और यात्रियों पर निगरानी रखने वाले को सौंधा, सौंधा की मदद करने वाले को दक्ष, अंग्रेज पुलिस को डाकिन और फांसी लगाने वाले को फांसकीर, हत्या पर दफनाने वाले की जगह को तोपनी, ये इनकी गोपनीय भाषा थी जो केवल पिंडारी ही समझते थे। आमिर खान को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फांसी दे दी। एक और पिंडारी करीम खान जो अंग्रेजों से मिला हुआ था को गोरखपुर की जागीर दे दी। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है कि लुटेरों को सही धारा में लाने का प्रयास हो, पर इस बात पर मुझे यकीन नहीं होता है। आज भी गोरखपुर महानगर के मियां बाजार में पिंडारी हवेली है या 60 साल पुरानी है। इसके मालिक करीम खां की पांचवी पीढ़ी है। इनका नाम रहमत करीम खां है। ये बताते हैं कि करीम खां की मृत्यु के बाद इमली डी होखुर्द में दफनाया गया था। हर सबेरत को करीम खान के मजार पर इनके वंशज यहाँ फातिया पढ़ते हैं। रहमत करीम खान की घड़ी की दुकान है मियां बाजार में। बताते हैं कि सीकरी गंज की जागीरी अंग्रेजों ने 1820 में करीम खान को दे दी थी। ये कतई मामले को तैयार नहीं है कि इनके पूर्वज लुटेरे थे। एक और पिंडारी नेता चिद्दू को जंगलों में शेरों ने अपना शिकार बना लिया था। पिंडारी का हर तरीके से अपने मतलब के लिए तत्कालीन राजाओं अंग्रेजों ने खूब उपयोग में लिया, क्योंकि इनकी लड़ाई और हमले का नायाब तरीका था। ये हर तरीके से अपने विरोधियों को नष्ट कर दिया करते थे। रात में विरोधियों के सैनिकों की छावनियों में जाकर उनके शस्त्रों को नष्ट नाबूद कर देते थे। सैनिकों के भोजन में जहर मिला देते थे। इसी खासियतों के कारण इनका शोषण हुआ था। ये 1900 सदी तक सक्रिय रहे। लूटपाट करना इनका पेशा बन चुका था। ज्यादा निगरानी के चलते इनके लूटपाट के तरीकों में भी बदलाव आया। साहूकारों धनाढ्य लोगों के घरों में महिलाओं ने नौकरी कर ली और उस परिवार की जानकारी अपने आदमियों को देने लगी। यहाँ तक कि ये महिलाएं परिवार के मुखिया का विश्वास जीतने के लिए अनैतिक संबंध बनाने से भी ना कतराई थी। विश्वास जीतने के बाद नशीले पदार्थ पूरे परिवार को खिलाकर बेहोश कर अपने आदमियों को बुलाकर लूटपाट कर फरार हो जाते थे। इसमें से कुछ पिंडारी जो अब ठग कहलाने लगे थे इस बात से नाराज थे कि लूटपाट में महिलाओं को शामिल न करें। यहाँ से दो धड़े हो गए, एक वो जो महिलाओं का लूटपाट करते थे, दूसरा वो जो पुरानी परंपरा के अनुसार लूटपाट करना। आज भी यह समुदाय हमारे बीच में है। एक तो पूरी तरह देह व्यवहार में उतर गया है, दूसरा धड़ा चड्डी गैंग के रूप में हमारे समाज में आज भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन ठगों के बारे में बात करेंगे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ठगों के बारे में सबसे दिलचस्प और पुख्ता जानकारी 1849 में छपी किताब कॉन्फेंस ऑफ ए ठग से मिलती है। किताब के लेखक पुलिस सुपरिटेंडेंट फिलिप मीडो टेलर थे, लेकिन किताब की भूमिका में उन्होंने बताया है कि उन्होंने इसे सिर्फ कलम बंद किया है। दरअसल 550 पन्नों की किताब ठगों के एक सरदार आमिर अली खां का कन्फेंशन यानी इकबालिया बयान है। फिल्म मीडियो टेलर ने आमिर अली से जेल में कई दिनों तक बात की और सब कुछ लिखते गए। टेलर के मुताबिक ठगों के सरदार ने जो कुछ बताया उसे में तकरीबन सप्तता लिखता गया, यहाँ तक कि उसे टोकने या पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आमिर अली का बयान इतना ब्यौरेवर और दिलचस्प था कि वह एक उपन्यास बन गया और छपते ही उसने धूम मचा दी। रुडियार्ड फिलिपकिंस के मशहूर उपन्यास किम से करीब 60 साल पहले छपी इस किताब में एक और खासियत थी कि यह किसी अंग्रेज का नज़रिया नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी ठग का फर्स्ट पर्सन अकाउंट है।
टेलर का कहना है कि आमिर अली जैसे सैकड़ों सरगना थे जिनकी देखरेख में ठगी का धंधा चल रहा था। आमिर अली से जब टेलर ने पूछा कि तुमने कितने लोगों को मारा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे साहब वो तो मैं पकड़ा गया नहीं तो 1000 पार कर लेता, आप लोगों ने 719 पर ही रोक दिया। ठगी का आलम यह था कि अंग्रेजों को इनसे निपटने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ा था, वही विभाग आगे चलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो या IB के नाम से जाना गया। टेलर ने लिखा है, अवध से लेकर दक्कन तक ठगों का जाल फैला था। उन्हें पकड़ना इसलिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ये बहुत खुफिया तरीके से काम करते थे, उन्हें आम लोगों से अलग करने का कोई तरीका ही समझ नहीं आता था। वह अपना काम योजना बनाकर और बेहद चालाकी से करते थे ताकि किसी को शक न हो। ठगों से निपटने के लिए बने डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट कैप्टन रेनाल्ड ने 1831 से 1837 के बीच ठगों पर हुई कार्रवाइयों का 1838 में ब्यौरा दिया था। इस ब्यौरे के मुताबिक पकड़े गए जिन 1059 लोगों का दोष पूरी तरह साबित नहीं हो सका उन्हें दूर मलेशिया के पास पेनांग टापू पर ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि ये दोबारा वारदात ना कर सके। इसके अलावा 412 को फांसी दी गई और 87 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ठगों की खुफिया रहस्यमय जिंदगी। ठगों के लिए अंग्रेजों ने सिक्रेविल्ड कल्ट, हाईवे रॉबर्ट्स और मास मर्डरर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। कल्ट कहे जाने की वजह यह है कि उनके अपने रीति रिवाज, विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं, उसूल और तौर तरीके थे जिनका वे बहुत पाबंदी से धर्म की तरह पालन करते थे। उनकी अपनी एक अलग खुफिया भाषा थी जिसमें वे आपस में बात करते थे। इस भाषा को रमासी कहा जाता था। भारत में ठगों की कमर तोड़ने का श्रेय मेजर जनरल विलियम हेनरी स्लीमन को दिया जाता है जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने सर के खिताब से नवाजा था। स्लीमन ने लिखा है, ठगों के गिरोह में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ठगों की शुरुआत कैसे हुई यह बता पाना नामुमकिन है, लेकिन ऊंचे रुतबे वाले शेख से लेकर खाना बदोश मुसलमान और हर जात के हिंदू इसमें शामिल थे। मुहूर्त से होता था हर काम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ठग शुभ मुहूर्त देखकर विधिविधान से पूजा पाठ करके अपने काम पर निकलते थे जिसे जिताई पर जाना कहा जाता था। ठगी का मौसम आमतौर पर दुर्गा पूजा से लेकर होली के बीच होता था। तेज गर्मी और बारिश के रास्तों पर मुसाफिर भी कम मिलते थे और काम करना मुश्किल होता था। अलग अलग गिरोह अपनी आस्था के हिसाब से मंदिरों में दर्शन करने जाते थे। ज़्यादातर ठग गिरोह माँ काली की पूजा करते थे। इसके अलावा वे हर अगले कदम से पहले सकुन और अपसकुन का विचार करते थे। उल्लू के बोलने, कौवे के उड़ने, मोर के चिल्लाने, लोमड़ी के दिखने जैसी हर चीज़ का वे अपने हिसाब से अलग मतलब निकालते थे। जिताई पर जाने से 7 दिन पहले से साता शुरू हो जाता था। इस दौरान ठग और उनके परिवार के सदस्य खाने पीने, सोने उठने और नहाने, हजामत बनाने वगैरह के मामले में कड़े नियमों का पालन करते थे। साता के दौरान बाहर के लोगों से मेलजोल, किसी और को बुलाना या उसके घर जाना नहीं होता था। इस दौरान कोई दान नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों को भी खाना नहीं दिया जाता था। जिताई से सफल होकर लौटने के बाद पूजा पाठ और दान पुण्य जैसे काम होते थे। इसी तरह इटिप के नियमों का पालन होता था। ठगों का मानना था कि काम पर निकलने से पहले पूर्ण रूप से पवित्र होना बहुत जरूरी होता है। गिरोह के किसी ठग के घर में कोई जन्म या मृत्यु होने पर 10 दिनों के लिए, पालतू जानवरों की मौत होने पर 3 दिनों के लिए और इसी तरह जन्म होने पर 7 दिनों के लिए या तो पूरा गिरोह रुक जाता था या वह ठग काम पर नहीं जाता था जिनके परिवार में जन्म या मृत्यु हुई हो। कस्सी का महत्व। मारे जाने वाले लोगों की कब्र जिस कुदाल से खोदी जाती थी उसे कस्सी कहा जाता था। कस्सी सबसे ज़्यादा आदर की चीज़ थी। गहरे रिसर्च के बाद उर्दू और हिंदी में लिखे बहुचर्चित उपन्यास कई चांद थे सारे आसमां में मशहूर महान फारूकी ने कस्सी की पूजा का वर्णन कुछ इस तरह से किया है। एक साफ सुथरी जगह पर थाली में पानी से कुदाली को धो दिया जाता है, फिर पूजा की विधि जानने वाला ठग बीच में बैठता है, बाकी ठग नहा धोकर उसके चारों तरफ बैठते हैं। कुदाली को पहले गुड़ के शरबत, फिर दही के शरबत और अंत में शराब से नहलाया जाता है, फिर तिल, जौ, रोली, पान और फूल से उसकी पूजा की जाती है। कुदाली की नोक पर सिंदूर से 7 टीके लगाए जाते हैं। उस कुदाली से एक नारियल फोड़ा जाता है।
नारियल फूटने पर सभी ठग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जय देवी माई की बोलते हैं। ठगों के बीच ऐसी कहानियां प्रचलित थी कि उन पर कुदाल देवी का आशीर्वाद रहता है। इसके अलावा एक और खास बात ये थी कि ठग मानते थे कि अगर वे नियमों का पालन करते हुए अपना काम करेंगे तो देवी माँ की कृपा उन पर बनी रहेगी। पहला नियम यह था कि कत्ल में एक बूंद भी खून नहीं बहनी चाहिए। दूसरे किसी औरत या बच्चे को किसी हाल में नहीं मारा जाना चाहिए। तीसरे, जब तक माल मिलने की उम्मीद ना हो हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टेलर ने अपनी किताब में लिखा है कि आमिर अली खान को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। दूसरे सभी ठगों के बारे में मेजर जनरल सलीमन ने लिखा है कि वे मानते ही नहीं थे कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। उनकी नज़र में यह अन्य पेशों की तरह एक पेशा था और उनके मन में जरा भी पछतावा या दुख नहीं था कि किस तरह मासूम लोगों को मार कर वे गायब कर देते हैं। कैसे होती थी रास्तों पर ठगी? जिताई पर निकलने वाले ठगों का गिरोह 20 से 50 तक का होता था। वह आमतौर पर तीन दस्तों में चलते थे, एक पीछे, एक बीच में और एक आगे। इन तीनों दस्तों के बीच तालमेल के लिए हर टोली में एक दो लोग होते थे जो एक कड़ी का काम करते थे। वह अपनी चाल तेज या धीमी करके अलग अलग होते या साथ आ सकते थे। ज़्यादातर ठग कई भाषाएँ, गाना बजाना, भजन कीर्तन, नात, कव्वाली और हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तौर तरीके अच्छी तरह से जानते थे। वे ज़रूरत के हिसाब से तीर्थयात्री, बाराती, मजार के जायरीन या नकली स्वयात्रा निकालने वाले बन जाते थे। एक रास्ते में वे कई बार अपना रूप बदल लेते थे। जाहिर है वे भेष बदलने में भी अच्छे खासे माहिर थे। वे बहुत धीरज से काम लेते थे, अपने शिकार को जरा भी भनक नहीं लगने देते थे। कई बार तो लोग ठगों के डर से ही अगले ठगों को शरीफ समझकर उनकी गिरफ्त में आ जाते थे। ठगों के सरदार आमतौर पर पढ़े लिखे इज्जतदार आदमी की तरह दिखने बोलने वाले लोग होते थे और बाकी उसके तरह के करिंदे। फिलिप मीडो टेलर की किताब कन्फेंशन ऑफ ए ठग में आमिर अली ने विस्तार से बताया है कि कैसे वह बड़े सेठों और मालदार लोगों से ज़रूरत के हिसाब से कभी किसी नवाब के सिपाह सलाहकार की तरह मिलता था, कभी मौलवी की तरह, तो कभी ही तीर्थयात्रियों का नेतृत्व कर रहे पंडित की तरह। आमिर अली ने बताया कि ठगों के काम बटे हुए थे। सोठा गिरोह के सदस्य सबसे समझदार, लोगों को बात में फंसाने वाले लोग थे जो शिकार के ताक में सरायों के आसपास मडराते थे। वह आने जाने वाले की टोह लेते थे, फिर उनके माल, असबाब और हैसियत का अंदाज़ा लगाकर उसे अपने चंगुल में फंसाते थे। आमिर अली के गिरोह का सोठा गोपाल था जो बहुत होशियारी से अपना काम करता था। शिकार की पहचान करने के बाद कुछ लोग उसके पीछे, कुछ आगे और कुछ सबसे आगे चलते थे। रास्ते भर धीमे धीमे करके ठगों की तादाद बढ़ती जाती, लेकिन वे ऐसा दिखाते जैसे वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। अपने ही लोगों को जत्थे में शामिल होने से रोकने का नाटक करते थे ताकि शक न हो। यह बहुत धीरज का काम था, हड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। आमिर अली ने टेलर को बताया था कि कई बार तो हफ्तों दस हफ्तों तक सही मौके का इंतजार किया जाता था। अगर किसी गड़बड़ी की आशंका हो तो वारदात टाल दी जाती थी। कमाल का सामंजस्य। सबसे आगे चलने वाले दस्ते में बेल यानी कब्र तैयार करने वाले लोग रहते थे। उन्हें बीच वाले दस्ते से कड़ी का काम करने वाला बता देता था कि कितने लोगों के लिए कब्र बनानी है। पीछे वाला दस्ता नज़र रखता था कि कोई खतरा उनकी तरफ तो नहीं आ रहा है। आखिर में तीनों बहुत पास पास आ जाते, लेकिन इसकी खबर शिकार को नहीं होती थी। कई दिन गुजर जाने के बाद जब शिकार चौकन्ना नहीं होता था और जगह माकूल होती थी, तब गिरोह को कार्रवाई करने के लिए, सतर्क करने के लिए बातचीत में पहले से तय एक नाम लिया जाता था। आमिर अली ने अपने बयान में बताया कि इसके लिए सरमस्त खां, लंदन खां, सरबुल्द खां, हरिराम या जयगोपाल जैसे नामों का इस्तेमाल होता था। यह पहला इशारा था कि अब कार्रवाई होने वाली है। इसके बाद ठगों में सबसे इज्जतदार लोगों की बारी आती थी, जिन्हें भटौत या भटौती कहा जाता था। इनका काम बिना खून बहे रुमाल से सिक्का बांधकर बनाई गई गांठ से शिकार का गला घोटना होता था। हर एक शिकार के पीछे एक भटौत होता था। पूरा काम एक साथ दो तीन मिनट में होता था। इसके लिए मुस्तैद ठग अपने सरगना की झिरनी का इंतजार करते थे। क्या थी झिरनी? झिरनी अंतिम इशारा होता था कि अपने आगे खड़े या बैठे शिकार के गले में फंदा डालकर खींचा जाए। आमिर अली ने एक झटके में 12 से 15 तंदुरुस्त मर्दों का काम तमाम करने का वर्णन बेहद सहजता से किया है।
उसने टेलर को बताया, इशारा या झिरनी आमतौर पर सुरती खा लो, हुक्का पिलाओ या गाना सुनाओ जैसा छोटा वाक्य होता था। फिर पलक झपकते ही भटो शिकार के गले में फंदा डाल देते थे और 2-3 मिनट में आदमी तड़पड़ा कर ठंडा हो जाता था। इसके बाद लाशों से कीमती सामान हटाकर उन्हें पहले से खुदी हुई कब्र में एक के सिर की तरफ दूसरे का पैर वाली तरकीब से कब्रों में डाल दिया जाता ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा लाशें आ सके। इसके बाद जगह को समतल करके उनके ऊपर कांटेदार झाड़ियाँ जो पहले से तैयार रखी होती थी लगा दी जाती थी ताकि जंगली जानवर कब्र को खोदने की कोशिश ना करे। इस तरह पूरा का पूरा चलता फिरता काफिला हमेशा के लिए गायब हो जाता था। और ठग भी, ठग एक अलग तरह का जीव था। आमिर अली ने अपने बयान में बताया है कि आज के उत्तर प्रदेश के जालौन में वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ज़्यादातर लोग उसे मुसलमान जमींदार या सौदागर समझते थे। साल के 7-8 महीने वह घर पर एक इज्जतदार मुसलमान की तरह रहता और सही समय पर पूजा पाठ करके 4 महीने के लिए जिताई पर निकल जाता था। बहुत कम लोग जानते थे कि कौन ठग है, लेकिन एक पूरा नेटवर्क था या संगठित अपराध था। आमिर अली के मुताबिक कई छोटे बड़े जमींदारों और नवाबों ठगों से इजराना वसूल करते थे और मुसीबत के वक्त उन्हें पनाह भी दे देते, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक नहीं लगने देते थे। इसी तरह कई जमींदारों ने ठगों को अपनी बिना खेती वाली जमीन इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी, जिसमें वे सामूहिक कब्रें खोदते थे। बदले में उन्हें ठगों से हिस्सा मिलता था। इसी तरह हर जगह ठगों के मुखबिर और उनके मददगार लोग थे जिन्हें वे पैसे देते थे या उनसे दोस्तियां गाड़ते थे। मदद करने वाले इन लोगों को तो कई बार पता भी नहीं होता था कि वह किसका साथ दे रहे हैं। कौन ठग था और कौन नहीं, अंग्रेज इस पहेली से लगातार जूझ रहे थे। फिल्म मीटर टेलर ने अपनी किताब की भूमिका में 1825 से 1826 के एक दिलचस्प किस्से का जिक्र किया है। वे लिखते हैं, मेरी तैनाती हिंगोली में थी। वहाँ हर सिंह नाम का एक व्यापारी था, हम उसे लेन देन करते थे। एक दिन उसने बॉम्बे के कुछ कपड़ा लाने का परमिट मांगा जो उसे दे दिया गया। वह कपड़ा ले आया और उसने मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में कपड़ा बेचा। दरअसल वह कपड़ा किसी और व्यापारी का था। हर सिंह ने उसे और उसके करिंदों को मारकर कपड़ा लूट लिया था। हर सिंह दरअसल ठग था। अंग्रेजों को हर सिंह के ठग होने का पता कई साल बाद चला, जब उसे पकड़े जाने के बाद अंग्रेज का मजाक उड़ाया और बताया कि कैसे कपड़े का परमिट लेकर उसने गोरे साहब को उल्लू बनाया था। 1835 के बाद के सालों में जब ठग पकड़े जाने लगे और उनकी पोल खुलने लगी तो पता चला कि ठगी कितने बड़े पैमाने पर जारी थी। फिल्म मीडो टेलर ने लिखा है कि मैं मंदसौर में सुपरिटेंडेंट था जब हमने एक वादा माफ सहकारी गवाह बने ठग की निशानदेही पर जमीन खोदनी शुरू की तो इतनी सामूहिक कब्रें मिली कि हमने परेशान होकर खुदाई करनी ही बंद कर दी। ठगों पर भारी अफ्रीकी गुलाम। गहन ऐतिहासिक शोध के बाद लिखे गए मंसूर-उर-रहमान फारूकी के चर्चित उपन्यास कई चांद थे सारे आसमां में 1843 से 1844 में रामपुर के नवाब के खास दरबारी मिर्जा तुरब अली के ठगों के हाथों मारे जाने का विस्तृत ब्यौरा है। इसमें बताया गया है कि बिहार के सोनपुर के मेले से हाथी घोड़े खरीदने गए नवाब के सिपाही सलाहकार और उनके 6 साथियों को ठगों ने मार डाला। मिर्जा तुराब अली और उनके साथियों की हत्या के बारे में ब्यौरा मिला। उनके मुताबिक ठगों ने एक मरे हुए मुसलमान राहगीर की जनाजे की नमाज पढ़वाने के बहाने हथियारबंद मिर्जा और उनके साथियों को घोड़ों के नीचे उतारा था। जब वे नमाज पढ़ रहे थे तभी सूरती खिलाओ की आवाज़ हुई और 7 लोग रुमाल से गला घोटकर मार डाले गए। जब तुराब अली रामपुर लौटकर नहीं आए तो नवाब को शक हुआ कि कहीं ठगों के शिकार तो नहीं हो गए। उन्होंने अफ्रीका से गुलाम बनाकर गुजरात के तट पर लाए गए अफ्रीकियों की कहानियाँ सुन रखी थी जिन्हें सीधी कहा जाता है। उन्होंने इस काम के लिए सीधी इकराम और सीधी मुनीम की मदद ली। सीधियों के बारे में फारूकी लिखते हैं, नस्ल के लिहाज से सीधी और काम के लिहाज से उन्हें खोजिया कहा जाता था। उनके हुनर की बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। उन्हें गुजरात से अवध तक बुलाया जाने लगा था। पुराने कदमों के निशान, लापता लोगों का पता लगाना और फरार लोगों के सुराग ढूंढने में वे माहिर थे। आपस में वे स्वाहिली में जबकि दूसरे लोगों से हिंदी में बात करते थे। रामपुर के नवाब ने अपने वफादार मिर्जा तुराब अली और उनके साथियों का पता लगाने
बचाने के लिए सीधियों को भेजा। सीधी पूरे रास्ते डंडे लगाते, गिल्लियाँ गाड़ते, हर चीज़ की बारीक पत्ताल करते चल रहे थे। फारूकी लिखते हैं कि वे एक बड़े चौकोर मैदान में पहुँचे, जहाँ उन्होंने लकड़ी से लकीरें खींचकर बड़े बड़े चौकोर खाने बनाए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके उन खानों को सूंघना और उनकी मिट्टी को कुरेदना शुरू किया। वे किसी खोजी कुत्ते से भी ज़्यादा एकाग्र से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने एक जगह पहुंचकर आवाज़ लगाई, जमादार जी वो मारा, यहाँ खुदाई करवाओ। जब वहाँ खोदा गया तो मिर्जा तुराब अली सहित नवाब के सभी करिंदों की लाशें मिल गई। सीधी आज भी गुजरात के कुछ इलाकों में बसे हुए हैं, लेकिन ठगों का सफाया हो चुका है। ठग आमिर अली के बारे में बताने लायक एक फिल्मी से लगने वाली बात ये है कि उसे उस ठग ने बहुत प्यार से अपने बेटे की तरह पाला था, जिसने उसके बाप को एक वारदात के दौरान मार डाला था। आमिर को गोद लेने वाले ठग बाप से ठगी की दीक्षा मिली थी, इसी कारण ठगी को एक नेक काम मानता था। वीर फिल्म की कहानी सलमान खान ने लिखी है, और वो भी लगभग 20 वर्ष पहले। फिल्म में आने से पहले धर्मवीर, राजतिलक, मर्द जैसे मसाला फिल्में उन्होंने देखी होंगी, जिनमें नायक सर्वोच्च होता था। शायद सलमान खान पर भी इस तरह की फिल्मों का असर हुआ और उनकी लिखी वीर में इन फिल्मों की झलक मिलती है। कहानी पिंडारी नामक समूह की है, जिसके साथ माधवगढ़ का राजा यानी जैकी सराफ अंग्रेजों के साथ मिलकर धोखा करता है। अपने पिता के अपमान का बदला वीर यानी सलमान खान लेना चाहता है। अंग्रेजों के छल कपट सीखने के लिए वह लंदन पढ़ने भी जाता है, लेकिन इसी बीच उसे माधवगढ़ की राजकुमारी यशोधरा यानी जरीन खान से प्यार हो जाता है। एक तरफ प्यार और दूसरी ओर कर्तव्य, वीर और यशोधरा दोनों इस दुविधा में फंस जाते हैं। कैसे वो इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, यही फिल्म का सार है। अनिल शर्मा ने इस फिल्म का निर्माण पूरी तरह सलमान खान के प्रशंसकों को ध्यान में रखकर किया है। सल्लू के प्रशंसक के बीच जो उनकी इमेज है, उसी को ध्यान में रखकर सीन गढ़े गए हैं। हर दृश्य इस तरह लिखे और फिल्माए गए हैं ताकि सलमान खान बहादुर, नेक दिल, बलवान, निडर, देशभक्त और स्वाभिमानी लगे। सलमान के मुंह से जहां पकड़ूंगा पांच शेर मांस निकाल लूंगा, और जब राजपूतों का खून उबलता है तो उसकी आंच से गोरी चमड़ी सुलझ जाती है, जैसे संवाद बुलवाए गए हैं ताकि उन्हें पसंद करने वाले तालियां पीटे। रेल से खजाना लूटने वाला दृश्य लंदन के स्कूल में टीचर और सलमान वाला दृश्य सलमान और मिथुन के बीच तलवारबाजी वाले दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। निर्देशक अनिल शर्मा ने मनोरंजक तत्व और सलमान पर अपना सारा ध्यान दिया है, ताकि दर्शक स्क्रिप्ट की कमियों पर ध्यान नहीं दे या उनकी उपेक्षा कर दे, और इसमें उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी भी पाई है। वीर और यशोधरा के रोमांस को भी अच्छा फिल्माया गया है। इंटरवल तक फिल्म मनोरंजक है, लेकिन दूसरे भाग में यह कमजोर पड़ गई है, क्योंकि इसे ज़रूरत से ज़्यादा खींचा गया है। स्क्रिप्ट में कई खामियां भी हैं। लंदन में यशोधरा के भाई की हत्या कर वीर का बड़ी आसानी से भारत आ जाना, यशोधरा से भारत में मुलाकात के बाद संयोग से वीर का उसी कॉलेज में एडमिशन लेना जहां यशोधरा पढ़ती है, और वीर का माधवगढ़ में जाकर यशोधरा से संबंध बनाना, जैसे प्रसंग अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखे गए हैं। सलमान ने अपना काम बाखूबी किया है और एक प्रकार से उनका ही शो है। पूरी फिल्म में उनका दबदबा है, गुस्से को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह व्यक्त किया है। जरीन खान राजकुमारी की तरह दिखाई दी हैं, लेकिन उनका अभिनय औसत रहा। चेहरे के जरिए भाव को व्यक्त करना उन्हें सीखना होगा। मिथुन चक्रवर्ती को लंबे समय बाद अच्छा रोल मिला और उन्होंने अपना काम बाखूबी किया। सोहेल खान ने हंसने की नाकाम कोशिश की। पुरु राजकुमार भी फिल्म में नजर आए थे। साजिद वाजिद ने कुछ अच्छी धुनें बनाई थी। सुरील अखियोवाली, मेहरबानियाँ और सलाम आया अच्छे बन पड़े हैं। गुलजार ने उम्दा बोल लिखे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक उम्दा है। गोपाल शाह का फिल्मांकन फिल्म को भव्यता प्रदान करता है। टीनू वर्मा के एक्शन सीन ठीक ठाक हैं। वीर पुराने दौर की मसाला फिल्मों की तरह है, और यदि आप सलमान खान के प्रशंसक हैं तो आप इसे जरूर पसंद करेंगे। वीर 2010 की एक ऐतिहासिक निर्धारित काल्पनिक फिल्म है, जिसके डायरेक्टर अनिल शर्मा हैं। इसके मुख्य नायक नायिका सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती, सोहेल खान, जैकी श्रॉफ और जरीन खान हैं। इस फिल्म के लेखक स्वयं सलमान खान ही हैं, तथा इसके हेतु से 1825 के ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्थान में हुए पिंडारी हमलों का बनाया गया है। यह फिल्म 22 जनवरी 2010 को रिलीज हुई थी। यह कहानी वीर प्रताप से शुरू होती है। वीर प्रताप सिंह बड़े ही प्रतापी पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह का बेटा था, जो देश को आज़ादी दिलाने हेतु युद्धों में बड़ा प्रचलित था। उसने अपने पिता के शासन को कायम रखने हेतु माधवगढ़ नामक राज्य के शासन का भार उठाया, जहां का राजा ज्ञानेंद्र सिंह अंग्रेजों से मिला था। वीर को उसके भाई पुण्य सिंह से पूरी सहायता प्राप्त थी। वीर की आरंभिक शिक्षा तो राजस्थान के पिंडारी कबीले में हुई थी। उसके बाद वह उच्च शिक्षा हेतु विदेश भाग गया, जहाँ एक रास्ते पर उसकी
भेंट राजकुमारी यशोधरा से हुई थी। पहली नज़र में ही दोनों को प्रेम हो गया। पढ़ाई के बाद जब वह गांव आया तब पता चला कि यशोधरा ज्ञानेंद्र की बेटी है तथा माधोगढ़ की राजकुमारी है। वह अपने पिता से राजा को मारने के बात को मानकर भेष बदल कर राजा का शुभचिंतक बन जाता है। राजकुमारी के स्वयंवर में राजकुमारी अनजाने में वीर को वीर कहकर संबोधित करती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वह पिंडारी है। वह भरे स्वयंवर में राजकुमारी यशोधरा से विवाह कर लेता है। इन दोनों के कुछ समय एकांतवास के बाद पिंडारी माधोगढ़ के किले पर धावा बोलते हैं। वीर का कहना था कि अंग्रेजों ने मुझसे कहा है कि वे चले जाएंगे, अतः बात आसानी से सुलझ जाती है, तो फिर खून खराबे की आवश्यकता ही क्या है। पर उसके पिता ने पहले ही राजा को मरने की कसम खाई थी, अतः रणभूमि में पिता पुत्र में युद्ध हुआ। इस बीच राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने पिंडारियों पर तोप से हमला करना चाहा, पर पिंडारी सेना पहुंच से बाहर थी, अतः उसने एक गोली चलाई जो सीधे वीर के सीने पर जा लगी। जब भगदड़ मचा तब राजा ने तोप चलाना चाहा, परंतु उसके राजपूत साथी सत्य का साथ देने लगे और गोली लगने के बाद भी वीर सेना के साथ किले में घुस गया तथा कुछ समय में ही संपूर्ण अंग्रेजी सेना को समाप्त कर राजा को भी मार दिया। अंत में अपने मृत्यु से पहले उसने किले में पिंडारी झंडा लहराया और फिर आऊंगा कहकर अपने पति यशोधरा पिता तथा भाई के सामने दम तोड़ दिया। उस समय यशोधरा एकांतवास में फलस्वरूप गर्भवती थी। कुछ समय बाद उसने अपनी एक पत्नी के पेट से जन्म लिया। उसने कहा दद्दा, वह अपने पिता को दद्दा बोलता था और कहा था ना कि आऊंगा। उसके बातों आज से समझ गया कि वह वीर ही है। इस प्रकार सलमान खान की स्वप्रम कथा का फिल्मीकरण हुआ। पिंडारी दक्षिण भारत के युद्ध प्रिय पठान सवार थे। उनकी उत्पत्ति तथा नामकरण विवादास्पद है। वे बड़े कर्मठ, साहसी तथा वफादार थे। टट्टू उनकी सवारी थी, तलवार और भाले उनके अस्त्र थे। वे दलों में विभक्त थे और प्रत्येक दल में साधारणतः 2 से 3 हजार तक सवार होते थे। योग्यतम व्यक्ति दल का सरदार चुना जाता था, उसकी आज्ञा सर्वमान्य होती थी। पिंडारियों में धार्मिक संकीर्णता न थी। 18वीं शताब्दी में पासीजात भी उनके सैनिक दलों में शामिल थे। उनकी स्त्रियों का रहन सहन हिंदू स्त्रियों जैसा था। उनमें देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी। मराठों की स्थायी सेना में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। पिंडारी सरदार नसरू ने मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सहायता की थी। पुनापा ने उनके उत्तराधिकारियों का साथ दिया था। गाजीउद्दीन ने बाजीराव प्रथम को उसके उत्तरी अभियानों में सहयोग दिया। चिंगोजी तथा होल के नेतृत्व में 15,000 पिंडारियों ने पानीपत के युद्ध में भाग लिया। अंत में मालवा में बस गए और सिंधिया शाही तथा केल्हार शाही पिंडारी कहलाए। ही डिग्री और बुर्रन उनके सरदार थे। बाद में चीतो करीम खां, दोस्त मोहम्मद और वसील मोहम्मद सिंधिया के पिंडारी सेना के प्रसिद्ध सरदार हुए तथा कादिर खां, तुक्कू खां, साहिब खां और शेख दुल्ला होलकर की सेना में रहे। पिंडारी सवारों की कुल संख्या लगभग 50,000 थी। युद्ध में लूटमार और विध्वंस के कार्य उन्हीं को सौंपे जाते थे। लूट का कुछ भाग उन्हें भी मिलता था। शांतकाल में वे खेतीबाड़ी का व्यापार करते थे। गुजारे के लिए उन्हें कर मुक्त भूमि तथा टट्टू के लिए भत्ता मिलता था। मराठा शासकों के साथ बेलेजली की सहायक संधियों के फलस्वरूप पिंडारियों के लिए उनकी सेना में स्थान न रहा, इसलिए वे धन लेकर अन्य राज्यों का सैनिक सहायता देने लगे तथा अव्यवस्था से लाभ उठाकर लूटमार से धन कमाने लगे। संभव है उन्हीं के भय से कुछ देसी राज्यों ने सहायक संधियां स्वीकार की हो। सन 1807 तक पिंडारियों के धावे यमुना और नर्मदा के बीच तक सीमित रहे। तत्पश्चात उन्होंने मिर्जापुर से मद्रास तक और उड़ीसा से राजस्थान तथा गुजरात तक अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत कर दिया। 1812 में उन्होंने बुंदेलखंड पर, 1815 में निजाम के राज में मद्रास तक तथा 1816 में उत्तरी सरकारों के इलाकों पर भयंकर धावे किए। इससे शांति एवं सुरक्षा जाती रही तथा पिंडारियों की गणना लिटोरों में होने लगी। इस गंभीर स्थिति से मुक्ति पाने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग ने 1817 में मराठा संघ को नष्ट करने के पूर्व कूटनीति द्वारा पिंडारी सरदारों में फूट डाल दी तथा संधियों द्वारा देसी राज्यों से उनके विरुद्ध सहायता ली। फिर अपने और हिसलप के नेतृत्व में 1,20,000 सैनिक तथा 300 तोपों सहित उनके इलाके को घेर कर उन्हें नष्ट कर दिया। हजारों पिंडारी मारे गए, बंदी बने या जंगलों में चले गए। चीतू को असोरगढ़ के जंगल में चीते ने खा डाला। वसील मोहम्मद ने कारागार में आत्महत्या कर ली। करीम खां को गोरखपुर जिले में गणेशपुर की जागीर दी गई। इस प्रकार पिंडारियों के संगठन टूट गए और वे तितर बितर हो गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस
1805 द्वारा देशी राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई, जिसके कारण न केवल मध्य भारत और राजपुताना की रियासतें पिंडारियों और दूसरे लुटेरों के क्रीड़ा स्थल बनी, बल्कि मराठों की शक्ति घटते जाने से पिंडारी बहुत शक्तिशाली बनते गए और वे अंग्रेजी इलाकों पर भी धावा मारने लगे। स्थान स्थान पर पिंडारियों के गिरोह खड़े हो गए। पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है लुटेरे, सैनिक होता है। पिंडारियों के दल टिड्डी दल की भांति अचानक गांव में घुस आते और लूट मार मचा कर भाग जाते। कोई भी गांव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जागीरदार तथा कोई भी राजा उनसे सुरक्षित नहीं था। अतः प्रत्येक गांव में ऊंचे मचान बनाए जाते तथा उन पर बैठकर पिंडारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। घोड़ों के इर्द गिर्द देख कर उनके आगमन की सूची ढोल या नकारों बजाकर दी जाती थी। पिंडारियों के आने की सूचना मिलते ही लोग स्त्रियों, बच्चों, धन, जेवर तथा रुपये आदि लेकर इधर उधर छुप जाया करते थे। जागीरी गांव में जनता किलों में घुस जाती थी ताकि किसी तरह प्राणों की रक्षा हो सके। पिंडारी किसी भी गांव में अधिक समय तक नहीं ठहरते थे। वे आंधी की तरह आते थे और तूफान की तरह निकल जाते थे। पिंडारियों के कारण मरवाड़, मेवाड़, दुधार तथा हड़ौती जैसे समृद्ध क्षेत्र उजड़ने लगे थे। भीलवाड़ा जैसे कस्बे तो पूरी तरह वीरान हो गए थे। कोटा राज को इन्होंने खूब रौंदा। झाला झालमिल सिंह ने पिंडारियों के विरुद्ध विशेष सैन्य दल गठित किए। इक्का दुक्का आदमियों को मार्ग में पाकर ये पिंडारी अपने रुमाल से उनका गला घोट देते और उनका सर्वस्व लूट लेते थे। इस समय पिंडारियों के चार प्रमुख नेता थे, करीम खां, वसील मोहम्मद, चीतू और अमीर खां। करीम खां के नेतृत्व में लगभग 60,000 पिंडारी राजपुताना में लूटमार करते थे। अमीर खां का दादा तालेब खां अफगान कलीम खां का पुत्र था। तालेब खां मोहम्मद शाह गाजी के काल में बेनेमर से भारत आया था। तालेब खां का लड़का हयता खां था, जो मौलवी बन गया था। हयात खां का लड़का अमीर खां 1786 में भारत में ही पैदा हुआ था, जो 20 बरस का होने पर रोजी रोटी की तलाश में घर से निकल गया। उन दोनों सिंधिया का फ्रांसीसी सेनापति डिबोगले सेना की भर्ती कर रहा था। अमीर खां ने भी इस सेना में भर्ती होना चाहा, किंतु डिबोगले ने उस अनुशासनहीन छोकरे को अपनी सेना में नहीं लिया। इस पर अमीर खां कुछ दिन तक इधर उधर आवारागर्दी करने के बाद जोधपुर आया और विजय सिंह की सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद वह अपने साथ 300-400 आदमियों को लेकर बड़ौदा चला गया और गायकवाड़ की सेना में भर्ती हो गया। वहां से भीड़ निकाले जाने पर आमिर खां और उसके आदमी भोपाल नवाब की सेवा में चले गए। 1794 ईस्वी में अमीर खां उसके आदमियों ने भोपाल नवाब मोहम्मद यासीन अलियास चट्टा खां के मरने के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया और वहां से भागकर रायगढ़ में आ गया। यहां उसके आदमियों की संख्या 500 तक जा पहुंची। अब उसे कुछ कुछ महत्व मिलने लगा। कुछ समय बाद उसका राजपूतों से झगड़ा हो गया। राजपूतों ने उसे पत्थरों से मार मार कर अधमरा कर दिया। कई महीनों तक अमीर खां सिरोज में पड़ा रहकर अपना उपचार करवाता रहा। ठीक होने पर वह भोपाल के मराठा सेनापति बलराम इंगारिया की सेना में भर्ती हो गया। वहां उसे 1500 सैनिकों के ऊपर नियुक्त किया गया। भोपाल नवाब ने अमीर खां के आदमियों को जो वेतन देने का वादा किया था वह कभी पूरा नहीं हुआ। इस पर 1798 ईस्वी में उसने जसवंत राव होलकर से संधि कर ली, जिसमें तय हुआ कि अमीर खां कभी भी जसवंत राव पर आक्रमण नहीं करेगा तथा लूट के माल में दोनों आधा आधा करेंगे। 1806 में अमीर खां ने अपनी सेना में 35,000 पिंडारियों को भर्ती किया, जिसके पास 115 तोपें भी हो गई थी। यह संख्या बढ़ती ही चली गई। अब मराठा सरदार अमीर खां की सेवाएं बड़े कामों में भी प्राप्त करने लगे। जब 1806 में जसवंतराव होलकर की सेना में विद्रोह हुआ तो होलकर ने मुस्लिम सैनिकों को नियंत्रित करने का काम अमीर खां को सौंपा। इस कार्य में सफल होने पर होलकर ने उसे मराठों की ओर से कोटा से चौथ वसूली का काम सौंपा। अमीर खां को लेकर होलकर से ही 1809 में निम्बाहेड़ की तथा 1816 में छबड़ा की जागीर प्राप्त हुई। 1812 में अमीर खां के पिंडारियों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। 1807 से 1817 के बीच अमीर खां ने जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ राज्यों की आपसी शत्रुता में रुचि दिखाई तथा इन राज्यों का जीना हराम कर दिया। उसके पिंडारियों ने तो तीनों ही राज्यों की प्रजा तथा राजाओं को भी भर भर कर लूटा था। 1803 ईस्वी में राजा मान सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसके पूर्ववर्ती राजा भीम सिंह की विधवा रानी गर्भवती थी, जिसने कुछ दिन बाद धोकल सिंह नामक पुत्र को जन्म दिया। पोकरण के ठाकुर सवाई सिंह ने पाली, बगड़ी,
हर्षुलाव, खीसवर, मरोड़, सेनड़ी, पुनलु आदि के जागीरदारों को अपने पक्ष में करके धोलक सिंह को मरवाड़ का राजा बनाना चाहा। उसने जयपुर के राजा जगत सिंह तथा बीकानेर के राजा सूरज सिंह को भी अपनी ओर मिला लिया। इन तीनों पक्षों में लगभग 1,00,000 सिपाहियों की सेना लेकर जोधपुर राज पर चढ़ाई कर दी। मान सिंह ने गिगोली के पास इस सेना का सामना किया, किंतु जोधपुर राज के सरदार जबरदस्त मान सिंह का घोड़ा युद्ध के मैदान से बाहर ले आए। शत्रु सेना ने परबत्सर, मरोड़, मेड़ता, पिपाड़ आदि कस्बों को लूटते हुए जोधपुर का दुर्ग घेर लिया। इस पर मान सिंह को पुंडारी नेता अमीर खां की सेवाएं लेनी पड़ी। उसने अमीर खां को पगड़ी बदल भाई बनाया और उसने अपने बराबर बैठने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, मान सिंह ने अमीर खां को पाटवा, डागावास, दरीबा तथा नावा आदि गाँव भी प्रदान किए। अमीर खां ने महाराजा को वचन दिया कि वह सवाई सिंह को अवश्य दंडित करेगा। अमीर खां ने एक भयानक चाल रचा। उसने महाराज मान सिंह से पैसे के लिए झगड़ा करने का नाटक किया तथा जोधपुर राज के गांव को लूटने लगा। जब सवाई सिंह ने सुना कि अमीर खां जोधपुर राज के गांव को लूट रहा है, तो उसने अमीर खां को अपने पक्ष में आने का निमंत्रण दिया। अमीर खां ने सवाई सिंह से कहा कि यदि सवाई सिंह अमीर खां के सैनिकों का वेतन चुका दे, तो अमीर खां सवाई सिंह को जोधपुर के किले पर अधिकार करवा देगा। सवाई सिंह अमीर खां के आदमियों का वेतन चुकाने के लिए तैयार हो गए। इस पर अमीर खां ने सवाई सिंह को अपने साथियों सहित मुंडवा आने का निमंत्रण दिया। सवाई सिंह चंडाल, पोकरण, पाली और बकड़ी के ठाकुरों को साथ लेकर मुंडवा पहुंचा। अमीर खां के आदमियों ने इन ठाकुरों को एक सामियाने में बैठाया तथा धोखे से सामियाने की रस्सियां काटकर चारों तरफ से तेल के गोले बरसाने लगे। इसके बाद मृत ठाकुरों के सिर काटकर राजा मान सिंह को भिजवाते गए। इस घटना से सारे ठाकुर डर गए और उन्होंने महाराजा से माफी मांग ली। कुछ दिनों बाद अमीर खां महाराज से पैसों की मांग करने लगा। जब महाराज ने पैसे देने से मना कर दिया, तो उसने गांव में आतंक मचा दिया। एक दिन उसके आदमियों ने जोधपुर के महलों में घुसकर राजा मान सिंह के प्रधानमंत्री इंदिरा सिंधवी तथा राजा के गुरु आयास देवनाथ की हत्या कर दी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन खूंखार पिंडारियों की जिन्होंने अंग्रेजों को भी लूटा और अंग्रेजों को भारत से भगाने में इनकी भी एक अहम भूमिका रही है। आज की वीडियो में हम पिंडारियों के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास की बीती दो सदियां लुटेरे, पिंडारिया, ठगों की करतूतों से रंगी हुई हैं। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रियों के काफिलों को लूटते रहे हैं। यात्रियों को लूटना इनकी फितरत थी और उन्हें जीवित न छोड़ना इनका धर्म। आजीविका के लिए उन्होंने रास्तों से गुजरने वाले व्यापारियों को ठगना और लूटना शुरू कर दिया। चंबल के बीहड़ इन पिंडारियों के भी शरणदाता बन गए। पिंडारियों के निशाना अक्सर व्यापारियों के काफिले ही बनते थे, जो अपना माल बेचकर वजन हल्का कर लौट रहे होते थे। इन पर होने वाले धन की भी मुखबिरों के जरिए खबर लग जाती थी। इसके बाद सिंधिया शासन व अंग्रेजों के राज तक पिंडारियों का आतंक कायम रहा। अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इनकी पहचान करना सहज नहीं था, क्योंकि इनका ठिकाना एक जगह नहीं था। ऐसे में अंग्रेज उन्हें नहीं पकड़ पाते थे और ये अपने काम को अंजाम देने के बाद बड़ी सहजता से निकलकर भीड़ों में समा जाते थे। उनसे रक्षा के लिए अलग दस्ते तैनात किए जाने पड़ते थे। इस दस्ते का नेतृत्व अंग्रेज अफसर विलियम सिलीमैन को सौंपा गया था। इतिहास में सिलीमैन इसलिए मशहूर हैं क्योंकि उसने समूचे मध्यतर भारत को दुर्दांत पिंडारी लुटेरों के जाल से मुक्ति दिलाई थी। स्वतंत्रता के दोनों संग्रामों के दौरान पिंडारियों ने दिया क्रांतिकारियों का साथ। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली चंबल के किनारे 450 वर्ग किलोमीटर फैले इन बीहड़ों में पिंडारियों का आतंक था। हालांकि आज़ादी के लिए लड़ी गई दोनों जंगों में अंग्रेज के विरोध में खड़े रहे। इस जंग में उनके घर बर्बाद हो गए। अंग्रेजों ने उनके घरों में आग लगा दी, लेकिन इन डिगटियों ने आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर क्रांतिकारियों ने साथ दिया। वीर फिल्म के बहाने हमने पिंडारियों के अतीत से पर्दा उठाना शुरू किया, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इतिहास में जिस चीतू खान के जंगल में चीता खाने की बात लिखी है, उनको अंग्रेजों ने गणेशपुर में रिसायत दी और वहां उनकी मजार है। पिंडारी लोग अब अभियान चला रहे हैं ताकि उनके बारे में इतिहास में सही तथ्य अंकित हो सके। उन्हें गलत इतिहास से शिकायत है। पूर्वजों का शौर्य देख रोमांचित हो गए पिंडारी। आनंद राय गोरखपुर इतिहास की बुनियाद और कल्पना के सहारे पिंडारियों की शौर्य गाथा पर बनी फिल्म वीर को पूर्वांचल में ऐतिहासिक सलामी मिली। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी यहाँ के सिनेमा हॉल गर्म हो गए थे। जुमे की नमाज की वजह से पिंडारी दिन का शो नहीं देख सके। दोस्तों के साथ पिंडारी मुखिया ने रात का शो देखा।
पर्दे पर पिंडारियों की शौर्य गाथा देखकर वे लोग रोमांचित हो गए। फिल्म वीर पूर्वांचल में इसलिए बेहद प्रशंसित हो गई क्योंकि अंग्रेजों ने समझौते के तहत पिंडारी सरदार करीम खां को गोरखपुर के सिंकरीगंज में जागीर देकर बसाया था। अब उनकी वंश बेल दूर दूर तक फैल गई है। इस ऐतिहासिक तथ्य को दैनिक जागरण ने 21 जनवरी के अंक में उजागर किया। पिंडारी परिवार के मुखिया अब्दुल रहमत करीम खां और अब्दुल मामूद करीम खां जुमे की वजह से दिन में नहीं जा पाए, लेकिन रात को SRS में सो देखा। एक एक दरस पर उन लोगों की निगाह जमी थी। पहले उन लोगों ने तय किया था कि यदि फिल्म में उनके पूर्वजों पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पूरी फिल्म पिंडारी कौम की शौर्य गाथा को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए उन लोगों की खुशी बढ़ गई। फिल्म वीर में पिंडारियों के कबीले में हिंदू मुसलमान दोनों दिखे। फिल्म में हैदर अली पिंडारियों के सरदार हैं, जबकि पूरी फिल्म की कहानी पिंडारी पृथ्वी सिंह के पुत्र वीर के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में इस बात को झुठलाने की कोशिश की गई है कि पिंडारी अमानवी बेहद क्रूर और अराजक थे। माधवगढ़ की युवराजी यशोधरा से प्रेम की शुरुआत ही लूटपाट करने गए वीर के मानवीय गुणों से होती है। पिंडारी परिवार के रहमत खां और मामूद खां यह सुनना पसंद नहीं करते हैं कि पिंडारी लुटेरे और क्रूर थे। उनका कहना है कि पिंडारी कौम हमेशा से बहादुर थी, अन्याय के खिलाफ लड़ी। उन लोगों का कहना है कि फिल्म में हमारी सही समीक्षा की गई है। फिल्म की बारीकियों पर नजर रखने वाले सिनेमा वितरक अख्तर हुसैन अंसारी कहते हैं कि वीर फिल्म में इतिहास के कुछ जीवित संदर्भ हैं, लेकिन काल्पनिक जिंदगी की तस्वीरें सब पर भारी हैं। आनंद राय गोरखपुर पिंडारियों की शौर्य गाथा को प्रदर्शित करने वाली फिल्म वीर पिंडारियों के मुखिया रहमत करीम खां और उनके चचेरे भाई अब्दुल मामूद करीम खां को जितनी अच्छी लगी उतना ही इतिहास के उनकी नाराजगी बढ़ गई। इतिहास में पिंडारियों को बर्बर और लुटेरा लिखे जाने पर उन लोगों ने क्षोभ जाहिर किया है और भारत सरकार से मांग की है कि इतिहास से झूठे तथ्यों को हटाया जाए। बातचीत में उन लोगों ने यह स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज लुटेरे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को ही लूटा। अंग्रेजों के लिखे इतिहास को ही हमारा इतिहास मान लिया गया। इस कलंक को मिटाने के लिए वे अभियान चलाएंगे। लॉर्ड होस्टिंग के साथ हुए समझौते के तहत 1820 में सिकरीगंज में जागीर देकर बसाए गए पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज अब्दुल रहमत करीम खां, अब्दुल मामूद करीम खां और उनके परिवारी जन ने शुक्रवार की रात को फिल्म वीर देखी थी। इस फिल्म को देखने के बाद उन लोगों ने शनिवार की सुबह सिकरीगंज नवाब हाता में अपने परिवारी जन में खुशी बांटी। फिल्म से संतुष्ट पिंडारी मुखिया को सलमान खान से सिर्फ इतनी शिकायत है कि उनके पूर्वज करीम खां का फिल्म में जिक्र नहीं हुआ है, पर इस फिल्म में उन लोगों का हौसला बढ़ा दिया है। उन लोगों को अब इतिहास पर आपत्ति है। पिंडारी मुखिया का कहना है कि हाँ, हमारे पूर्वज लुटेरे थे, लेकिन उन्हें गलत ढंग से इतिहास में दिखाया गया है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया और उनके खजाने को लूटा। इतिहासकारों से पिंडारी परिवार का सवाल है कि क्या आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिन जिन नामचीन सेनानियों ने अंग्रेजों का खजाना लूटा उन्हें लुटेरा कहा जाए। पिंडारियों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों और उनके सरपरस्तों को लूटा, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, इसलिए उन्होंने हमसे समझौता किया। हम अंग्रेजों पर भारी पड़े या बहुतों को हजम नहीं हुआ। महबूद खान का तर्क है कि चूंकि हम बेहद अल्पसंख्यक हो गए और पिंडारी सेना को अंग्रेजों और उनकी गुलामी राजाओं ने तबाह कर दिया, इसलिए सियासी चाल के तहत हमारे इतिहास को दागदार कर दिया। अब हमारा मकसद इस कलंक को धोना है, इतिहास के पन्नों लिखी गलत इबारत को दुरुस्त करना है। पिंडारी बोले, हमें भी सम्मान चाहिए। कार्यालय संवाददाता गोरखपुर इतिहास के पन्ने में लुटेरा साबित हुए पिंडारियों ने वीर फिल्म के प्रदर्शन के बाद अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधित चिट्ठी में पिंडारियों ने कहा था कि सरकार हमें भी सम्मान दो ताकि हम चैन से जी सके। सलमान खान की फिल्म वीर के प्रदर्शन के बाद सिकरीगंज स्थित नवाब हाता में सक्रियता बढ़ गई थी। पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज परिवार के मुखिया अब्दुल रहमत करीम खां और उनके भाई अब्दुल मामूद करीम खां ने अपने सम्मान के लिए अभियान शुरू कर दिया था। रविवार को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्रक तैयार हुआ, जिसमें उन लोगों ने यह लिखा है कि पिंडारी कौम बहुत बहादुर थी, आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ी, लेकिन मालवा प्रदेश में पिंडारियों को घेर कर धोखे से मारा गया। धोखा देने के बाद भी जब बचे हुए पिंडारी उन पर भारी पड़े, उन लोगों ने समझौता किया। अमीर को टोक और करीम खां को गोरखपुर के सिकरीगंज में जागीर दी गई। वसूली मोहम्मद
प्रसाद को उन लोगों ने गाजीपुर कारागार में बंद कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई, जबकि चीतू को जंगल में चीता खा गया। इस बहादुर कौम को अल्पसंख्यक होने के नाते इतिहास में लुटेरा लिख दिया गया। इस तथ्य को सही किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि पिंडारी कौम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली बहादुर कौम थी। इस अभियान के प्रवक्ता महमूद करीब खान ने कहा है कि हम अपने मुखिया के निर्देशन पर इस पत्रक पर अपने समाज के लोगों को सोमवार से हस्ताक्षर कराएंगे और फिर इसे सरकार को सौंपेंगे। पिंडारी चीतू खां के जंगल में मरने का तथ्य झूठा। कार्यालय संवाददाता गोरखपुर इतिहास में पिंडारियों को लुटेरा कहे जाने के खिलाफ पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज अब्दुल रहमत करीम खां और अब्दुल महमूद करीम खां द्वारा शुरू किए गए संघर्ष की लौ तेज हो गई है। बस्ती में डॉक्टर सलीम अहमद पिंडारी ने इस अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला किया था और कहा था कि अब यह मशाल लखनऊ, टोंक और भोपाल तक चलेगी। डॉक्टर सलीम खां की माने तो वह उसी पिंडारी सरदार चीतू खां के वंशज है जिनके बारे में इतिहास में दर्ज हो गया था कि चीतों को जंगल में चीता खा गया। जंगल में उनके मरने का तथ्य झूठा है। पिंडारी सरदार करीम खां की पांचवी पीढ़ी के वंशज रहमत करीम खां और महमूद करीम खां ने इतिहास को सही तथ्य दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित पत्र को लेकर सोमवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था, लेकिन बस्ती के डॉक्टर सलीम अहमद पिंडारी ने भी इतिहास के गलत तथ्यों को मिटाने का बड़ा बीड़ा उठा लिया था। उन्होंने कहा था कि रहमत करीम खां हमारे परिवार के हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमारी कौम आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ी और बहादुरी से लड़ी। उन्होंने कहा कि चीतू खां का असली नाम कादिर बख्श था। 1816 से 1818 तक लखनऊ में वे लॉर्ड हेस्टिंग की सेना में लड़े। 1920 में उन्हें भी समझौते के तहत बस्ती जिले से 7 किलोमीटर दूर गणेशपुर में ससम्मान बसाया गया। कादिर बख्श के पुत्र कादिम हुसैन को दो बेटे खान बहादुर नवाब गुलाम हुसैन और नवाब गुलाम मोहम्मद हुए। डॉक्टर सलीम पिंडारी नवाब गुलाम हुसैन के इकलौते पुत्र नवाब सौदा हुसैन के पुत्र हैं। चीतू की पांचवी पीढ़ी के डॉक्टर सलीम को सदा से पिंडारी होने का गर्व है, इसलिए उन्होंने बस्ती के अपने अस्पताल का नाम पिंडारी हॉस्पिटल रखा। डॉक्टर सलीम कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से इतनी जबरदस्त लड़ाई की कि उन्हें हमारे आगे झुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि 4 जून 1928 को यूके में मेरे दादा खान बहादुर गुलाम हुसैन को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 12 मई 1937 को ब्रिटिश महारानी ने भी उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की लड़ाई का परिणाम रहा देश को आज़ादी मिली। इतिहास में गलत ढंग से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। अब गणेशपुर के जरार अहमद पिंडारी, अब्दुल्ला पिंडारी, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम और आसिल पिंडारी भी अपने सम्मान के लिए शुरू हो गए आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाए थे। पिंडारी कौन थे? राजपूतों को भी खौफ था इनसे। क्या राजपूत थे, क्या पिंडारी आज भी दूसरे नाम से हैं। भारतीय इतिहास में बीती दो सदियां पिंडारियों से रंगी हुई हैं। इष्ट धातु से बना है इष्टक, जिसमें विद्यमान के वस्तु के गोपन का भाव भी है, जिसका अर्थ हुआ ढकना, छिपना। इसी से बना है इष्टगत और इसका अर्थ होता है जालसाजी, देशत का रूप ठग हुआ। कालांतर में यह इष्टगत पिंडारी कहलाए। इनके प्रमुख गुण थे धूर्त, बेईमानी, छल्ली, निर्जलता, लापरवाह और खूंखार। हिंदी में ठग किसी तय अवधि में किए जाने वाले कार्य अथवा योजना की अगली तिथि होने तक टालना स्थगित होना, इसलिए स्थगित का अर्थ गुप्त, ढका हुआ अथवा छुपा हुआ में जो भव है वह अदृश्य भविष्य को साफ संकेत कर रहा है, इसे ठगोरी कहते हैं। ठगी विद्या को ठगों का शिकार काफिले हुआ करते थे। अपने वक्त चतुर्थ और ठगलाव या ठगोमग काफिलों के लोगों को खिलाकर बेहोश कर लूटपाट किया करते थे और फिर हत्या कर देते थे। यही पिंडारी कहलाए। मराठों की फौज में पिंडारियों की अहम भूमिका रही है। ये वेतन भोगी थे। लड़ाई के समय योद्धा युद्ध करते, वो भी अपने नायाब तरीकों से। शांति काल में खेती बाड़ी मजदूरी करते ताकि इनकी पहचान गुप्त रहे। पिंडारियों की बहुत बड़ी तादाद थी और प्रमुख नेता 4 थे, करीम खान, वसीम मोहम्मद, चीतू और वसीम मोहम्मद। इस बात का उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ कि सभी नेता और इनके लोग मराठों के पतन के बाद जो समूचे महाराष्ट्र दक्षिण भागे में थे, इन पिंडारियों में बहुत से पिंडारियों ने इस्लाम धर्म को अपना मान लिया था और बेरोजगारी भुखमरी हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत इन लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रही थी। ये पिंडारी समुदाय भारत मध्य में छुपा दे रहे हैं। हर एक नेता के साथ 50,000 से 60,000 पिंडारियों की टोलियाँ थी। अपनी आजीविका चलाने के लिए ये लूटपाट करने
भागे। पिंडारी सरदार नसरू ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत मदद की थी। चिंगोड़ी तथा हुलू के नेतृत्व में 15,000 पिंडारियों ने पानीपत युद्ध में शिवाजी का साथ दिया। अंत में पिंडारी मध्य भारत और उत्तरी भागों में बस गए। ये सिंधिया शाही या होलकर शाही कहलाए। वसीमुल्ला सिंधियों के सहसेना के प्रमुख थे। करीम खान, तक्कू खान, साहिब खान, शेखदुल्ला होलकर की सेना में थे। जब ये स्टेट अंग्रेजी हुकूमत में आधीन हो गई तो ये फिर से पिंडारी भटक गए और वही काम फिर से शुरू हुआ। पिंडारियों के जो गुण थे उनका लाभ सिंधिया होलकर ने खूब उठाया। लूटपाट की वारदातों का दायरा बढ़ने लगा। गुजरात, मध्य भारत, राजपुताना सब जगह लूटपाट होने लगी। पिंडारियों ने 1812 में बुंदेलखंड पर धावा बोल दिया। 1817 में उत्तरी भारतीय भागों पर धावा बोल दिया। पिंडारियों की इस गंभीर लूटपाट को देखकर अंग्रेज की नींद हराम हो गई। अंग्रेजी हुकूमत ने नुमाइंदों ने पिंडारियों में फूट डाली और अपने साथ मिला लिया। कुछ पिंडारी नेता अंग्रेजों के बातों में आ गए, लेकिन बहुत से पिंडारियों ने अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं आई। लॉर्ड हुईगेस्टन ने 1803 में सिंधिया समर्पित पिंडारियों आमिर खां के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य के एक नगर सागर पर हमला कर दिया, जिसका ब्यौरा इतिहासकार वृंदावन लाल शर्मा की पुस्तक कचनार की कली में इस प्रकार से किया है। डेढ़ माह तक सागर को लूटपाट किया और डेढ़ माह तक रोज सागर नगर के एक हिस्से को जला दिया जाता रहा। सागर के हर एक घर में संपत्ति को छीन लिया गया था। सागर के लोगों को क्रूरतापूर्वक यातनाएं देकर जी लोगों ने अपने धन को कुएं तालाबों में फेंक दिए थे। आमिर ने गोताखोरों से वो संपत्ति भी निकलवा ली। वो सागर को नाश्ते नाबूद कर सिंधिया स्टेट में मिला दिया था। ये समय वो समय था जब मराठों की सियासी अंतिम सांसें ले रही थी। मराठा शासक रघुनाथ राव के परिजन को पिंडारियों ने अपहरण कर लिया था। सिंधिया नरेश की मध्यस्थता से पिंडारियों को तत्कालीन 1,75,000 रुपए देकर छुड़वाया गया था। आमिर खान अब सिंधिया के अस्तित्व भी नहीं रहा था। वो अपने आप को 15,000 पिंडारियों के साथ अलग हो गया। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से आमिर ने विवाह संबंधित मामले में जयपुर जोधपुर के बीच जंग करवा दी। एक कुंती के अनुसार पिंडारी अपने को राजपूत खाने लगे, लेकिन राजपूत राजाओं की ख्यात रही है कि अपने मान सम्मान के खातिर राजपूत अपनी जान दे सकते हैं। राजपूत समाज से मान सम्मान विश्वविख्यात है। ऐसे में पिंडारियों को राजपूत मानना हास्यप्रद है, लेकिन पिंडारियों ने राजपुताना में कोहराम मचा रखा था। मारवाड़, डुढाल, भीलवाड़ा को पिंडारियों ने वीरान कर दिया। हड़ौती, कोटा सबको रौंद डाला, लेकिन राजपूत राजा सवाई सिंह ने जोधपुर किले को हासिल करने के लिए पिंडारियों की मदद ली। इसके बदले आमिर खान ने अपने पिंडारियों को वेतन देने को कहा। सवाई सिंह ने पिंडारियों की बात मान ली। इसके बदले आमिर खान पिंडारी के नेतृत्व में 50,000 पिंडारी सवाई सिंह का साथ देने को तैयार हो गए। युद्ध के पहले पिंडारी आमिर ने एक चाल चली। सवाई सिंह को कहा कि वह पोखरण के राजपूत राजा पाली बगड़ी के राजपूत राजाओं को जोधपुर के किले में मिलन समारोह रखा गया था। सभी राजा न्योते पर जोधपुर किले के एक सामियाने में बैठक में बैठे इतने में पिंडारियों ने दिए बुझाकर ताल के गोले बरसाने लगे और सभी राजाओं की हत्या कर सिर काट कर राजा मान सिंह जयपुर भिजवा दिया। इस बात से मान सिंह जी नाराज हो गए। फिर सवाई सिंह ने क्षमा याचना की। सवाई सिंह जोधपुर का किले का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और शर्मिंदा हुए कि अपने ही राजपूतों को मरवा दिया। इधर पिंडारियों के सरदार आमिर ने सवाई सिंह से और धन की मांग की, लेकिन सवाई सिंह ने और धन देने से इनकार कर दिया था। आमिर ने सवाई सिंह के महल में घात लगाकर प्रधानमंत्री इंदिराज संघवी और गुरुदेव आवासनाथ की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में पिंडारियों ने क्रांतिकारियों के बहुत साथ दिया था। इसमें अपने गोपनीय शब्दावली थी। पक्के ठग को ब्यौरा या ओला, सरगना को जमादार, असरफी सोना को खार, इसके गुप्त ठिकानों का नाम फुर और यात्रियों पर निगरानी रखने वाले को सौंधा, सौंधा की मदद करने वाले को दक्ष, अंग्रेज पुलिस को डाकिन और फांसी लगाने वाले को फांसकीर, हत्या पर दफनाने वाले की जगह को तोपनी, ये इनकी गोपनीय भाषा थी जो केवल पिंडारी ही समझते थे। आमिर खान को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फांसी दे दी। एक और पिंडारी करीम खान जो अंग्रेजों से मिला हुआ था को
जगतपुर की जागीर दे दी। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है कि लुटेरों को सही धारा में लाने का प्रयास हो, पर इस बात पर मुझे यकीन नहीं होता है। आज भी गोरखपुर महानगर के मियाँ बाजार में पिंडारी हवेली है या 60 साल पुरानी है। इसके मालिक करीम खां की 5वीं पीढ़ी है। इनका नाम रहमत करीम खां है। ये बताते हैं कि करीम खां की मृत्यु के बाद इमली डी हो खुर्द में दफनाया गया था। हर सब बेरत को करीम खान के मजार पर इनके वंशज यहाँ फातिया पढ़ते हैं। रहमत करीम खान की घड़ी की दुकान है मियाँ बाजार में। बताते हैं कि सीकरी गंज की जागीरी अंग्रेजों ने 1820 में करीम खान को दे दी थी। ये कतई मामने को तैयार नहीं है कि इनके पूर्वज लुटेरे थे। एक और पिंडारी नेता चिद्दू को जंगलों में शेरों ने अपना शिकार बना लिया था। पिंडारी का हर तरीके से अपने मतलब के लिए तत्कालीन राजाओं अंग्रेजों ने खूब उपयोग में लिया, क्योंकि इनकी लड़ाई और हमले का नायाब तरीका था। ये हर तरीके से अपने विरोधियों को नष्ट कर दिया करते थे। रात में विरोधियों के सैनिकों की छावनियों में जाकर उनके शस्त्रों को नष्ट नाबूद कर देते थे। सैनिकों के भोजन में जहर मिला देते थे। इसी खासियतों के कारण इनका शोषण हुआ था। ये 1900 सदी तक सक्रिय रहे। लूटपाट करना इनका पेशा बन चुका था। ज्यादा निगरानी के चलते इनके लूटपाट के तरीकों में भी बदलाव आया। साहूकार और धनाढ्य लोगों के घरों में महिलाओं ने नौकरी कर ली और उस परिवार की जानकारी अपने आदमियों को देने लगी। यहाँ तक कि ये महिलाएं परिवार के मुखिया का विश्वास जीतने के लिए अनैतिक संबंध बनाने से भी ना कतराई थी। विश्वास जीतने के बाद नशीले पदार्थ पूरे परिवार को खिलाकर बेहोश कर अपने आदमियों को बुलाकर लूटपाट कर फरार हो जाते थे। इसमें से कुछ पिंडारी जो अब ठग कहलाने लगे थे इस बात से नाराज थे कि लूटपाट में महिलाओं को शामिल न करें। यहाँ से दो धड़े हो गए, एक वो जो महिलाओं का लूटपाट करते थे, दूसरा वो जो पुरानी परंपरा के अनुसार लूटपाट करना। आज भी यह समुदाय हमारे बीच में है। एक तो पूरी तरह देह व्यवहार में उतर गया है, दूसरा धड़ा चड्डी गैंग के रूप में हमारे समाज में आज भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन ठगों के बारे में बात करेंगे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ठगों के बारे में सबसे दिलचस्प और पुख्ता जानकारी 1849 में छपी किताब कॉन्फेंस ऑफ ए ठग से मिलती है। किताब के लेखक पुलिस सुपरिटेंडेंट फिलिप मीडो टेलर थे, लेकिन किताब की भूमिका में उन्होंने बताया है कि उन्होंने इसे सिर्फ कलम बंद किया है। दरअसल 550 पन्नों की किताब ठगों के एक सरदार आमिर अली खां का कन्फेंशन यानी इकबालिया बयान है। फिल्म मीडियो टेलर ने आमिर अली से जेल में कई दिनों तक बात की और सब कुछ लिखते गए। टेलर के मुताबिक ठगों के सरदार ने जो कुछ बताया उसे में तकरीबन सप्तता लिखता गया, यहाँ तक कि उसे टोकने या पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। आमिर अली का बयान इतना ब्यौरेवर और दिलचस्प था कि वह एक उपन्यास बन गया और छपते ही उसने धूम मचा दी। रुडियार्ड फिलिपकिंस के मशहूर उपन्यास किम से करीब 60 साल पहले छपी इस किताब में एक और खासियत थी कि यह किसी अंग्रेज का नज़रिया नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी ठग का फर्स्ट पर्सन अकाउंट है। टेलर का कहना है कि आमिर अली जैसे सैकड़ों सरगना थे जिनकी देखरेख में ठगी का धंधा चल रहा था। आमिर अली से जब टेलर ने पूछा कि तुमने कितने लोगों को मारा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे साहब, वो तो मैं पकड़ा गया नहीं तो 1000 पार कर लेता। आप लोगों ने 719 पर ही रोक दिया। ठगी का आलम यह था कि अंग्रेजों को इनसे निपटने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ा था। वही विभाग आगे चलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो या IB के नाम से जाना गया। टेलर ने लिखा है, अवध से लेकर दक्कन तक ठगों का जाल फैला था। उन्हें पकड़ना इसलिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ये बहुत खुफिया तरीके से काम करते थे। उन्हें आम लोगों से अलग करने का कोई तरीका ही समझ नहीं आता था। वह अपना काम योजना बनाकर और बेहद चालाकी से करते थे ताकि किसी को शक न हो। ठगों से निपटने के लिए बने डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट कैप्टन रेनाल्ड ने 1831 से 1837 के बीच ठगों पर हुई कार्रवाइयों का 1838 में ब्यौरा दिया था। इस ब्यौरे के मुताबिक पकड़े गए जिन 1059 लोगों का दोष पूरी तरह साबित नहीं हो सका, उन्हें दूर मलेशिया के पास पेनांग टापू पर ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि ये दोबारा वारदात ना कर सके। इसके अलावा 412 को फांसी दी गई और 87 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ठगों की खूफिया रहस्यमय जिंदगी। ठगों के लिए अंग्रेजों ने सिक्रेविल्ड कल्ट, हाईवे रॉबर्ट्स और मास मर्डरर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। कल्ट कहे जाने की वजह यह है कि उनके अपने रीति रिवाज, विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं, उसूल और तौर तरीके थे जिनका वे बहुत पाबंदी से धर्म की तरह पालन करते थे।
उनकी अपनी एक अलग खुफिया भाषा थी जिसमें वे आपस में बात करते थे। इस भाषा को रमासी कहा जाता था। भारत में ठगों की कमर तोड़ने का श्रेय मेजर जनरल विलियम हेनरी स्लीमन को दिया जाता है, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने सर के खिताब से नवाजा था। स्लीमन ने लिखा है, ठगों के गिरोह में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ठगों की शुरुआत कैसे हुई यह बता पाना नामुमकिन है, लेकिन ऊंचे रुतबे वाले शेख से लेकर खाना बदोश मुसलमान और हर जात के हिंदू इसमें शामिल थे। मुहूर्त से होता था हर काम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। ठग शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान से पूजा पाठ करके अपने काम पर निकलते थे, जिसे जिताई पर जाना कहा जाता था। ठगी का मौसम आमतौर पर दुर्गा पूजा से लेकर होली के बीच होता था। तेज गर्मी और बारिश के रास्तों पर मुसाफिर भी कम मिलते थे और काम करना मुश्किल होता था। अलग अलग गिरोह अपनी आस्था के हिसाब से मंदिरों में दर्शन करने जाते थे। ज़्यादातर ठग गिरोह माँ काली की पूजा करते थे। इसके अलावा वे हर अगले कदम से पहले सकुन और अपसकुन का विचार करते थे। उल्लू के बोलने, कौवे के उड़ने, मोर के चिल्लाने, लोमड़ी के दिखने जैसी हर चीज़ का वे अपने हिसाब से अलग मतलब निकालते थे। जिताई पर जाने से 7 दिन पहले से साता शुरू हो जाता था। इस दौरान ठग और उनके परिवार के सदस्य खाने पीने, सोने उठने और नहाने, हजामत बनाने वगैरह के मामले में कड़े नियमों का पालन करते थे। साता के दौरान बाहर के लोगों से मेलजोल, किसी और को बुलाना या उसके घर जाना नहीं होता था। इस दौरान कोई दान नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों को भी खाना नहीं दिया जाता था। जिताई से सफल होकर लौटने के बाद पूजा पाठ और दान पुण्य जैसे काम होते थे। इसी तरह इटिप के नियमों का पालन होता था। ठगों का मानना था कि काम पर निकलने से पहले पूर्ण रूप से पवित्र होना बहुत जरूरी होता है। गिरोह के किसी ठग के घर में कोई जन्म या मृत्यु होने पर 10 दिनों के लिए, पालतू जानवरों की मौत होने पर 3 दिनों के लिए और इसी तरह जन्म होने पर 7 दिनों के लिए या तो पूरा गिरोह रुक जाता था या वह ठग काम पर नहीं जाता था जिनके परिवार में जन्म या मृत्यु हुई हो। कस्सी का महत्व। मारे जाने वाले लोगों की कब्र जिस कुदाल से खोदी जाती थी उसे कस्सी कहा जाता था। कस्सी सबसे ज़्यादा आदर की चीज़ थी। गहरे रिसर्च के बाद उर्दू और हिंदी में लिखे बहुचर्चित उपन्यास कई चांद थे सारे आसमां में मशहूर महान फारूकी ने कस्सी की पूजा का वर्णन कुछ इस तरह से किया है। एक साफ सुथरी जगह पर थाली में पानी से कुदाली को धो दिया जाता है, फिर पूजा की विधि जानने वाला ठग बीच में बैठता है, बाकी ठग नहा धोकर उसके चारों तरफ बैठते हैं। कुदाली को पहले गुड़ के शरबत, फिर दही के शरबत और अंत में शराब से नहलाया जाता है। फिर तिल, जौ, रोली, पान और फूल से उसकी पूजा की जाती है। कुदाली की नोक पर सिंदूर से 7 टीके लगाए जाते हैं। उस कुदाली से एक नारियल फोड़ा जाता है। नारियल फूटने पर सभी ठग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जय देवी माई की बोलते हैं। ठगों के बीच ऐसी कहानियां प्रचलित थी कि उन पर कुदाल देवी का आशीर्वाद रहता है। इसके अलावा एक और खास बात यह थी कि ठग मानते थे कि अगर वे नियमों का पालन करते हुए अपना काम करेंगे तो देवी माँ की कृपा उन पर बनी रहेगी। पहला नियम यह था कि कत्ल में एक बूंद भी खून नहीं बहनी चाहिए। दूसरे किसी औरत या बच्चे को किसी हाल में नहीं मारा जाना चाहिए। तीसरे, जब तक माल मिलने की उम्मीद ना हो हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टेलर ने अपनी किताब में लिखा है कि आमिर अली खान को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। दूसरे सभी ठगों के बारे में मेजर जनरल स्लीमन ने लिखा है कि वे मानते ही नहीं थे कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। उनकी नज़र में यह अन्य पेशों की तरह एक पेशा था और उनके मन में जरा भी पछतावा या दुख नहीं था कि किस तरह मासूम लोगों को मार कर वे गायब कर देते हैं। कैसे होती थी रास्तों पर ठगी। जिताई पर निकलने वाले ठगों का गिरोह 20 से 50 तक का होता था। वह आमतौर पर 3 दस्तों में चलते थे, एक पीछे, एक बीच में और एक आगे। इन तीनों दस्तों के बीच तालमेल के लिए हर टोली में 1-2 लोग होते थे जो एक कड़ी का काम करते थे। वह अपनी चाल तेज या धीमी करके अलग अलग होते या साथ आ सकते थे। ज़्यादातर ठग कई भाषाएँ, गाना बजाना, भजन कीर्तन, नात, कव्वाली और हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तौर तरीके अच्छी तरह से जानते थे। वे ज़रूरत के हिसाब से तीर्थयात्री, बाराती, मजार के जायरीन या नकली स्वयात्रा निकालने वाले बन जाते थे।
एक रास्ते में वे कई बार अपना रूप बदल लेते थे। जाहिर है वे भेष बदलने में भी अच्छे खासे माहिर थे। वे बहुत धीरज से काम लेते थे, अपने शिकार को जरा भी भनक नहीं लगने देते थे। कई बार तो लोग ठगों के डर से ही अगले ठगों को शरीफ समझकर उनकी गिरफ्त में आ जाते थे। ठगों के सरदार आमतौर पर पढ़े लिखे इज्जतदार आदमी की तरह दिखने बोलने वाले लोग होते थे और बाकी उसके तरह के करिंदे। फिलिप मीडो टेलर की किताब कन्फेंशन ऑफ ए ठग में आमिर अली ने विस्तार से बताया है कि कैसे वह बड़े सेठों और मालदार लोगों से ज़रूरत के हिसाब से कभी किसी नवाब के सिपाह सलाहकार की तरह मिलता था, कभी मौलवी की तरह, तो कभी ही तीर्थयात्रियों का नेतृत्व कर रहे पंडित की तरह। आमिर अली ने बताया कि ठगों के काम बटे हुए थे। सोठा गिरोह के सदस्य सबसे समझदार, लोगों को बात में फंसाने वाले लोग थे जो शिकार के ताक में सरायों के आसपास मडराते थे। वह आने जाने वाले की टोह लेते थे, फिर उनके माल असबाब और हैसियत का अंदाजा लगाकर उसे अपने चंगुल में फंसाते थे। आमिर अली के गिरोह का सोठा गोपाल था, जो बहुत होशियारी से अपना काम करता था। शिकार की पहचान करने के बाद कुछ लोग उसके पीछे, कुछ आगे और कुछ सबसे आगे चलते थे। रास्ते भर धीमे धीमे करके ठगों की तादाद बढ़ती जाती, लेकिन वे ऐसा दिखाते जैसे वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। अपने ही लोगों को जत्थे में शामिल होने से रोकने का नाटक करते थे ताकि शक न हो। या बहुत धीरज का काम था, हड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। आमिर अली ने टेलर को बताया था कि कई बार तो हफ्तों दस हफ्तों तक सही मौके का इंतजार किया जाता था। अगर किसी गड़बड़ी की आशंका हो तो वारदात टाल दी जाती थी। कमाल का सामंजस। सबसे आगे चलने वाले दस्ते में बेल यानी कब्र तैयार करने वाले लोग रहते थे। उन्हें बीच वाले दस्ते से कड़ी का काम करने वाला बता देता था कि कितने लोगों के लिए कब्र बनानी है। पीछे वाला दस्ता नज़र रखता था कि कोई खतरा उनकी तरफ तो नहीं आ रहा है। आखिर में तीनों बहुत पास पास आ जाते, लेकिन इसकी खबर शिकार को नहीं होती थी। कई दिन गुजर जाने के बाद जब शिकार चौकन्ना नहीं होता था और जगह माकूल होती थी, तब गिरोह को कार्रवाई करने के लिए, सतर्क करने के लिए बातचीत में पहले से तय एक नाम लिया जाता था। आमिर अली ने अपने बयान में बताया कि इसके लिए सरमस्त खां, लंदन खां, सरबुल्द खां, हरिराम या जयगोपाल जैसे नामों का इस्तेमाल होता था। यह पहला इशारा था कि अब कार्रवाई होने वाली है। इसके बाद ठगों में सबसे इज्जतदार लोगों की बारी आती थी, जिन्हें भटौत या भटौती कहा जाता था। इनका काम बिना खून बहे रुमाल से सिक्का बांधकर बनाई गई गांठ से शिकार का गला घोटना होता था। हर एक शिकार के पीछे एक भटौत होता था। पूरा काम एक साथ दो तीन मिनट में होता था। इसके लिए मुस्तैद ठग अपने सरगना की झिरनी का इंतजार करते थे। क्या थी झिरनी? झिरनी अंतिम इशारा होता था कि अपने आगे खड़े या बैठे शिकार के गले में फंदा डालकर खींचा जाए। आमिर अली ने एक झटके में 12 से 15 तंदुरुस्त मर्दों का काम तमाम करने का वर्णन बेहद सहजता से किया है। उसने टेलर को बताया, इशारा या झिरनी आमतौर पर सुरती खा लो, हुक्का पिलाओ या गाना सुनाओ जैसा छोटा वाक्य होता था। फिर पलक झपकते ही भटो शिकार के गले में फंदा डाल देते थे और दो तीन मिनट में आदमी तड़पड़ा कर ठंडा हो जाता था। इसके बाद लाशों से कीमती सामान हटाकर उन्हें पहले से खुदी हुई कब्र में एक के सिर की तरफ दूसरे का पैर वाली तरकीब से कब्रों में डाल दिया जाता ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा लाशें आ सके। इसके बाद जगह को समतल करके उनके ऊपर कांटेदार झाड़ियाँ जो पहले से तैयार रखी होती थी लगा दी जाती थी ताकि जंगली जानवर कब्र को खोदने की कोशिश ना करे। इस तरह पूरा का पूरा चलता फिरता काफिला हमेशा के लिए गायब हो जाता था और ठग भी। ठग एक अलग तरह का जीव था। आमिर अली ने अपने बयान में बताया है कि आज के उत्तर प्रदेश के जालौन में वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ज़्यादातर लोग उसे मुसलमान जमींदार या सौदागर समझते थे। साल के 7-8 महीने वह घर पर एक इज्जतदार मुसलमान की तरह रहता और सही समय पर पूजा पाठ करके 4 महीने के लिए जिताई पर निकल जाता था। बहुत कम लोग जानते थे कि कौन ठग है, लेकिन एक पूरा नेटवर्क था या संगठित अपराध था।
आमिर अली के मुताबिक कई छोटे बड़े जमींदारों और नवाबों ठगों से इजराना वसूल करते थे और मुसीबत के वक्त उन्हें पनाह भी दे देते थे, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक नहीं लगने देते थे। इसी तरह कई जमींदारों ने ठगों को अपनी बिना खेती वाली जमीन इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी, जिसमें वे सामूहिक कब्रें खोदते थे। बदले में उन्हें ठगों से हिस्सा मिलता था। इसी तरह हर जगह ठगों के मुखबिर और उनके मददगार लोग थे जिन्हें वे पैसे देते थे या उनसे दोस्तियां गाड़ते थे। मदद करने वाले इन लोगों को तो कई बार पता भी नहीं होता था कि वे किसका साथ दे रहे हैं। कौन ठग था और कौन नहीं, अंग्रेज इस पहेली से लगातार जूझ रहे थे। फिल्म मीटर टेलर ने अपनी किताब की भूमिका में 1825 से 1826 के एक दिलचस्प किस्से का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, मेरी तैनाती हिंगोली में थी। वहाँ हर सिंह नाम का एक व्यापारी था, हम उसे लेन देन करते थे। एक दिन उसने बॉम्बे के कुछ कपड़ा लाने का परमिट मांगा, जो उसे दे दिया गया। वह कपड़ा ले आया और उसने मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में कपड़ा बेचा। दरअसल वह कपड़ा किसी और व्यापारी का था। हर सिंह ने उसे और उसके करिंदों को मारकर कपड़ा लूट लिया था। हर सिंह दरअसल ठग था। अंग्रेजों को हर सिंह के ठग होने का पता कई साल बाद चला, जब उसे पकड़े जाने के बाद अंग्रेज का मजाक उड़ाया और बताया कि कैसे कपड़े का परमिट लेकर उसने गोरे साहब को उल्लू बनाया था। 1835 के बाद के सालों में जब ठग पकड़े जाने लगे और उनकी पोल खुलने लगी, तो पता चला कि ठगी कितने बड़े पैमाने पर जारी थी। फिल्म मीडो टेलर ने लिखा है कि मैं मंदसौर में सुपरडेंट था, जब हमने एक वादा माप सहकारी गवाह बने ठग की निशानदेही पर जमीन खोदनी शुरू की, तो इतनी सामूहिक कब्रें मिली कि हमने परेशान होकर खुदाई करनी ही बंद कर दी। ठगों पर भारी अफ्रीकी गुलाम। गहन ऐतिहासिक शोध के बाद लिखे गए मंसूर-उर-रहमान फारूकी के चर्चित उपन्यास कई चांद थे सारे आसमां में 1843 से 1844 में रामपुर के नवाब के खास दरबारी मिर्जा तुरब अली के ठगों के हाथों मारे जाने का विस्तृत ब्यौरा है। इसमें बताया गया है कि बिहार के सोनपुर के मेले से हाथी घोड़े खरीदने गए नवाब के सिपाही सलाहकार और उनके 6 साथियों को ठगों ने मार डाला। मिर्जा तुराब अली और उनके साथियों की हत्या के बारे में ब्यौरा मिला। उनके मुताबिक ठगों ने एक मरे हुए मुसलमान राहगीर की जनाजे की नमाज पढ़वाने के बहाने हथियारबंद मिर्जा और उनके साथियों को घोड़ों के नीचे उतारा था। जब वे नमाज पढ़ रहे थे, तभी सूरती खिलाव की आवाज़ हुई और 7 लोग रुमाल से गला घोटकर मार डाले गए। जब तुराब अली रामपुर लौटकर नहीं आए, तो नवाब को शक हुआ कि कहीं ठगों के शिकार तो नहीं हो गए। उन्होंने अफ्रीका से गुलाम बनाकर गुजरात के तट पर लाए गए अफ्रीकियों की कहानियां सुन रखी थी, जिन्हें सीधी कहा जाता है। उन्होंने इस काम के लिए सीधी इकराम और सीधी मुनीम की मदद ली। सीधियों के बारे में फारूकी लिखते हैं, नस्ल के लिहाज से सीधी और काम के लिहाज से उन्हें खोजिया कहा जाता था। उनके हुनर की बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। उन्हें गुजरात से अवध तक बुलाया जाने लगा था। पुराने कदमों के निशान, लापता लोगों का पता लगाना और फरार लोगों के सुराग ढूंढने में वे माहिर थे। आपस में वे स्वाहिली में जबकि दूसरे लोगों से हिंदी में बात करते थे। रामपुर के नवाब ने अपने वफादार मिर्जा तुराब अली और उनके साथियों का पता लगाने के लिए सीधियों को भेजा। सीधी पूरे रास्ते डंडे लगाते, गिल्लियां गाड़ते, हर चीज की बारीक पड़ताल करते चल रहे थे। फारूकी लिखते हैं कि वे एक बड़े चौकोर मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने लकड़ी से लकीरें खींचकर बड़े बड़े चौकोर खाने बनाए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके उन खानों को सूंघना और उनकी मिट्टी को क्रोधना शुरू किया। वे किसी खोजी कुत्ते से भी ज़्यादा एकाग्र से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने एक जगह पहुंचकर आवाज़ लगाई, जमादार जी, वो मारा, यहाँ खुदाई करवाओ। जब वहाँ खोदा गया तो मिर्जा तुराब अली सहित नवाब के सभी करिंदों की लाशें मिल गई। सीधी आज भी गुजरात के कुछ इलाकों में बसे हुई हैं, लेकिन ठगों का सफाया हो चुका है। ठग आमिर अली के बारे में बताने लायक एक फिल्मी से लगने वाली बात ये है कि उसे उस ठग ने बहुत प्यार से अपने बेटे की तरह पाला था, जिसने उसके बाप को एक वारदात के दौरान मार डाला था। आमिर को गोद लेने वाले ठग बाप से ठगी की दीक्षा मिली थी, इसी कारण ठगी को एक नेक काम मानता था।
वीर फिल्म की कहानी सलमान खान ने लिखी है और वो भी लगभग 20 वर्ष पहले। फिल्म में आने से पहले धर्मवीर, राजतिलक, मर्द जैसे मसाला फिल्में उन्होंने देखी होंगी जिनमें नायक सर्वोच्च होता था। शायद सलमान खान पर भी इस तरह की फिल्मों का असर हुआ और उनकी लिखी वीर में इन फिल्मों की झलक मिलती है। कहानी पिंडारी नामक समूह की है जिसके साथ माधवगढ़ का राजा यानी जैकी श्रॉफ अंग्रेजों के साथ मिलकर धोखा करता है। अपने पिता के अपमान का बदला वीर यानी सलमान खान लेना चाहता है। अंग्रेजों के छल कपट सीखने के लिए वह लंदन पढ़ने भी जाता है, लेकिन इसी बीच उसे माधवगढ़ की राजकुमारी यशोधरा यानी जरीन खान से प्यार हो जाता है। एक तरफ प्यार और दूसरी ओर कर्तव्य, वीर और यशोधरा दोनों इस दुविधा में फंस जाते हैं। कैसे वो इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, यही फिल्म का सार है। अनिल शर्मा ने इस फिल्म का निर्माण पूरी तरह सलमान खान के प्रशंसकों को ध्यान में रखकर किया है। सल्लू के प्रशंसक के बीच जो उनकी इमेज है उसी को ध्यान में रखकर सीन गढ़े गए हैं। हर दृश्य इस तरह लिखे और फिल्माए गए हैं ताकि सलमान खान बहादुर, नेक दिल, बलवान, निडर, देशभक्त और स्वाभिमानी लगे। सलमान के मुंह से जहां पकड़ूंगा पांच शेर मांस निकाल लूंगा और जब राजपूतों का खून उबलता है तो उसकी आंच से गोरी चमड़ी सुलझ जाती है, जैसे संवाद बुलवाए गए हैं ताकि उन्हें पसंद करने वाले तालियां पीटे। रेल से खजाना लूटने वाला दृश्य लंदन के स्कूल में टीचर और सलमान वाला दृश्य सलमान और मिथुन के बीच तलवारबाजी वाले दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। निर्देशक अनिल शर्मा ने मनोरंजक तत्व और सलमान पर अपना सारा ध्यान दिया है ताकि दर्शक स्क्रिप्ट की कमियों पर ध्यान नहीं दे या उनकी उपेक्षा कर दे, और इसमें उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी भी पाई है। वीर और यशोधरा के रोमांस को भी अच्छा फिल्माया गया है। इंटरवल तक फिल्म मनोरंजक है, लेकिन दूसरे भाग में यह कमजोर पड़ गई है क्योंकि इसे ज़रूरत से ज़्यादा खींचा गया है। स्क्रिप्ट में कई खामियां भी हैं। लंदन में यशोधरा के भाई की हत्या कर वीर का बड़ी आसानी से भारत आ जाना, यशोधरा से भारत में मुलाकात के बाद संयोग से वीर का उसी कॉलेज में एडमिशन लेना जहां यशोधरा पढ़ती है और वीर का माधवगढ़ में जाकर यशोधरा से संबंध बनाना जैसे प्रसंग अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखे गए हैं। सलमान ने अपना काम बाखूबी किया है और एक प्रकार से उनका ही शो है। पूरी फिल्म में उनका दबदबा है, गुस्से को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह व्यक्त किया है। जरीन खान राजकुमारी की तरह दिखाई दी हैं, लेकिन उनका अभिनय औसत रहा। चेहरे के जरिए भाव को व्यक्त करना उन्हें सीखना होगा। मिथुन चक्रवर्ती को लंबे समय बाद अच्छा रोल मिला और उन्होंने अपना काम बाखूबी किया। सोहेल खान ने हंसने की नाकाम कोशिश की। पुरु राजकुमार भी फिल्म में नजर आए थे। साजिद वाजिद ने कुछ अच्छी धुनें बनाई थी। सुरील अखियो वाली, मेहरबानियाँ और सलाम आया अच्छे बन पड़े हैं। गुलजार ने उम्दा बोल लिखे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक उम्दा है। गोपाल शाह का फिल्मांकन फिल्म को भव्यता प्रदान करता है। टीनू वर्मा के एक्शन सीन ठीक ठाक हैं। वीर पुराने दौर की मसाला फिल्मों की तरह है और यदि आप सलमान खान के प्रशंसक हैं तो आप इसे जरूर पसंद करेंगे। वीर 2010 की एक ऐतिहासिक निर्धारित काल्पनिक फिल्म है जिसके डायरेक्टर अनिल शर्मा हैं। इसके मुख्य नायक नायिका सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती, सोहेल खान, जैकी श्रॉफ और जरीन खान हैं। इस फिल्म के लेखक स्वयं सलमान खान ही हैं तथा इसके हेतु से 1825 के ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्थान में हुए पिंडारी हमलों का बनाया गया है। यह फिल्म 22 जनवरी 2010 को रिलीज हुई थी। यह कहानी वीर प्रताप से शुरू होती है। वीर प्रताप सिंह बड़े ही प्रतापी पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह का बेटा था जो देश को आज़ादी दिलाने हेतु युद्धों में बड़ा प्रचलित था। उसने अपने पिता के शासन को कायम रखने हेतु माधवगढ़ नामक राज्य के शासन का भार उठाया जहां का राजा ज्ञानेंद्र सिंह अंग्रेजों से मिला था। वीर को उसके भाई पुण्य सिंह से पूरी सहायता प्राप्त थी। वीर की आरंभिक शिक्षा तो राजस्थान के पिंडारी कबीले में हुई थी। उसके बाद वह उच्च शिक्षा हेतु विदेश भाग गया जहाँ एक रास्ते पर उसकी भेंट राजकुमारी यशोधरा से हुई थी। पहली नज़र में ही दोनों को प्रेम हो गया। पढ़ाई के बाद जब वह गांव आया तब पता चला कि यशोधरा ज्ञानेंद्र की बेटी है तथा माधवगढ़ की राजकुमारी है। वह अपने पिता से राजा को मारने के बात को मानकर भेष बदलकर राजा का शुभचिंतक बन जाता है। राजकुमारी के स्वयंवर में राजकुमारी अनजाने में वीर को वीर कहकर संबोधित करती है जिससे सबको पता चल जाता है कि वह पिंडारी है। वह भरे स्वयंवर में राजकुमारी यशोधरा से विवाह कर लेता है। इन दोनों के कुछ समय एकांतवास के बाद पिंडारी माधवगढ़ के किले पर धावा बोलते हैं। वीर का कहना था कि अंग्रेजों ने मुझसे कहा है कि वे चले जाएंगे, अतः बात आसानी से सुलझ जाती है, तो फिर खून खराबे की आवश्यकता ही क्या है। पर उसके पिता ने पहले ही राजा को मरने की कसम खाई थी, अतः रणभूर में पिता पुत्र में युद्ध हुआ। इस बीच राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने पिंडारियों पर तोप से हमला करना चाहा, पर पिंडारी सेना पहुंच से बाहर थी, अतः उसने एक गोली चलाई जो सीधे वीर के सीने पर जा लगी। जब भगदड़ मचा तब राजा ने तोप चलाना चाहा, परंतु उसके राजपूत साथी सत्य का साथ देने लगे और गोली लगने के बाद भी वीर सेना के साथ किले में घुस गया तथा कुछ समय में ही संपूर्ण अंग्रेजी सेना को समाप्त
कर राजा को भी मार दिया। अंत में अपने मृत्यु से पहले उसने किले में पिंडारी झंडा लहराया और फिर आऊंगा कहकर अपने पति यशोधरा, पिता तथा भाई के सामने दम तोड़ दिया। उस समय यशोधरा एकांतवास में फलस्वरूप गर्भवती थी। कुछ समय बाद उसने अपनी एक पत्नी के पेट से जन्म लिया। उसने कहा दद्दा, वह अपने पिता को दद्दा बोलता था और कहा था ना कि आऊंगा। उसके बातों आज से समझ गया कि वह वीर ही है। इस प्रकार सलमान खान की स्वप्रम कथा का फिल्मीकरण हुआ। पिंडारी दक्षिण भारत के युद्ध प्रिय पठान सवार थे। उनकी उत्पत्ति तथा नामकरण विवादास्पद है। वह बड़े कर्मठ, साहसी तथा वफादार थे। टट्टू उनकी सवारी थी, तलवार और भाले उनके अस्त्र थे। वे दलों में विभक्त थे और प्रत्येक दल में साधारणतः 2 से 3 हजार तक सवार होते थे। योग्यतम व्यक्ति दल का सरदार चुना जाता था, उसकी आज्ञा सर्वमान्य होती थी। पिंडारियों में धार्मिक संकीर्णता न थी। 18वीं शताब्दी में पासीजात भी उनके सैनिक दलों में शामिल थे। उनकी स्त्रियों का रहन सहन हिंदू स्त्रियों जैसा था। उनमें देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी। मराठों की स्थायी सेना में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। पिंडारी सरदार नसरू ने मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सहायता की थी। पुनापा ने उनके उत्तराधिकारियों का साथ दिया था। गाजीउद्दीन ने बाजीराव प्रथम को उसके उत्तरी अभियानों में सहयोग दिया। चिंगोजी तथा होल के नेतृत्व में 15,000 पिंडारियों ने पानीपत के युद्ध में भाग लिया। अंत में मालवा में बस गए और सिंधिया शाही तथा केल्हार शाही पिंडारी कहलाए। ही डिग्री और बुर्रन उनके सरदार थे। बाद में चीतो करीम खां, दोस्त मोहम्मद और वसील मोहम्मद सिंधिया की पिंडारी सेना के प्रसिद्ध सरदार हुए तथा कादिर खां, तुक्कू खां, साहिब खां और शेख दुल्ला होलकर की सेना में रहे। पिंडारी सवारों की कुल संख्या लगभग 50,000 थी। युद्ध में लूटमार और विध्वंस के कार्य उन्हीं को सौंपे जाते थे। लूट का कुछ भाग उन्हें भी मिलता था। शांतिकाल में वे खेती बाड़ी का व्यापार करते थे। गुजारे के लिए उन्हें कर मुक्त भूमि तथा टट्टू के लिए भत्ता मिलता था। मराठा शासकों के साथ बेलेचली की सहायक संधियों के फलस्वरूप पिंडारियों के लिए उनकी सेना में स्थान न रहा, इसलिए वे धन लेकर अन्य राज्यों का सैनिक सहायता देने लगे तथा अव्यवस्था से लाभ उठाकर लूटमार से धन कमाने लगे। संभव है उन्हीं के भय से कुछ देशी राज्यों ने सहायक संधियां स्वीकार की हो। सन 1807 तक पिंडारियों के धावे यमुना और नर्मदा के बीच तक सीमित रहे। तत्पश्चात उन्होंने मिर्जापुर से मद्रास तक और उड़ीसा से राजस्थान तथा गुजरात तक अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत कर दिया। 1812 में उन्होंने बुंदेलखंड पर, 1815 में निजाम के राज में मद्रास तक तथा 1816 में उत्तरी सरकारों के इलाकों पर भयंकर धावे किए। इससे शांति एवं सुरक्षा जाती रही तथा पिंडारियों की गणना लुटेरों में होने लगी। इस गंभीर स्थिति से मुक्ति पाने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग ने 1817 में मराठा संघ को नष्ट करने के पूर्व कूटनीति द्वारा पिंडारी सरदारों में फूट डाल दी तथा संधियों द्वारा देशी राज्यों से उनके विरुद्ध सहायता ली। फिर अपने और हिसलप के नेतृत्व में 1,20,000 सैनिक तथा 300 तोपों सहित उनके इलाके को घेर कर उन्हें नष्ट कर दिया। हजारों पिंडारी मारे गए, बंदी बने या जंगलों में चले गए। चीतू को असोरगढ़ के जंगल में चीते ने खा डाला। वसील मोहम्मद ने कारागार में आत्महत्या कर ली। करीम खां को गोरखपुर जिले में गणेशपुर की जागीर दी गई। इस प्रकार पिंडारियों के संगठन टूट गए और वे तितर बितर हो गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस 1805 द्वारा देशी राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई, जिसके कारण न केवल मध्य भारत और राजपुताना की रियासतें पिंडारियों और दूसरे लुटेरों के क्रीड़ा स्थल बनी, बल्कि मराठों की शक्ति घटते जाने से पिंडारी बहुत शक्तिशाली बनते गए और वे अंग्रेजी इलाकों पर भी धावा मारने लगे। स्थान स्थान पर पिंडारियों के गिरोह खड़े हो गए। पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है लुटेरे, सैनिक होता है। पिंडारियों के दल टिड्डी दल की भांति अचानक गाँव में घुसाते और लूट मार मचा कर भाग जाते। कोई भी गांव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जागीरदार तथा कोई भी राजा उनसे सुरक्षित नहीं था। अतः प्रत्येक गांव में ऊंचे मचान बनाए जाते तथा उन पर बैठकर पिंडारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। घोड़ों के इर्द गिर्द देखकर उनके आगमन की सूची ढोल या नकारों बजाकर दी जाती थी। पिंडारियों के आने की सूचना मिलते ही लोग स्त्रियों, बच्चों, धन जेवर तथा रुपये आदि लेकर इधर उधर छुप जाया करते थे। जागीरी गाँव में जनता किलों में घुस जाती थी ताकि किसी तरह प्राणों की रक्षा हो सके। पिंडारी किसी भी गांव में अधिक समय तक नहीं ठहरते थे। वे आंधी की तरह आते थे और तूफान की तरह निकल जाते थे। पिंडारियों के कारण मरवाड़, मेवाड़,
दुधार तथा हड़ौती जैसे समृद्ध क्षेत्र उजड़ने लगे थे। भीलवाड़ा जैसे कस्बे तो पूरी तरह वीरान हो गए थे। कोटा राज को इन्होंने खूब रौंदा। झाला झालमिल सिंह ने पिंडारियों के विरुद्ध विशेष सैन्य दल गठित किए। इक्का दुक्का आदमियों को मार्ग में पाकर ये पिंडारी अपने रुमाल से उनका गला घोट देते और उनका सर्वस्व लूट लेते थे। इस समय पिंडारियों के चार प्रमुख नेता थे, करीम खां, वसील मोहम्मद, चीतू और अमीर खां। करीम खां के नेतृत्व में लगभग 60,000 पिंडारी राजपुताना में लूटमार करते थे। अमीर खां का दादा तालेब खां अफगान कलीम खां का पुत्र था। तालेब खां मोहम्मद शाह गाजी के काल में बेनेमर से भारत आया था। तालेब खां का लड़का हयात खां था, जो मौलवी बन गया था। हयात खां का लड़का अमीर खां 1786 में भारत में ही पैदा हुआ था, जो 20 बरस का होने पर रोजी रोटी के तलाश में घर से निकल गया। उन दोनों सिंधिया का फ्रांसीसी सेनापति डिबोगले सेना की भर्ती कर रहा था। अमीर खान ने भी इस सेना में भर्ती होना चाहा, किंतु डिबोगले ने उस अनुशासनहीन छोकरे को अपनी सेना में नहीं लिया। इस पर अमीर खान कुछ दिन तक इधर उधर आवारागर्दी करने के बाद जोधपुर आया और विजय सिंह की सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद वह अपने साथ 300-400 आदमियों को लेकर बड़ौदा चला गया और गायकवाड़ की सेना में भर्ती हो गया। वहाँ से भीड़ निकाले जाने पर अमीर खान और उसके आदमी भोपाल नवाब की सेवा में चले गए। 1794 ईस्वी में अमीर खां उसके आदमियों ने भोपाल नवाब मोहम्मद यासीन अलियास चट्टा खां के मरने के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया और वहां से भागकर रायगढ़ में आ गया। यहां उसके आदमियों की संख्या 500 तक जा पहुंची। अब उसे कुछ कुछ महत्व मिलने लगा। कुछ समय बाद उसका राजपूतों से झगड़ा हो गया। राजपूतों ने उसे पत्थरों से मार मार कर अधमरा कर दिया। कई महीनों तक अमीर खां सिरोज में पड़ा रहकर अपना उपचार करवाता रहा। ठीक होने पर वह भोपाल के मराठा सेनापति बलराम इंगालिया की सेना में भर्ती हो गया। वहां उसे 1500 सैनिकों के ऊपर नियुक्त किया गया। भोपाल नवाब ने अमीर खां के आदमियों को जो वेतन देने का वादा किया था वह कभी पूरा नहीं हुआ। इस पर 1798 ईस्वी में उसने जसवंत राव होलकर से संधि कर ली, जिसमें तय हुआ कि अमीर खां कभी भी जसवंत राव पर आक्रमण नहीं करेगा तथा लूट के माल में दोनों आधा आधा करेंगे। 1806 में अमीर खां ने अपनी सेना में 35,000 पिंडारियों को भर्ती किया, जिसके पास 115 तोपे भी हो गई थी। यह संख्या बढ़ती ही चली गई। अब मराठा सरदार अमीर खां की सेवाएं बड़े कामों में भी प्राप्त करने लगे। जब 1806 में जसवंतराव होलकर की सेना में विद्रोह हुआ तो होलकर ने मुस्लिम सैनिकों को नियंत्रित करने का काम अमीर खां को सौंपा। इस कार्य में सफल होने पर होलकर ने उसे मराठों की ओर से कोटा से चौथ वसूली का काम सौंपा। अमीर खां को लेकर होलकर से ही 1809 में निम्बाहेड़ की तथा 1816 में छबड़ा की जागीर प्राप्त हुई। 1812 में अमीर खां के पिंडारियों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। 1807 से 1817 के बीच अमीर खां ने जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ राज्यों की आपसी शत्रुता में रुचि दिखाई तथा इन राज्यों का जीना हराम कर दिया। उसके पिंडारियों ने तो तीनों ही राज्यों की प्रजा तथा राजाओं को भी भर भर कर लूटा था। 1803 ईस्वी में राजा मानसिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसके पूर्ववर्ती राजा भीम सिंह की विधवा रानी गर्भवती थी, जिसने कुछ दिन बाद धोकल सिंह नामक पुत्र को जन्म दिया। पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह ने पाली, बगड़ी, हर्सुलाव, खेसवर, मरोड़, सेनड़ी, पुनलु आदि के जागीरदारों को अपने पक्ष में करके धोलक सिंह को मरवाड़ का राजा बनाना चाहा। उसने जयपुर के राजा जगत सिंह तथा बीकानेर के राजा सूरज सिंह को भी अपनी ओर मिला लिया। इन तीनों पक्षों में लगभग 1,00,000 सिपाहियों की सेना लेकर जोधपुर राज पर चढ़ाई कर दी। मान सिंह ने गिगोली के पास इस सेना का सामना किया, किंतु जोधपुर राज के सरदार जबरदस्त मान सिंह का घोड़ा युद्ध के मैदान से बाहर ले आए। शत्रु सेना ने परबत्सर, मरोड़, मेड़ता, पिपाड़ आदि कस्बों को लूटते हुए जोधपुर का दुर्ग घेर लिया। इस पर मान सिंह को पिंडारी नेता अमीर खां की सेवाएं लेनी पड़ी। उसने अमीर खां को पगड़ी बदल भाई बनाया और उसने अपने बराबर बैठने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, मान सिंह ने अमीर खां को पाटवा, डागावास, दरीबा तथा नावा आदि गांव भी प्रदान किए। अमीर खां ने महाराजा को वचन दिया कि वह सवाई सिंह को अवश्य दंडित करेगा। अमीर खां ने एक भयानक चाल रचा। उसने महाराज मान सिंह से पैसे के लिए झगड़ा करने का
सन्नाटा किया तथा जोधपुर राज के गांव को लूटने लगा। जब सवाई सिंह ने सुना कि अमीर खां जोधपुर राज के गांव को लूट रहा है तो उसने अमीर खां को अपने पक्ष में आने का निमंत्रण दिया। अमीर खां ने सवाई सिंह से कहा कि यदि सवाई सिंह अमीर खां के सैनिकों का वेतन चुका दे तो अमीर खां सवाई सिंह को जोधपुर के किले पर अधिकार करवा देगा। सवाई सिंह अमीर खां के आदमियों का वेतन चुकाने के लिए तैयार हो गए। इस पर अमीर खां ने सवाई सिंह को अपने साथियों सहित मुंडवा आने का निमंत्रण दिया। सवाई सिंह चंडाल पोकरा पाली और बकरी के ठाकुरों को साथ लेकर मुंडवा पहुंचा। अमीर खां के आदमियों ने इन ठाकुरों को एक सामियाने में बैठाया तथा धोखे से सामियाने की रस्सियां काटकर चारों तरफ से तेल के गोले बरसाने लगे। इसके बाद मृत ठाकुरों के सिर काटकर राजा मानसिंह को भिजवाते गए। इस घटना से सारे ठाकुर डर गए और उन्होंने महाराजा से माफी मांग ली। कुछ दिनों बाद अमीर खां महाराज से पैसों की मांग करने लगा। जब महाराज ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने गांव में आतंक मचा दिया। एक दिन उसके आदमियों ने जोधपुर के महलों में घुसकर राजा मानसिंह के प्रधानमंत्री इंदिरा सिंधवी तथा राजा के गुरु आयास देवनाथ की हत्या कर दी। भारतीय इतिहास की बीती दो सदियां लुटेरे पिंडारिया ठगों की करतूतों से रंगी हुई हैं। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रियों के काफिलों को लूटते रहे हैं। यात्रियों को लूटना इनकी फितरत थी और उन्हें जीवित न छोड़ना इनका धर्म। आजीविका के लिए उन्होंने रास्तों से गुजरने वाले व्यापारियों को ठगना और लूटना शुरू कर दिया। चंबल के बीहड़ इन पिंडारियों के भी शरणदाता बन गए। पिंडारियों के निशाना अक्सर व्यापारियों के काफिले ही बनते थे जो अपना माल बेचकर वजन हल्का कर लौट रहे होते थे। इन पर होने वाले धन की भी मुखबिरों के जरिए खबर लग जाती थी। इसके बाद सिंधिया शासन व अंग्रेजों के राज तक पिंडारियों का आतंक कायम रहा। अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इनकी पहचान करना सहज नहीं था क्योंकि इनका ठिकाना एक जगह नहीं था। ऐसे में अंग्रेज उन्हें नहीं पकड़ पाते थे और ये अपने काम को अंजाम देने के बाद बड़ी सहजता से निकलकर भीड़ों में समा जाते थे। उनसे रक्षा के लिए अलग दस्ते तैनात किए जाने पड़ते थे। इस दस्ते का नेतृत्व अंग्रेज अफसर विलियम सिलीमैन को सौंपा गया था। इतिहास में सिलीमैन इसलिए मशहूर हैं क्योंकि उसने समूचे मध्यतर भारत को दुर्दांत पिंडारी लुटेरों के जाल से मुक्ति दिलाई थी। स्वतंत्रता के दोनों संग्रामों के दौरान पिंडारियों ने दिया क्रांतिकारियों का साथ। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली चंबल के किनारे 450 वर्ग किलोमीटर फैले इन बीहड़ों में पिंडारियों का आतंक था। हालांकि आज़ादी के लिए लड़ी गई दोनों जंगों में अंग्रेज के विरोध में खड़े रहे। इस जंग में उनके घर बर्बाद हो गए। अंग्रेजों ने उनके घरों में आग लगा दी लेकिन इन डिगटों ने आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर क्रांतिकारियों ने साथ दिया। वीर फिल्म के बहाने हमने पिंडारियों के अतीत से पर्दा उठाना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इतिहास में जिस चीतू खान के जंगल में चीता खाने के बात लिखी है उनको अंग्रेजों ने गणेशपुर में रिसायत दी और वहां उनकी मजार है। पिंडारी लोग अब अभियान चला रहे हैं ताकि उनके बारे में इतिहास में सही तथ्य अंकित हो सके। उन्हें गलत इतिहास से शिकायत है। पूर्वजों का शौर्य देख रोमांचित हो गए पिंडारी। आनंद राय गोरखपुर इतिहास की बुनियाद और कल्पना के सहारे पिंडारियों की शौर्य गाथा पर बनी फिल्म वीर को पूर्वांचल में ऐतिहासिक सलामी मिली। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी यहाँ के सिनेमा हॉल गर्म हो गए थे। जुमे की नमाज की वजह से पिंडारी दिन का शो नहीं देख सके। दोस्तों के साथ पिंडारी मुखिया ने रात का शो देखा। पर्दे पर पिंडारियों की शौर्य गाथा देखकर वे लोग रोमांचित हो गए। फिल्म वीर पूर्वांचल में इसलिए बेहद प्रशंसित हो गई क्योंकि अंग्रेजों ने समझौते के तहत पिंडारी सरदार करीम खां को गोरखपुर के सिंकरीगंज में जागीर देकर बसाया था। अब उनकी वंश बेल दूर दूर तक फैल गई है। इस ऐतिहासिक तथ्य को दैनिक जागरण ने 21 जनवरी के अंक में उजागर किया। पिंडारी परिवार के मुखिया अब्दुल रहमत करीम खां और अब्दुल मामूद करीम खां जुमे की वजह से दिन में नहीं जा पाए लेकिन रात को SRS में शो देखा। एक एक दृश्य पर उन लोगों की निगाह जमी थी। पहले उन लोगों ने तय किया था कि यदि फिल्म में उनके पूर्वजों पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पूरी फिल्म पिंडारी कौम की शौर्य गाथा को प्रदर्शित कर रही है इसलिए उन लोगों की खुशी बढ़ गई। फिल्म वीर में पिंडारियों के कबीले में हिंदू मुसलमान दोनों दिखे। फिल्म में हैदर अली पिंडारियों के सरदार हैं जबकि पूरी फिल्म की कहानी पिंडारी पृथ्वी सिंह के पुत्र वीर के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में इस बात को झुठलाने की कोशिश की गई है कि पिंडारी अमानवी बेहद क्रूर और अराजक थे। माधवगढ़ की युवराजी यशोधरा से प्रेम की शुरुआत ही लूटपाट करने गए वीर के मानवीय गुणों से होती है। पिंडारी परिवार के रहमत खां और मामूद खां यह सुनना पसंद नहीं करते हैं कि पिंडारी
लुटेरे और क्रूर थे। उनका कहना है कि पिंडारी कौम हमेशा से बहादुर थी, अन्याय के खिलाफ लड़ी। उन लोगों का कहना है कि फिल्म में हमारी सही समीक्षा की गई है। फिल्म की बारीकियों पर नज़र रखने वाले सिनेमा वितरक अख्तर हुसैन अंसारी कहते हैं कि वीर फिल्म में इतिहास के कुछ जीवित संदर्भ हैं, लेकिन काल्पनिक जिंदगी की तस्वीरें सब पर भारी हैं। आनंद राय गोरखपुर पिंडारियों की शौर्य गाथा को प्रदर्शित करने वाली फिल्म वीर पिंडारियों के मुखिया रहमत करीम खां और उनके चचेरे भाई अब्दुल मामूद करीम खां को जितनी अच्छी लगी, उतना ही इतिहास के उनकी नाराजगी बढ़ गई। इतिहास में पिंडारियों को बर्बर और लुटेरा लिखे जाने पर उन लोगों ने क्षोभ जाहिर किया है और भारत सरकार से मांग की है कि इतिहास से झूठे तथ्यों को हटाया जाए। बातचीत में उन लोगों ने यह स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज लुटेरे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को ही लूटा। अंग्रेजों के लिखे इतिहास को ही हमारा इतिहास मान लिया गया। इस कलंक को मिटाने के लिए वे अभियान चलाएंगे। लॉर्ड होस्टिंग के साथ हुए समझौते के तहत 1820 में सीकरीगंज में जागीर देकर बसाए गए पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज अब्दुल रहमत करीम खां, अब्दुल महमूद करीम खां और उनके परिवारी जन ने शुक्रवार की रात को फिल्म वीर देखी थी। इस फिल्म को देखने के बाद उन लोगों ने शनिवार की सुबह सीकरीगंज नवाब हाता में अपने परिवारी जन में खुशी बांटी। फिल्म से संतुष्ट पिंडारी मुखिया को सलमान खान से सिर्फ इतनी शिकायत है कि उनके पूर्वज करीम खां का फिल्म में जिक्र नहीं हुआ है, पर इस फिल्म में उन लोगों को हौसला बढ़ा दिया है। उन लोगों को अब इतिहास पर आपत्ति है। पिंडारी मुखिया का कहना है कि हाँ, हमारे पूर्वज लुटेरे थे, लेकिन उन्हें गलत ढंग से इतिहास में दिखाया गया है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया और उनके खजाने को लूटा। इतिहासकारों से पिंडारी परिवार का सवाल है कि क्या आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिन जिन नामचीन सेनानियों ने अंग्रेजों का खजाना लूटा, उन्हें लुटेरा कहा जाए। पिंडारियों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों और उनके सरपरस्तों को लूटा, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, इसलिए उन्होंने हमसे समझौता किया। हम अंग्रेजों पर भारी पड़े या बहुतों को हजम नहीं हुआ। महबूद खान का तर्क है कि चूंकि हम बेहद अल्पसंख्यक हो गए और पिंडारी सेना को अंग्रेजों और उनकी गुलामी राजाओं ने तबाह कर दिया, इसलिए सियासी चाल के तहत हमारे इतिहास को दागदार कर दिया। अब हमारा मकसद इस कलंक को धोना है, इतिहास के पन्नों लिखी गलत इबारत को दुरुस्त करना है। पिंडारी बोले, हमें भी सम्मान चाहिए। कार्यालय संवाददाता गोरखपुर इतिहास के पन्ने में लुटेरा साबित हुए पिंडारियों ने वीर फिल्म के प्रदर्शन के बाद अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधित चिट्ठी में पिंडारियों ने कहा था कि सरकार हमें भी सम्मान दो ताकि हम चैन से जी सके। सलमान खान की फिल्म वीर के प्रदर्शन के बाद सिकरीगंज स्थित नवाब हाता में सक्रियता बढ़ गई थी। पिंडारी सरदार करीम खां के वंशज परिवार के मुखिया अब्दुल रहमत करीम खां और उनके भाई अब्दुल महमूद करीम खां ने अपने सम्मान के लिए अभियान शुरू कर दिया था। रविवार को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्रक तैयार हुआ, जिसमें उन लोगों ने यह लिखा है कि पिंडारी कौम बहुत बहादुर थी, आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ी, लेकिन मालवा प्रदेश में पिंडारियों को घेर कर धोखे से मारा गया। धोखा देने के बाद भी जब बचे हुए पिंडारी उन पर भारी पड़े, उन लोगों ने समझौता किया। अमीर को टोक और करीम खां को गोरखपुर के